वेरी गुड मॉर्निंग एम आई ऑडिबल एंड विजिबल गुड मॉर्निंग एवरीवान हाउ आई यू कैसे हो आप लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल राइट गुड मॉर्निंग जी नमस्ते सत्याकाल सभी को भगवान का नाम लेकर आ जाओ फटाफट से जल्दी जल्दी से आ जाओ यार गुड मॉर्निंग एवरीवान आई होप यू गाइज आर डूंग एप यूटली ग्रेट and super duper fantastic फटाफट से आ जाओ एक बारी जल्दी-जल्दी से सारे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज हम ग्रामर तो करने वाले हैं बट बहुत ही अलग अलग दिमाग के साथ हम लोग आज ग्रामर को करेंगे ठीक है रेगुलर ग्रामर आज हम नहीं करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से ग्रामर को करेंगे बहुत स्मार्ट हम लोग ग्रामर को आज प्ले करेंगे ठीक है हाँ तो जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी 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 आज मुझे पता है कि कुछ बच्चों का पंजाबी का भी पेपर है है ना इस वजह से बच्चे आज थोड़े से क्लास में कम रहने वाले हैं ये मुझे पता है बच्चे मुझे मैसेज करके गए हैं कि मैम ऐसा ऐसा है कर ही रहे थे बहुत पहले से वो बता ही रहे थे बेचारे कि मैम पंजाबी का पेपर है हमारा बट कोई बात नहीं हम लोग जितना क्लास को लाइक और शेयर कर सकते हैं बच्चों फटाफट -वड़ से कर देते हैं मैंने यहाँ पर दो दो बुक्स है मैं दिखा देती हूँ कौन सी बुक्स है एक तो ये टेन ईयर दस साल के इसमें सोल्व्ड पेपर है आपके इनसाइड एंड आउटसाइड ठीक है सारे के सारे इसमें सोल्व्ड पेपर हैं दिल्ली के हैं और आउटसाइड दिल्ली के भी हैं और ये आपका क्वेश्चन बैंक है ठीक है जो मुझे भेजा था ओसवाल वालों ने तो ये क्वेश्चन बैंक भी है मेरे पास तो मैंने इन दोनों से ही देखकर कर कुछ चीजें हैं जिनका पता लगाया है रात में बैठकर ठीक है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मैंने मैंने पता लगाया है 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 बच्चों रात में बैठकर प्रॉपर तरीके से एनालाइज करा है कैसे ग्रामर आती है। तो यार देखो जिन जिन टॉपिक में तुम्हें डर लग... अभी मैं बताऊंगी तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी कि तुम्हें क्लास शुरू करने से पहले ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा पूरा का पूरा ठीक है बट उससे पहले मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे आ जाए और मुझे ये बता दे फटाफट से कि जो मैंने कल टेलीग्राम पे क्वेश्चन वगैरह भेजे हैं आपके कितने हो गए लिटरेचर पार्ट हमारा कितना कंप्लीट हो गया ये बता दो मेरे को एक बार फटाफट कितना पार्ट बेटा मेरी जान हमारा लिटरेचर वाला हो गया बच्चे ये बता दो जल्दी 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 मेरे शोने मोने नोने बच्चों जल्दी से बताओ बेटा हाँ जी ग्रामर दस मार्क्स की है टेलीग्राम पर मेरे दिमाग में ना हिंदी भी चल रहा था समझ रहे हो ना अब इतना हिंदी पढ़ा के सोलह 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 तो वही चल रहा था मेरे दिमाग में तो ग्रामर दस नंबर की है दस नंबर के लिए जितना कूल कूल होकर हम पढ़ सकते उतना पढ़ेंगे बेमतलब का स्ट्रेस नहीं लेना है मॉडल जिस टॉपिक से तुम्हें डर लगता है यस और नो अभी बताऊंगी मैं पूरा प्रिपेयर करके आई हूं मैं पूरा अपना लेक्चर प्रिपेयर करके कर आई हूं कि मुझे आज मेरे बच्चों को क्या कराना है एंड आज शाम को शुभम पाठक मैम को कितने लोग जानते हैं हाउ मेनी ऑफ यू नो शुभम पाठक मैम वैसे तो सभी जानते होंगे so kind and so lovable and वो इतनी बढ़िया टीचर है कि उसको हो ही नहीं सकता कि आप लोग ना जानते हो एक बारी आ, हैंड रेस कर दो जितने लोग जानते हैं शुभम पाठक मैम को जल्दी जल्दी यार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर भी कर दो मुझे पता है कि मेरे बच्चे कर देंगे जानते हो ना हाँ जितने लोग नहीं भी जानते हैं शुभम पाठक मैम आपको एस और साइंस पढ़ाती है एंड बहुत ही अच्छी ही है बहुत ही अच्छी बाय नेचर भी है एंड बहुत ही अच्छी और उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए ये सब बोलने के लिए ये सब मैं अपने ही एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ एंड बहुत ही अच्छे से वो पढ़ाती भी हैं तो आज उनके चैनल पर भी शाम में शाम में आज उनके चैनल पर भी मैं आपको दिखूंगी ठीक है और हम लोग वहां पर भी ग्रामर के क्वेश्चन को

मेरे सेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से मिलेंगे और कल कल की क्लास में तो आग लगा देंगे ठीक है अभी मैं डालूंगी आ, क्या बोलते हैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगी तो आप लोग वहां पे लिंक लगा के शाम में आ सकते हैं शाम को सात बजे आज मैं आपसे मिलूंगी दोबारा से उनके चैनल पर ठीक है मेरी जान ओके अच्छा एक और चीज बता दू मैंने आज छोटा सा सेशन रखा है गूगल मीट पे ठीक है इस क्लास के बाद मेरे उन टेलीग्राम के बच्चों के लिए जिन्हें स्ट्रगल हो रहा है ठीक है जिन्हें परेशानी हो रही है चीजों को करने में तो मैंने आपसे इंग्लिश की शुरुआत में ही सारे बच्चे प्लीज मेरी बात को एक बारी ढंग से सुन लेंगे मेरी जान ठीक है क्योंकि फिर हम जब हम पढ़ाई चालू करते हैं फिर आपको पता है हम एंड तक पढ़ाई करते हैं हम किसी की सुनते नहीं है राइट तो मेरे सारे बच्चे एक बार ही मेरी बात को सुनेंगे बच्चों आज मैंने और बात सुनते सुनते यार क्लास को लाइक और शेयर भी कर दो जल्दी जल्दी प्लीज लाइक्स तो मुझे बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं आज एटलीस्ट टेन के प्लस लाइव वॉचिंग हमें क्रॉस करनी ही है और ये भी बहुत ही कम है पहले दिन हमने अठारह कर दी थी राइट right? तो फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहो और मेरी बात को सुनो तो uh, कल में बहुत ज्यादा लो फील हो गई लो फील करने लगी थी बट लकीली पाठक मैम वॉज देयर विद मी एंड शी काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी कि नहीं यार होता ही है ऑनलाइन में कुछ ट्रॉलर्स होते हैं कुछ अच्छे बच्चे होते हैं तो वो सब ध्यान में रखकर मैंने ये डिसाइड करा कि टेलीग्राम पर मेरे जितने बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं जितनों को याद हो रहा है जितनों को फायदा हो रहा है बहुत बढ़िया बात बट हर बच्चा सेम नहीं होता कुछ बच्चे स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं तो क्योंकि मैंने मेरे हर बच्चे के लिए एक प्रॉमिस करा है खाली मैंने ऐसे अच्छा दिखने के लिए प्रॉमिस नहीं करा है आपको भी पता होगा मैं टेलीग्राम पे कितना स्ट्रगल कितना एफर्ट मार रही हूँ आपके लिए तो मैंने मैंने ये डिसाइड करा है कि आज की क्लास के बाद मैं एक छोटा सा सेशन लूंगी आपका आधे पौने घंटे का जिसमें हर एक बच्चे के जो भी डाउट्स हैं या जो भी वो स्ट्रगल को फेस कर रहा है अगर वो चाहे तो वो उसमें आ सकता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर उसको जरूरत नहीं है अगर उसका बढ़िया चल रहा है तो वो अपनी पढ़ाई करेगा टाइम वेस्ट नहीं करेगा बट अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा क्योंकि कल रात में बहुत सारे बच्चों ने

तो अभी के लिए लिटरेचर को साइड रख दो उससे हम अभी डील करेंगे थोड़ी सी देर में अभी के लिए आप लोग ग्रामर पे आ जाओ सारे के सारे और मेरी बात को ना ढंग से सुनो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आ रहे है? एक सेक्शन में स्पैम करो फटाफट -फड़। सबसे पहले आ रहे है देखो नरेशन ठीक है सब्जेक्ट तुम्हारा डिटर्मिन और आ रहा है तुम्हारा मॉडल्स यही आ रहा है ना कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने यही आ रहा है मेरी जान और yes नो no. अब पैटर्न पैटर्न समझो समझो क्लास का वालों का वालों वो, वो लोग क्या कर रहे तुम्हारे साथ यहाँ पे बिल्कुल पैनिक नहीं करना आधे से ज्यादा बच्चे मॉडल्स में फंसे रहते हैं एक क्वेश्चन आएगा इससे एक अगर इस बार पैटर्न चेंज भी कर दिया तो हद मार के दो इससे ज्यादा नहीं लास्ट ईयर के सारे के सारे पेपर मैंने एनालाइज करे हैं अगर आपको यकीन नहीं है तो इस क्लास के बाद मैं आपको वीडियो बनाकर टेलीग्राम पे भेजूंगी मैंने खुद ने बैठ के एनालाइज करा है एक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है मॉडल का जिसके लिए आप लोग परेशान होते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपकी टेंशन दूर करना चाहती हूँ ठीक है मैं एज अ टीचर आपकी टेंशन बढ़ाना नहीं चाहती कि बच्चों क्लास में रुके रहना मॉडल आएगा कुछ मॉडल में से नहीं आएगा इतना ज्यादा इतना बेसिक क्वेश्चन इसका आया हुआ है जैसे कि मैं आपको खुद ही एग्जाम्पल बताती हूँ रुक जाओ दो मिनट क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपकी टेंशन खत्म कर दूंगी ना फिर आप फ्री माइंड होकर पढ़ पाओगे मेरे से ठीक है तो यहां पर मैं आपको बता देती हूँ 2023 का ही पेपर मैं उठा लेती हूँ 510 पेज नंबर पे 510 ओ भाई सारा काम मैंने कर दिया है तुम लोगों के लिए ठीक है अब यहां पर ये रहा तुम्हारे ग्रामर का सेक्शन और इसमें से क्वेश्चन आया है। ये देखना क्वेश्चन को समझना वेयर वर यू यू डैश बी इन द क्लास एट द राइट टाइम एक एग्जाम्पल देकर बता रही हूं कि तुम्हें जो अपने पोटेंशियल पे शक होता है ना तुम्हें खुद को नहीं पता तुम कौन हो तुम शेर हो ये देखो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा है मेरी जान वेयर वर यू ठीक है यू यू डैश बी इन द क्लास एट राइट टाइम अभी गंदी सी राइटिंग में लिख रही हूँ क्योंकि अभी सारा पढ़ाऊंगी ठीक है अभी मैं तुम्हें बस ये दिखा रही हूँ कि तुम जो डरते रहते हो ना वो देख लो तुम्हारा वो है ये शैल शुड वुड कैन बताओ बताओ यहां पर तुम्हें क्या लग रहा है क्या आएगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या आएगा यहां लिखा है वेर वर यू भाई तू कहां था तुझे तो क्लास में होना चाहिए था अब यहां पर एक बात बताओ तुझे तो क्लास में होना चाहिए था चाहिए के लिए हम क्या लगाते हैं शुड लगाते हैं मस्त लगाते हैं मस्त ऑप्शन में है नहीं है ना और इतना कोई कंपल्शन भी नहीं है कि अपने को मस्त लगाना पड़े क्या आएगा शुड आएगा तो ये देख लो इस टाइप का टुच्चा क्वेश्चन उन्होंने बोर्ड में दे रखा है और तुम्हें डर लग रहा है कि हमें मॉडल्स नहीं आता क्या तुम्हें लगता है बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम अपना एक घंटा मॉडल्स पढ़ के वेस्ट करें एक क्वेश्चन के लिए क्या तुम्हें ये लगता है ये जायज है Mostly questions जो आपके पेपर में आ आ रहे रहे हैं मैं आपको बता देती हूं। वो नेक्स्ट कि नरेशन से और उसके बाद आपको ना टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप एरर करेक्शन के क्वेश्चंस कर पाओ समझ में आया अगर आप यहां पर देखोगे ना ये देखो पैटर्न समझो इसका पहला क्वेश्चन टेंसिस पे है दूसरा नरेशन पे है तीसरा एक ही क्वेश्चन है मॉडल पे चौथा एरर करेक्शन पे है पांचवा फिर आपका टेंसिस पे है छठा फिर आपका टेंसिस पे है सातवा जो क्वेश्चन है वो नरेशन पे है आठवा एरर करेक्शन पे है नौवा आपका फिर नरेशन uh, पे है और जो दसवा एक क्वेश्चन है वो डिटर्मिनर पे है तो आप देखो कि एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन डिटर्मिनर एक क्वेश्चन मॉडल जिसके लिए आप इन दोनों टॉपिक्स पे अपना सरखप्पी करते हो परेशान होते हो समझ में आया नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें तो नरेशन का तुमको दे रखा होगा ऑप्शन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे अभी सैंपल पेपर भी खोल रही हूं तुम्हारे आगे तुम अपनी आंखों से देखना उसके बाद ही मैं क्लास को शुरू करूंगी ठीक है क्योंकि पढ़ने से पहले ना हमें ये क्लियर होना चाहिए भाई हम क्या पढ़ रहे हैं मैं बेमतलब पागलों की तरह एक घंटा मॉडल्स कराऊ उसमें तुम्हारा नुकसान है तुम्हारा टाइम वेस्ट है यही बोलती हूँ अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करो फिर तुम्हें लगता है कि मैम तो जेलस हो जाती है 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 मैम 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 तो तो बुरी ट्रोल तो ट्रोल कर देती है। नहीं करती किसी को मैम सिर्फ तुम्हारे लिए कॉन्शियस होती है कि भैया अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करो बस ये बोलती है मैम मैम की जबान थोड़ी कड़वी हो सकती है क्योंकि मेरे को फेक करना नहीं आता बट मैम सही बोलती है ठीक है तो अभी यहाँ पर मेरी बात को सुनो ऐसा नहीं है मैं ये दोनों टॉपिक छुड़वा दूंगी नहीं 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 मैं तुमको पहले डिटेल में टेंसेस नरेशन और सब्जेक्ट वर्ब समझाने वाली हूं आज की क्लास में ये करवाने के बाद बीच बीच में जैसे टेंसेस मैंने पढ़ाया बीच में थोड़ा सा जब बीच में जब हम थोड़ा नरेशन और टेंसेस में जा रहे होंगे तो मैं तुम्हें मॉडल्स के क्वेश्चंस इतने करा दूंगी आज की अभी की क्लास में कि क्वेश्चंस कर करके ही मॉडल की प्रैक्टिस हो जाएगी मॉडल के लिए स्पेशली हमें एक क्वेश्चन के लिए एक घंटा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्या ये आपके दिमाग में सेंस क्रिएट कर रहा है ठीक है बेटा एरर करेक्शन में वही बेटा रिपोर्टेड स्पीच को ही नरेशन बोलते हैं ठीक है जो बच्चे बोल रहे हैं मैम रिपोर्टेड स्पीच भी है सिलेबस में बेटा नरेशन उसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच को और अगर आपको नहीं भी पता कोई बात नहीं मैं समझ सकती हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता कोई बात नहीं मैं भी समझा दूंगी ठीक है और जो एरर करेक्शन आप बोल रहे हो ना बार बार ही एरर करेक्शन कोई एक अलग टॉपिक नहीं है एरर मतलब एक सेंटेंस में एरर है आप उसको करेक्ट करिए तो अगर आपको टेंसेज आता है अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब आता है तो आप एरर करेक्शन के क्वेश्चन को कर सकते हैं इन्हीं में से एरर उसमें डाला जाता है ठीक है तो मैं आपको कराऊंगी इतना अगर सबको समझ में आ गया तो यस मैम फायर इमोजी लिख दो ठीक है अब मेरी बात को ढंग से सुनो ये तो मैंने आपको समझाया कि पेपर आता कैसे है अब देखो मेरी बात को जितने भी आपके एरर करेक्शन के क्वेश्चन हैं ठीक है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन में इसलिए मैं पहली क्लियर कर रही हूं फिर मैं एक बार ही पढ़ाना शुरू करूंगी तो मैं रुकूंगी नहीं है ना तो इसलिए डाउट्स वगैरह अपने सारे पहले मैं क्लियर कर रही हूं तुम्हारे तो जितने तुम्हें लग रहा है एरर करेक्शन नहीं आता एरर एरर करेक्शन के मैं तुम्हें एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ इतने क्वेश्चंस करा दूंगी आज और कल में ठीक है कि तुम्हें आ जाएगा अब आपको भी पता है ग्रामर मैं अगर आज आपको हजार क्वेश्चन करा दूं ना तो मैं ये नहीं बोल सकती एज अ टीचर के मैंने तो करा दिया ग्रामर नहीं मुझे पता है बीइंग अ स्टूडेंट के एक दिन करा दिया तो बहन दूसरे दिन भी तो करा दे थोड़ी प्रैक्टिस राइट तो मैं कल कल लिए तो इतना बिंदास प्लान लाई हूं सुन लेना एक बार सो एरर करेक्शन के एन नंबर ऑफ क्वेश्चन कराऊंगी जो कि आपके कहा से आएंगे टेंसिस से आएंगे सब्जेक्ट वर्ब से आएंगे और एक आधा हो सकता है ए एन द आर्टिकल टाइप के आ जाते हैं कि एन लगना चाहिए द लगना चाहिए ये सब आ जाता है या डिटर्मिन पे आ जाता है समझ में आया इससे ज्यादा एरर करेक्शन नहीं आता और जो एरर करेक्शन आ भी रखा है ना मैं तुम्हें बता देती हूँ एक एरर करेक्शन में ऑप्शन आते हैं देख लीजिए इस टाइप के आपको दिख रहा होगा अब ऑप्शंस वाले कैसे करने ये मैं बता दूंगी ये बच्चा बच्चा करके आ सकता है ठीक है ऊपर से बारह क्वेश्चन आएंगे तो तुम कोई दो क्वेश्चन को छोड़ के भी आ सकते हो ठीक है तुम्हें दो क्वेश्चन छोड़कर भी आ सकते हो तो पैनिक मत हो कि अगर हमें मॉडल नहीं आया तो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे छोड़ देंगे ठीक है पर तीन टॉपिक में से हम कुछ नहीं छोड़ सकते टेंसेज नरेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्योंकि इन्हीं तीनों से मैक्सिमम क्वेश्चन आप पूछे गए हैं ठीक है तो एरर करेक्शन में दो एरर करेक्शन ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें ऑप्शन नहीं दिया होगा ये देख लो यहां पर देख लो ये वाला क्वेश्चन जो है एरर करेक्शन का इसमें ऑप्शन नहीं है ऊपर वाला जो है ये वाला इसमें ऑप्शन नहीं है एक एरर करेक्शन में ऑप्शन है तो मैं पूरा का पूरा आपका जो पेपर है ना वो मैं निचोड़ के लाई पी कर आई हूं ठीक है तो आपको मैं सारी चीजें करा दूंगी आपको करना क्या है इस क्लास में बने रहना है दैट्स इट दैट्स इट एम आई क्लियर ठीक है अब हम करेंगे किस पैटर्न में मैं ये भी आपको बता देती हूँ ये भी मैं आपको समझा देती हूँ

तो ये दोनों टॉपिक हो गए मतलब तीसरा टॉपिक जो एरर करेक्शन है वो ऑटोमेटिकली हो गया समझ रहे हो उसके बाद में आपको कराऊंगी नरेशन जो कि आपका रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है जब आपका ये सारा हो गया बीच बीच में मैं आपको मॉडल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती रहूंगी सारा करने के बाद मैं डिटर्मिन के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगी जिससे क्वेश्चंस आते हैं बेमतलब में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो ये हमारी आज की क्लास का प्लान रहने वाला है जब मैं आपको ये सब करा दूंगी तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी ठीक है बेसिक लेवल के और फिर शाम में शुभम पाठक मैम की क्लास में हम लोग क्या करेंगे हम लोग ये जो टेन इयर्स के क्वेश्चन है ना इसको करेंगे अब मैम आप कल क्या कराओगे बस एक लास्ट सुन लो फिर मैं शुरू करा रही हूं यहाँ पर ठीक है मैम आप कल क्या कराओगे कल मुझे नहीं पता पूरी दुनिया आपको क्या करा रही है ठीक है कल मैं आपको कराऊंगी फुल इंग्लिश अब फुल इंग्लिश से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ इंग्लिश से मेरा मतलब यह है मैं आपके आगे खोल दूंगी आपको कुछ पीडीएफ दिए है मैंने आपको कॉन्स्टेंटली वॉइस नोट भेजे हैं टेलीग्राम पे बच्चों सुनो मेरी बात ये ऐसे करना है ऐसे करना है और मैं आपको सही टाइम पे कॉम्पिटेंसी डायलॉग सब कराऊंगी राइट डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन स्किल बेस्ड क्वेश्चन मैं आज चार पांच साल से पढ़ा रही हूं ठीक है ये मेरा एक्सपीरियंस है अपना खुद का कि कोई सीबीएसई में इतना बेवकूफ नहीं है कि क्वेश्चन को छाप दे कुछ ना कुछ अलग तो तुम्हें देगा ही जिसके लिए बच्चे को स्किल आनी चाहिए अगर मैं एक पुतला बना के भेज दूंगी ना वहां पे एग्जाम में कि जाओ बेटा यही आएगा एक्स एक्स सी लिख कर आइयो ठीक है तो वो मेरी बेवकूफी है एज अ टीचर ओके okay. मैं आपको स्किल स्किल दिखाने वाली कि बेटा तू कौन सी यूज़ करके तेरा दुनिया का कोई भी एक्स क्वेश्चन आ जाए तू तो इसको अटेम्प्ट करके आएगा और ये मैं आपको दिखाऊंगी इन्हीं की वेबसाइट से इन्होंने ही लास्ट ईयर अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन निकाले थे कि कैसे हम लोग बच्चों से क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो मैं आपको हर पूरे लिटरेचर का दो घंटे के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायलॉग बेस्ड डायरी बेस्ड ये सब इस तरीके से सिखा दूंगी साथ साथ में पीडीएफ भेजती रहूंगी टेलीग्राम पे तो आप लोग देखते रहना इसी के साथ जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन सीबीएसई ने निकाले हैं ऑफिशियली वो मैं आपको कराऊंगी ठीक है और आप ही के सामने सीबीएसई की पीडीएफ खोलूंगी कहीं आप ये ना सोचो मैम अपने क्वेश्चन लाकर सीबीएसई का नाम चेप रही है सो so, यहाँ पर ग्रामर के जितने क्वेश्चन निकाले हैं वो मैं आपको कराऊंगी और राइटिंग स्किल्स तो मैं आपको भेज ही रही हूँ आपने कल भी देखा होगा कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरी राइटिंग और रीडिंग की पीडीएफ से पढ़ना शुरू करा है तो राइटिंग स्किल का तो आप जितना एग्जाम्पल पढ़ सकते हो वो आप रीड करो ठीक है क्योंकि वो वो जितना पढ़ोगे उतना ही बेटर लिखोगे और मैं आपको वो भेज रही आज भी मैं आपको भेजूंगी कल भी मैंने चार पांच एग्जाम्पल भेजे थे क्लियर एवरी तो यहाँ पर मैंने अपना सारा प्लान रिवील कर दिया है कल की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कल सुबह दस बजे से क्लास चालू हो जाएगी ठीक है और सारी चीजें पूरा का पूरा एक मतलब तुम्हारा बस्ता पैक हो जाएगा एक बैग पैक करा दूंगी कि बच्चों अब तुम रेडी हो अब तुम जाकर अपना पेपर दे आओ अब तुम्हें किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है ठीक है एरर करेक्शन में बॉक्स बनाना मैंडेटरी है कि नहीं बेटा ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा लो लेवल की बात है ना इससे नंबर ना तो कटेंगे ना नंबर मिलेंगे तो ये सारी चीजें ना मैं आपको कल बताऊंगी पेपर प्रेजेंटेशन में जब मैं आपको टॉपर की आंसर शीट दिखाऊंगी अभी आज का मेरा जो गोल है मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलती हूँ वन थिंग एट अ टाइम ठीक है तो एक ही टाइम पर आप सारी चीजें नहीं कर सकते आपको लगे एक ही टाइम पर हम ग्रामर कर ले एक ही टाइम पर हम कॉम्पिटेंसी कर ले एक ही टाइम पर हम पेपर प्रेजेंटेशन कर ले तो एट दी एंड आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप आज सिर्फ ग्रामर पे फोकस करिए बाकी सारी चीजें हम लोग कल रैपअप कर लेंगे इफ यू गाइस ट्रस्ट मी एम आई क्लियर भाई गला सूख गया एक बारी बता दू क्लियर हूं तो फिर शुरू करती हूं टेंसिल से यस yes, मैम बोल दो एक बारी विथ फायर इमोजी ठीक है और बीच बीच में ना ये मत बोलना मैम क्वेश्चन देखो मेरा मोटिव ये मेरा प्लान ये क्वेश्चन होने से पहले पर मैं आपको पहले समझाऊंगी ठीक है तो अगर आपको लगे मैम नहीं नहीं बीच बीच में क्वेश्चन कराओ हमारा मन नहीं लग रहा तो तुम्हारे मन से दुनिया नहीं चल रही है यहाँ पे गॉट इट ऑल राइट मैंने मेरे सामने आपका सैम्पल प्रीवियस ईयर पेपर सैंपल पेपर भी नहीं प्रीवियस ईयर के दस पेपर मैं में खोल के बैठी हुई हूँ तो और बार बार ही मत बोलना मैम पेपर में कैसा आएगा मैंने देख लिया है पेपर में कैसा आएगा लास्ट ईयर भी बच्चों को पढ़ाया है पेपर कर कर आए हैं तो शांति से मेरी बात सुन लेना ओके चलो शुरू करें मचाना और ये बीच बीच में अभी ये डाउट छोड़ दो क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहे कैसे करे ये वो क्योंकि अभी मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ मैंने ऑलरेडी बोल दिया इस क्लास के बाद मैं एक गूगल मीट पे सेशन लेने वाली हूं आप बच्चों का जल्दी से ले लूंगी आधे घंटे में मैं आपको वहां पर ये सारी चीजें बता दूंगी ठीक है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वगैरह अभी आप प्लीज इस पर फोकस कर लो यहाँ से अपने दस नंबर हम लोग पक्के कर लेते हैं ठीक है वरना पता चला ग्रामर भी छोड़ा है चलो लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट विज अपनी कॉपी ले लो पेन ले लो और प्लीज नोट्स बनाते रहो मेरे नोट्स का वेट मत करना मतलब नोट्स तो मैं दूंगी ऑब्वियसली बट तब तक क्यों वेट करोगे कि मैम कब भेजेंगी अपने नोट्स साथ साथ में बनाते चलो जल्दी जल्दी यार एक बार ही डैडी को बोल दे पानी दे के लिए ठीक है क्लास कब तक चलेगी बेटा ये तो कॉमन सेंस है अब आप देख लो आपके इतने टॉपिक है अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो क्लास थोड़ी तो लंबी चलेगी बेटा अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है तो ऐसे पढ़ाना तो मुझे भी नहीं आता मुझे काम चलाऊ पढ़ाना नहीं आता बहुत लोग बोलते भी है कि आप आठ आठ घंटे क्यों पढ़ रहे हो तो तुम नीचे लिख दिया करो क्योंकि हमें काम चलाऊ पढ़ना नहीं आता हम लोग डिटेल में ही पढ़ते हैं हम अच्छे से ही पढ़ते हैं और उसे टाइम वेस्ट नहीं बोलते कभी भी पढ़ाई में टाइम वेस्ट नहीं होता टाइम विद्या जितनी आए ना उतनी कम ही होती है गूगल मीट का लिंक क्लास के बाद दूंगी टेलीग्राम पर ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट अब यार में ना जल्दी जल्दी आ जाओ पकाऊंगी नहीं मेन मेन बात आपको याद रखनी है आप लोगों को ये तो पता ही है कि भाई अपने पे प्रेजेंट टेंस होता है अपने पे पास टेंस होता है और अपने पे फ्यूचर टेंस होता है पता पता है कि नहीं पता। और एक बार भी जाओ मैं देख भी लेती हूँ क्या पता मेरे पे टेंसिस के नोट्स बनी रखे हो तो तुम्हारा और टाइम सेव हो जाएगा ट्रस्ट मी मेरा आज मकसद तुम्हारा टाइम बचाना ही है बट टाइम के साथ साथ मैं ये चाहती हूँ मेरे सारे बच्चों को मैं अच्छे से क्लियर करके भेजू बच्चे कमेंट करें कि मैम मजा आ गया सच में एक सेकंड रुक जाओ बस तुम्हारे लिए ढूंढ रही हूं मैं अगर मुझे मिल गया ना क्या ये कंप्लीट है ओ भाई मजा आ गया मजा टाइम सेव बच्चों टाइम सेव मजा आ गया डाउनलोड करो इसको चलो भाई तुम्हारा टाइम मैंने कर दिया है सेव अब सिर्फ तुम्हें मेरी बात को सुनना है सिर्फ मेरी बात को सुनना है मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा टाइम सेव हो रहा है हमारा बहुत ज्यादा अभी यहां पर सबको वो है दिख रहा है जल्दी बताओ पीडीएफ कहा मिलेगा मेरी जान पीडीएफ तेरे को मिलेगा डिस्क्रिप्शन के पहले नंबर पे ठीक है डिस्क्रिप्शन के पहले नंबर पे तेरे को पीडीएफ मिलेगा ठीक है चले कैमरा एंगल सही नहीं है अरे यार ऐसे क्यों होता है मेरे साथ लाइफ में भाई कैमरा तो सही है पागल बनाते हैं क्या मेरा अरे ओ कैमरा सही है चलो 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 सो so, यार टेंसेस देखो जल्दी जल्दी आप लोग लिखते जाओ सुनते जाओ हमें पता है टेंसेस तीन टाइप के होते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ठीक है तीन टाइप के हमारे टेंस होते हैं नोट्स मैंने पहले से बना रखे हैं अब यहां पर इन तीन टाइप में हमें यह भी पता है कि भाई चार और इनके भाई बहन आते हैं है ना तो एक का नाम है सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सारे बच्चे चार नाम स्पैम करेंगे इन चारों की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन्हीं से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है अगर मैं यहाँ पर लास्ट ईयर का पेपर उठाऊं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है राइट और रॉन्ग हाँ तो यहाँ पर अब ध्यान देना सबसे पहले कि सिंपल नंबर वन कॉन्टिन्यूस नंबर टू परफेक्ट नंबर थ्री और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नंबर फोर हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग पहले पूरा प्रेजेंट ये कवर करेंगे फिर हम लोग पास्ट का पूरा ये कवर करेंगे फिर हम फ्यूचर का पूरा ये कवर करेंगे चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप लोग सिंपल टेंस को समझो सिंपल टेंस बहुत ही ज्यादा सिंपल है आपको ये चार्ट को कोशिश करना है कि जिस फ्लो में मैं पढ़ा रही हूँ उसी फ्लो में आपको इस चार्ट को अपने दिमाग में बिठाना है ठीक है बच्चे उसी 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 फ्लो में आपको इस चार्ट को अपने दिमाग में कंप्लीटली बिठाना है एम आई क्लियर यस पर सबसे पहले आप लोग सिंपल टेंस को समझो ठीक है अब मैं आपके दिमाग में उसको कैसे डालना चाहती हूँ देखो आपको पता है हम लोग रोज रोज कितनी बातें करते हैं कि यार मैं नहाता हूं मैं खाता हूं मैं जाता हूँ वो आता है सूरज निकलता है चंद्रमा आता है सूरज ढलता है है ना आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो बेसिकली जिनके लास्ट में ता है ती है ते है आते हैं मतलब कोई ऐसी चीजें जो हमारी रेगुलर लेवल पे हो रही हैं कोई ऐसी चीजें जो हम रोज कर रहे हैं है ना कोई ऐसी चीज नहीं हमारे नहाने की तरह नहीं कि हम आज नहा रहे हैं कल नहीं नहा रहे परसों नहा रहे तरसों नहीं नहा रहे सर्दियों में ऐसे नहीं ऐसा काम बच्चों जो हम रेगुलर कर रहे हैं जिनके पीछे ता ती ते आए वो क्या होता है आपका सिंपल प्रेजेंटेंस क्या ठीक है तो सबको पता है ना है मतलब क्या है कोई चीज है मतलब क्या मैं पास्ट की बात कर रही हूं या प्रेजेंट की ये बताओ मुझे जल्दी से अगर मैं बोल रही हूं कोई चीज है तो मैं पास की बात कर रही हूं या मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूं जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ हाँ बेटा नोट सभी बनाने हैं मेरे साथ साथ खाली मुझे देखो नहीं ग्रामर में नोट्स भी बनाते जाओ हाँ प्रेजेंट की बात कर रही है तो आप सबको पता है राइट कि अगर मैम है की बात कर रही है तो मैम प्रेजेंट की बात कर रही है सो so, यहाँ पर अब आप बच्चों को क्या ध्यान देना है अगर ता है मतलब कोई ऐसा काम जो रेगुलर हो रहा है दैट इज योर सिंपल प्रेजेंट कोई काम जो हो रहा था अब नहीं हो रहा मतलब मैं जाता था मैं स्कूल जाता था अब नहीं जाता हूँ बट मैं स्कूल जाता था है ना मैं कॉलेज जाता था मैं पहले ये खाता था मतलब कोई ऐसी चीज जो आप अब से पहले तक करते थे बट आप अब नहीं करते हो दैट इज योर सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर मतलब मैं ये करूंगा मैं जाऊंगा मैं खाऊंगा मैं आऊंगा सिंपली ठीक है अब इसके रूल्स को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ढंग से मेरी बात को सुन लो जिस भी बच्चे ने लास्ट तक लेक्चर देखा उसे चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी सो so, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग एंड तक जरूर देखो फिर अपना डिसीजन बनाना ठीक है ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन सो दैट हर बच्चे तक सेशन पहुंच सके एंड आई रिक्वेस्ट इन नेक्स्ट फाइव मिनट चलो सो so, अब यहां पर सबसे पहले आप सिंपल प्रेजेंट का रूल समझो सब्जेक्ट भाई सब्जेक्ट कौन होता है है ना अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ आप लोग पढ़ रहे हो तो आप सब्जेक्ट हो ठीक है बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे सब्जेक्ट है तो कोई जो इस काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है ये तो आप सबको पता है ठीक है अब सब्जेक्ट के साथ बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूं एस ई एस आता है और ऑब्जेक्ट आता है अब बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम एस ई एस कहां आता है और एस ई एस कहां पर नहीं आता है ये बता दो एक बार मैं हमेशा आपको उस गाने का एग्जांपल देती हूँ मिलिंद गाबा मुझे पकड़ के मारेगा मैं सच बता रही हूँ कि वो वाला गाना है ना कौन सा गाना है मेरे बच्चे खुद ही बता देंगे कॉमेंट सेक्शन में मुझे तो बोलने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने इतनी बार सुन लिया ये गाना कभी आपने गाना सुना है शी डोंट डोंट नो शी नो मुंडा उसमें रैप भी है पता नहीं पता नहीं रैप तो मुझे बिल्कुल नहीं याद तो मैं तो वहां से स्टार्ट भी नहीं करूंगी हाँ सो वो गाना गलत है वो गाना गलत क्यों है अब गाना तो सही है ऑब्वियसली बट उस गाने में ग्रामेटिकल एरर है कि शी के साथ कभी भी डोंट नहीं आता शी सिंगुलर है तो डज आता है तो कहने का मतलब कि आप इस गाने से याद रख सकते हो कि भाई जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा एक वचन सब्जेक्ट की बात हो रही होगी ही हो गया शी हो गया मेरी जान तुम्हारा इट हो गया या किसी का नाम हो गया राहुल प्रिया तान्या फलाना ढिमकाना ठीक है उसके साथ आप एस ई एस लगाएंगे अगर आपके प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है वी दे और इनमें आई और यू भी इंक्लूडेड है ठीक है तो आप लोग एस ई एस नहीं लगाओगे तो ये आप लोग अपने दिमाग के अंदर बिठा के ताला मार लीजिए कि भाई सिंगुलर ही शी इट किसी भी फलाने का नाम होगा एस ई e. एस लगाएंगे प्लूरल नहीं लगाएंगे बात खत्म अब क्वेश्चन आता है बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होता सिंगुलर तो है बट लगाएं एस लगाएं या ई एस लगाएं तो उसके लिए एक हैक है अगर आपकी वर्ब यहां पर देखो अगर आपकी वर्ब का जो लास्ट लेटर है वो ओ है सी एच है डबल एस है तो आप ई एस लगाओगे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो अगर आपकी वर्ब गो है है ना मैंने यहां पर भी लिखा मैं यहां भी लिख देती हूँ अगर आपकी वर्ब गो है अब इसमें लास्ट लेटर हमारा क्या है ओ देख रहे हो ये एक हैक है याद रखना मैक्सिमम केसेस में आपकी हेल्प करेगा अगर आपका वर्ब पेपर में देखना वर्ब क्या है अगर वर्ब का लास्ट लेटर ओ है सी एच है डबल एस है तो आप ई एस लगाओगे ही गोस शी गोस हो जाएगा अगर इसके अलावा कोई और है तो आप सिर्फ एस लगाओगे फॉर एग्जांपल ड्रिंक है अब यहां पे लास्ट लेटर है के तो ही ड्रिंक्स में क्या आएगा खाली एस आएगा ही ड्रिंक्स शी ड्रिंक्स इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर एवरीवन समझ में आया ठीक है तो ये बेसिक सी चीज आपको याद रखनी है अब यहाँ पर अगर मैं बोलती हूँ मीना सिंगजा सॉन्ग कौन सा हमारा टेंस है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए पहली बात तो इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये भी एक पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ मेरे बच्चों कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता ना तो इज एम आर आएगा ना है जहब आएगा ठीक है ना ही बीन आएगा कुछ भी नहीं खाली होंगे खाली खाली वर्ब आएगी इनके साथ तो सब्जेक्ट वर्ब वर्ब के साथ एस या एस लगा होगा अगर वो सिंगुलर है और आपका ऑब्जेक्ट एम आई क्लियर एवरी वन ये सबको क्लियर है और एक और बात सुन लो जब तक मैं ना बोलू हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है ठीक है बच्चे कंफ्यूज होते हैं अरे फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगा सेकंड फॉर्म कहां आएगा थर्ड फॉर्म जब तक मैं रोकू टोकू ना खुले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ ठीक है समझ में आया इतना समझ में आता रहेगा तो यार ओके बोलते जाना प्लीज ओके बोलते जाना ठीक है ओके बोलते जाना वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया वर्ब क्या होता है बेटा वर्ब होती है है क्रिया जो कोई काम हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बंदर नाच रहे हैं तो नाचना हो गया वर्ब कोई भी जो एक्शन हो रहा है है ना हिंदी में पढ़ा था ना कोई क्रिया हो रही है कोई एक्शन हो रहा है दैट इज योर वर्ब अब आगे आ जाओ फटाफट फड़ से देखो पास्ट टेंस क्या होता है पास्ट होता है सिंपल पास्ट होता है था कोई काम था अब इसके एंड में ता था आएगा जैसे कि रोहन जाता था मीना मेरे घर आती थी मतलब अब नहीं आती पहले आती थी है ना ये नहीं होगा आ रही थी नहीं होगा सिंपल पास्ट आती थी लास्ट में ती थी आना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में सेट कर लेना सिंपल पास्ट क्या है भाई कोई काम जो पास्ट में होता था अब नहीं हो रहा है पास्ट में हुआ करता था ठीक है अब यहां पर एक ऐसे मान लो कि मैंने पहले भी बोला वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमारा दिल है और बच्चों दिल हम कितनी बार देते हैं किसी को तुम बोलोगे बहुत बार ना वो गाना है ना कौन सा गाना है वो प्यार ना किया प्यार होता 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 कई बार है ऐसा कोई गाना है ठीक है तो बात तो सही है बच्चों प्यार तो बहुत बार होता है बट अगर हम ऐसे पुराने जमानों की फिल्मों की बात करें तो बोला जाता था दिल तो एक ही है दिल तो एक ही बार देते हैं तो वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि दिल कौन है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ठीक है दिल कौन है सारे बच्चे कॉमेंट करेंगे दिल कौन है दिल दिल कौन है वर्ब की सेकेंड फॉर्म

किसको दे चुका हूं कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड सिंपल पास्ट ठीक है क्योंकि गर्लफ्रेंड प्रेजेंट में तो टिकती नहीं है तो सिंपल पास्ट क्लियर एवरी वन हाँ, और कहीं पर भी नहीं देना फॉर्म को किसी रूल में नहीं देना, कुछ नहीं देना देना कुछ एक ही बार है दे दिया है बात खत्म गॉट इट समझ में आया तो यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म के लिए अब मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती यस और नो जल्दी बताओ जल्दी बताओ मैंने उनके लिए क्या करा मैंने उनके लिए क्या करा और आज नहीं किया बेटा ये मैं पहली कर चुकी हूं ठीक है इतना सोचने वाला टीचर तुम्हें कहीं मिलेगा ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या करा मैंने मेरे बच्चों को लिंक भेजा लिंक किस चीज का लिंक मैं बताती हूं मुझे मिल नहीं रहा है अगर किसी बच्चे को मिल रहा है तो भाई ऐसे स्लाइड करके टेलीग्राम पे भेज दो उसमें सारे के सारे ना वर्ब के फॉर्म्स हैं तो मैं अभी तो टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऊपर स्क्रॉल करना पड़ रहा है बट बच्चों को पता है बच्चों को पता है कि मैम किसके बारे में बात कर रही है राइट मैंने एक शॉर्ट में भी डाला था तो सारे के सारे वर्ब के जो फॉर्म्स हैं ना बच्चों ठीक है वो अगर आपको नहीं आते कि भाई गो का वेंट होता है थर्ड फॉर्म गोन होता है ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी भेज के रखी हैं जो बहुत ही आसान है आप देख सकते हो ठीक है तो ये चीज भी ये डाउट भी मैंने आपका क्लियर कर रखा है तो जब भी सिंपल पास्ट हो समझ जाना भाई सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा बात खत्म और कुछ नहीं लगाना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी अब आ जाओ फ्यूचर पे फ्यूचर देखो फ्यूचर का मतलब क्या है फ्यूचर का मतलब है जो काम होने वाला है तो इसका एक बेस्ट फ्रेंड है इसका एक बेस्ट फ्रेंड है सारे बच्चे स्पैम करेंगे बेस्ट फ्रेंड कौन है सब्जेक्ट के साथ विल और शैल आता है ठीक है और आएगा चाहे वो कोई सा भी टेंस हो बिना और के ये नहीं करता ठीक है इनकी आत्मा एक है subject और और से जुड़े हुए हैं इन्हें कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती फ्यूचर टेंस में क्वॉटेड अब यहाँ पर विल और शैल के साथ मैंने क्या बोला हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है जब तक मैं न टोकू वर्ब का सेकंड फॉर्म तो एक ही था दे दिया अब हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि मैं स्कूल जाऊंगा या मैं स्कूल तो मैं, क्या करूंगी? मैं लिखूंगी आय अब देखो बेसिकली विल और शैल में कंफ्यूज नहीं होना की विल कहाँ आएगा शैल कहाँ आएगा आप दोनों ही लगा सकते हो कोई गलत नहीं है जनरली शैल हम आय और वी के साथ लगाते हैं ठीक है शैल हम किसके साथ लगाते हैं आय और वी के साथ और ये भी अब हम एज मॉडल वर्ब ज्यादा यूज करते हैं कि भाई जहां पर हमें जो चीज करनी चाहिए ज्यादा पोलाइट दिखाने के लिए हम शाल का इस्तेमाल करते हैं वरना आप विल का भी करोगे वो गलत नहीं है अभी टेंसिस के लिए ठीक है सो मैं स्कूल जाऊंगा आई विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया गो कहा जाऊंगा टू स्कूल ऑब्जेक्ट तो सिंपली जहां आप देखो कि विल लगाए विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है ज्यादा टेंशन लेने की नीड ही नहीं है एम आई क्लियर आई होप ये बात मेरी सम, सबको समझ में आ गई होगी सिंपल टेंस वाली कि भाई प्रे, सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस सी एस ऑब्जेक्ट पास टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म हमारा दिल है दिल हम दे चुके हैं तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फ्यूचर में सब्जेक्ट विल और शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट बात खत्म ठीक है अब ना इसके कभी हाँ बेटा क्वेश्चंस भी करेंगे पहले समझ तो लो वही तो बात है पहले समझ लो अभी क्वेश्चंस कराऊंगी ठीक है क्वेश्चंस कराऊंगी क्वेश्चंस पूरे दिन आज कराने वाली हूं प्लीज मेरी बात को समझ लो अब यहाँ पर देखो नेगेटिव पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो बाकी सबका नेगेटिव तो आप नॉट लगा के बना सकते हो आई विल गो टू स्कूल आई विल नॉट गो टू स्कूल आई विल ईट माई फूड आई विल नॉट ईट माई फूड आई विल लव यू आई विल नॉट लव यू ठीक है आई विल नॉट कम बट प्रेजेंट और पास्ट का एक लफड़ा है, और प्रेजेंट का एक लफड़ा है क्या लफड़ा है जल्दी बताओ, देखो। याद रखना, कभी भी आप simple present का negative अगर बनाएंगे, तो आप डू do और इस्तेमाल करेंगे और सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो डिड का इस्तेमाल करेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट डू नॉट बाकी पूरा सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट तो आप बोलोगे मैम अगर बाकी पूरा सेम है तो यहाँ पर तो एस ई एस भी है यहाँ पर क्यों नहीं है एस ई एस तो आप इसको इस तरीके से लो कि डू और डस की एस और ई एस से दुश्मनी है ठीक है यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि जो डू और डस है ना बेटा वो कभी भी एस ई एस के साथ आपको नहीं दिखेंगे इनके दुश्मनी है इन्होंने बोला अगर ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा समझ में आया तो इसलिए अपने दिमाग में ये चीज डाल लो तो नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है सिंपल प्रेजेंट का फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस क्या होता है मैं जाती हूं है ना वह आती है अगर मैं बोलू वह नहीं आती है वह नहीं गाती है वह नहीं, नहीं जाती है सिंपल प्रेजेंट का अगर मुझे बनाना है तो मैं लगाऊंगी डू या डस अब यहां पर सिंगुलर है सिमिलरली तो आप डस लगाएंगे प्लूरल है तो आप डू लगाएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ही शी इट है तो आप एस सी एस लगाओगे तो आप लगाओगे अगर आई है, वी है यू है दे है तो आप लगाओगे ठीक so है पर मान लो मुझे बोलना है कि मीना गाना नहीं गाती है तो इसका सेंटेंस में क्या बनाऊंगी जल्दी से बताओ अगर मुझे बोलना है मीना गाना नहीं गाती है तो मैं इसका सेंटेंस क्या बनाऊंगी मेरी जान जल्दी बताओ देखो सबसे पहले सब्जेक्ट मीना अब मीना के साथ डू नॉट आएगा ड नॉट भाई मीना तो सिंगुलर है एक ही है मीना इसलिए हम नॉट लगाएंगे मीना नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग ठीक है मीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग अगर यू होगा तो यू डोंट सिंग अ सॉन्ग समझ में आया क्लियर तो इसीलिए याद रखना है डू कहां आएगा और डस कहां आएगा कहा do फड़ जितने बच्चे ध्यान से देख रहे हैं वो अभी questions भी कर पाएंगे अगर आप सीधा क्वेश्चन पे जंप करोगे आपको थ्योरी नहीं आती होगी बेटा कुछ नहीं कर पाओगे फिर ठीक है और मैं बार बार बता रही हूँ मैंने यहाँ पर बुक्स रख रखी हैं और ये दोनों बुक्स तो कुछ भी नहीं बेटा मैंने बहुत सारी बुक्स यहाँ रख रखी है मैं कितनी बारी उठाकर दिखाऊंग ठीक है तो इन बुक्स में से जो आपके प्रीवियस टेन ईयर के क्वेश्चन है ना वो सब मैं बचे जितने समझना बहुत जरूरी है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ठीक है और अभी तक 12000 से ऊपर बच्चे मुझे देख रहे हैं पर हमने 10 के लाइक्स भी क्रॉस नहीं करे हैं अगर 12000 बच्चे देख रहे हैं तो 12000 लाइक्स भी तो कर सकते हैं ना मैम के लिए ठीक है हाँ जी डजेंट और डज नॉट एक ही बात है अब यहाँ पर आप लोग देखो पास्ट में डिड यूज होता है अब डिड में बच्चे क्या करते हैं मैम शी न्यू इट बोलते हो ना ऐसा वो गलत है बिल्कुल आप लोग डिड के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देते हो मैम दे वेंट अरे भाई वर्ब का सेकंड फॉर्म एक ही है दे चुके हैं हम हमें यहाँ पर नहीं लगाना हम लगा ही नहीं सकते हमारे पास पावर ही नहीं है हमें हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है उसके अलावा ठीक है तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है अगर सिंपल पास्ट में बात हो रही है जहां पर भी आप डिड देखो ना वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा इस बात को अपनी गांठ बांध लो कि जहां पर भी हम लोग डिड देखेंगे डिड वहां पर हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्या आएगा डिड के साथ एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में स्पैम करेंगे मेरे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में स्पैम करेंगे कि डिड के साथ क्या लगाएंगे डिड के साथ क्या आएगा जल्दी बताओ बेटा डिड के साथ क्या आएगा यस वो आपका फर्स्ट फॉर्म मीना के साथ अगर लिखा डिंड मीना मीना डिड डिड नॉट नॉट नहीं होगा सिंग सिंग अ सॉन्ग तो ये आपको याद रखना है do or does. ठीक है डू और डस ठीक अभी हम लोग चलते हैं continuous पे इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है ये बच्चों का खेल है कॉन्टिन्यूअस होता क्या है पहले तो फटाफट से ये समझ लो कॉन्टिन्यूअस मतलब बट्टा कोई काम कॉन्टिन्यू हो रहा है जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ आप लोग सारे क्या कर रहे हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ और यार प्लीज अभी तक भी अगर किसी ने शेयर नहीं करा है तो फटाफट से कर दो ठीक है अब मुझे आप लोग बताओ कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ आप लोग क्या कर रहे हो या आप लोग तो पढ़ रहे हो मम्मी क्या कर रही है आपकी वो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ठीक है इस वक्त इस वक्त आपकी मम्मी क्या कर रही है वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट में कौन सा काम कॉन्टिन्यू हो रहा है प्रेजेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं जैसे अगर मैं बोलू मैं मार रही हूँ मैं सो रही हूँ मैं खा रही हूँ मैं इग्नोर कर रही हूँ मैं जा रही हूँ मैं तो तेरे पास नहीं आ रही हूँ ये सब क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ में आया पास्ट कंटीन्यूअस मैं इग्नोर कर रही थी मैं जा रही थी मैं तेरे पास तो नहीं आ रही थी ठीक है पास्ट कंटीन्यूअस मतलब रही थी रही हूं मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस मैं तुझे इग्नोर कर रही होंगी फ्यूचर कंटीन्यूअस मैं तो तेरे मुंह लग ही नहीं रही होंगी फ्यूचर कंटीन्यूअस ठीक है मैं तो जा रही होंगी फ्यूचर कंटीन्यूअस तू जब तक आएगी ना मैं तो अच्छा नहीं नहीं ये तो चुकी वाला होगा ये मैं आगे बताऊंगी ये ज्यादा ही भावनाएं होंगी ठीक है मतलब बेसिकली जा रही हूँ इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जा रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूस जा रही होंगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मतलब कोई काम कंटिन्यू हो रहा होगा कोई काम कंटिन्यू हो रहा होगा समझ में आया अब अच्छा देखो किसी भी काम को करने के लिए हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है ये और नो जल्दी बताओ मेरे सारे बच्चे बताएंगे मेरे सारे क्यूटी प्यूटी बच्चे बताओ किसी भी काम को करने के लिए हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर भी काम कंटिन्यू हो रहा है इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं सिंपल में तो हेल्प अगर कोई चीज़ सिंपल है हमें हेल्प की क्या जरूरत तो ऐसे याद रखो कि जो सिंपल टेंस था सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास सिंपल फ्यूचर उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं थी बट यहाँ पे काम कंटिन्यू हो रहा है तो हमें हेल्प की जरूरत है अगर एक बिल्डिंग बन रही है हमें लेबरर्स की जरूरत है है ना अगर स्टूडेंट्स को पढ़ना है हमें टीचर की हेल्प की जरूरत है टीचर को पढ़ाना है उसे बोर्ड की हेल्प की जरूरत है सबको हेल्प की जरूरत है कोई काम कॉन्टिन्यू करने के लिए राइट तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती हैं अब हेल्प के लिए कौन कौन आता है देखो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में सिंग्यूलर के, के साथ एम लगता है आई के साथ और आर लगता है प्लूरल के साथ ठीक है पास्ट में हेल्प के लिए कौन कौन आता है वॉज और वर सिंगुलर के साथ वॉज प्लूरल के साथ वर और फ्यूचर में हेल्प के लिए कौन आता है यह हम बाद में बात करेंगे अभी ठीक है तो यहाँ पर आप लोग पहले रूल को समझो कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा सब्जेक्ट तो आपको लगाना ही लगाना है झक मार के लगाना है ठीक है सब्जेक्ट के बाद मेरी जान आप लगाओगे इज ए मार हेल्पिंग वर्ब आएगी अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा क्यों क्योंकि हम काम कर रहे हैं जैसे मैं बोलू आई एम डांसिंग तो आई एन जी आया ना हम काम कर रहे हैं आई एम ईटिंग आई एन जी आया ना क्योंकि हम अभी खा रहे हैं ठीक है समझ में आया हा सो यहां पर यही बात है कि सब्जेक्ट इज दे मार हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एनजी और ऑब्जेक्ट बाकी अगर आपको यह याद हो गया आपको ये दोनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे ठीक है

के सब्जेक्ट साथ विल और आएगा क्योंकि विल और शैल बेस्ट फ्रेंड है ये मैं पहली बता चुकी हूं so, सबसे पहले आप आंख बंद करके सब्जेक्ट के साथ विल और शैल लिख दोगे ये पीछे नहीं छोड़ेंगे अब इसकी हेल्प के लिए आता है बी 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 बाकी पूरा सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एनजी ऑब्जेक्ट

यहाँ पर दे वर कमिंग टू आवर हाउस वो हमारे घर आ रहे थे ठीक है आ रहे थे इसलिए वर लग गया ऐसे फ्यूचर कंटीन्यूअस में प्रिया विल बी गोइंग टू स्कूल प्रिया स्कूल जाएगी जा रही होगी ठीक है समझ में आया इज दैट क्लियर सो जहां पर भी देखो विल के साथ बी आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो समझ जाओगे ना फ्यूचर कंटीन्यूअस है इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे जल्दी बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है फ्यूचर क्वान्टुअस में सब्जेक्ट विल शैल उसके साथ बी आएगा बी ई और बाकी पूरा सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एनजी ऑब्जेक्ट एवरी थिंग इज गन बी सेम इनका नेगेटिव सेंटेंस अगेन आपको कुछ ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है केवल नॉट आता है आई एम गोइंग टू स्कूल आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल प्रिया इज गोइंग टू स्कूल प्रिया इज नॉट गोइंग टू स्कूल सिंपल इसमें कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है ठीक है चलो 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 आगे चलो आगे चलो अब आते हैं परफेक्ट टेंस पे आप मुझे ये बताओ दुनिया में कोई परफेक्ट है जल्दी बताओ मेरे घर वालों ने मुझे अभी तक पानी नहीं दिया मुझे मारना चाहते हैं पानी के लिए है तो, डैडी को बोल दे ग्लास में ही दे दे तब से मेरा गला सूख गया ठीक है दुनिया में कोई परफेक्ट है कोई परफेक्ट नहीं है कोई परफेक्ट नहीं है आई के साथ वॉज आएगा आई के साथ वॉज आएगा आई के साथ वर सिर्फ एक ही जगह लगता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी सब्जेक्ट एग्रीमेंट में ठीक है आई के साथ वर एक ही जगह लगता है आई के साथ आएगा, गॉट इट चलो अभी यहाँ पर परफेक्ट टेंस पे आ जाओ अब आपने बोला भाई परफेक्ट तो कोई भी नहीं है राइट अब यहीं से आपको समझ लेना है बात को थैंक यू यहीं से आपको बात को समझ लेना है कि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता दो बार में कोई परफेक्ट नहीं होता तीसरी बार ऐसे तीसरी बार मारा ऐसे बिल्कुल डेडलाइन होता है ना कि भाई देख एक मौका दूंगा दो मौके दूंगा तीसरे पे मारूंगा राइट तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि परफेक्ट जहां पर भी दिखे वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो इतना समझ में आया कौन सा टेंस लगाएंगे परफेक्ट टेंस में अगर कहीं पर भी आप लोग देखो कि परफेक्ट टेंस लगाना है तो आप लोग कौन सा वर्ब लगाओगे जल्दी मुझे बताओ जल्दी बताओ अभी क्वेश्चन करेंगे अभी मैं अच्छा मैं एक चीज नरेट करती हूं मुझे बताना वो समझ में आया कि नहीं क्या आपको ये समझ में आया कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं मुझे ये बताओ बस सारे बच्चे बारह के बारह हजार मुझे यह बताओ कि आपको इतना समझ में आ गया कि जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं चाहे वो कोई सा भी कॉन्टिन्यूस हो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इतना क्लियर है कि आपको ये समझ में आया कि प्रेजेंट में इज एम आर लगता है पास्ट में वॉज वर्ड लगता है और फ्यूचर में बी लगता है क्या यह समझ में आया इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना हाँ तो अगर इसमें डाउट नहीं है तो फिर किसमें डाउट है यही तो समझाया मैंने अभी यही समझाया मैंने अभी जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं ना उन्हें समझ में आ रहा होगा जो बच्चे फालतू की बकैती कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में उनका हर जगह ध्यान है कि नितिन क्या लिख रहा है मोहन क्या लिख रहा है ठीक है जागृति क्या लिख रही है पारुल क्या लिख रही है पारुल तो तो चलिए अभी क्वेश्चंस कराऊंगी तो और समझ में आएगा कि कैसे पेपर में क्वेश्चन को करके आना है ठीक है अभी मेरी बातें समझ लीजिए सो so, यहां पर परफेक्ट टेंस में आपको याद रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा हर जगह एक एक चीज ये याद रखनी है दूसरी चीज है अब में, आप लोग चार्ट वाइज याद रखो ना यार कि दूसरे चार्ट में हमने ये सब पढ़ा दूसरे चार्ट में हमने ये वाली हेल्पिंग वर्ब पढ़ी अब नेक्स्ट चार्ट में हम लोग अलग एच फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं इसके बारे में एच फैमिली तो परफेक्ट टेंस में कौन रहता है एच फैमिली रहता है ऐसे मान लो परफेक्ट टेंस एक मोहल्ले का नाम है और वहां पे एच फैमिली रहती है ठीक है फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज आएगा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है मान लो सब्जेक्ट लिखा है दे फिर उन्होंने लिख दिया हैव और आपको दे दिया डैश और आगे ऑब्जेक्ट लिख दिया अब बच्चे कंफ्यूज है हम हैव के साथ क्या लगाएं तो भाई हैव के साथ तू हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएगा चाहे तेरा have हो, मैं यहां पर लिख रही हूं नोट कर रही हूं आप सारे बच्चे कॉपी में नोट कर लो ये एक हैक की तरह आपके लिए काम करने वाला है चाहे आपका हैव हो चाहे हैज हो चाहे हैड हो और एक लास्ट चीज चाहे विल या शैल के साथ have हो, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो कि इन सबके साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे बस यही है परफेक्ट मतलब दोपहर मान लो, मान लो तो में है ना और मम्मी को बोलोगे मम्मी मैं तो ग्रामर पढ़ चुका हूं मतलब आज ही की बात हो रही है प्रेजेंट की बट प्रेजेंट में भी आपने कोई काम खत्म कर चुके हो ठीक है जैसे आप कोई ऐसा सेंटेंस कमेंट में लिखकर भेजो जो आप आज ही कर चुके हो फॉर एग्जाम्पल मैं नहा चुका हूं मैं ब्रश कर चुका हूं मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूं मैं कॉपी पेन लेके बैठ चुका हूं मैं खाना खा चुका हूं मैं अपने नोट्स बना चुका हूं मतलब आज ही की बात है प्रेजेंट की बात है बट प्रेजेंट में भी बच्चे आप कोई काम कर चुके हो दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है साउंड गुड इज दैट क्लियर अब इसका रूल क्या है इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हिंदी में तो बोल लिया मैं खाना खा चुका हूं है ना मैं ये कर चुका हूं मैं बात कर चुका हूं मैं नहा चुका हूं मैं पढ़ चुका हूं बट इंग्लिश में कैसे बोलना है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है उसके बाद हैव या हैज हैव या हैज अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो हैव किसके साथ आएगा प्लुरल के साथ हैज आएगा सिंगुलर के साथ मतलब ही के साथ शी के साथ इट के साथ या किसी के नाम के साथ आप हैज लगाओगे फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी का नाम ले लेती हूँ आराध्या हैज अभिषेक हैज आदिति हैस खुशी है we have, they have, you have, I के साथ भी have. Got it? तो ये आपको ध्यान रखना है अब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे कि मैं बोल रही हूं वो स्कूल जा चुके हैं सो दे सब्जेक्ट दे plural है तो हैव अब गो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा हैव गॉन टू स्कूल तो कभी भी आपके सेंटेंस में बेटा have I, has I, had I, या और के साथ have I, आपको का का लगाना है इनके अलावा पूरे में का third form कहीं पर भी नहीं लगाते हैं सारी जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है इज दैट क्लियर सारी जगह मेरी जान वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा केवल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसके साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है कमिंग टू योर पास्ट परफेक्ट मैं काम कर चुका था भाई कल जब तू मेरे घर आया ना मैं तो निकल चुका था ठीक है तो मैं तो निकल चुका था इज योर पास परफेक्ट क्योंकि एक तो आप पास्ट की की बात कर रहे हो कल धीरे धीरे तोड़ लो पास को तोड़ लो परफेक्ट को तोड़ लो पास मतलब कल की बात हो रही है परफेक्ट मतलब कल में ही हम कोई काम कर चुके हैं जैसे मैं बोलू यार कल तो मैं फुटप्रिंट्स पढ़ा चुकी थी है ना या परसों तो मैं फर्स्ट फ्लाइट पढ़ा चुकी थी ठीक है या मैं तो तुमसे ऑलरेडी प्यार कर चुकी थी ठीक है तो इट्स लाइक पास्ट में कोई काम हो चुका था अब पास्ट में कोई काम हो चुका था को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले अब आएगा हैड पूरा सेम है रूल पूरा सेम है आपने अगर एक रूल याद कर लिया आपको एंड तक के रूल याद हो गए केवल हेल्पिंग वर्ब बदल रही है रूल पूरा सेम है जैसे सब्जेक्ट

जब तक आप कल आओगे ना मैं तो एग्जाम दे के आ चुका होंगे मतलब फ्यूचर की बात है एक तो कल की बात कर रहे हो आने वाले कल की टुमारो की ऊपर से आप मम्मी को बोल रहे हो कि आप आ चुके हो राइट अब मैं बोलू यार जब तुम मुझसे मिलने आओगे ना मैं तो जा चुकी होंगी राइट अब अगर मैं बोलू की अरे यार तुम आओगे तब तक तो मैं खाना खा चुकी होंगी तो कोई काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा चुका वर्ड याद कर लो कोई काम हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट चुका था पास परफेक्ट और चुका होगा इज योर फ्यूचर परफेक्ट तो यहाँ पर आप क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे अगेन सबसे पहले सब्जेक्ट और विलर शैल तो आएगा ही बेस्ट आपको याद रखना है कि जो आपके बिफोर वाले सेंटेंस है ना ठीक है जो भी आपके बिफोर वाले सेंटेंसेस है उनमें आप क्या करोगे बिफोर से पहले हमेशा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे माने पास परफेक्ट और बिफोर के बाद हमेशा आप लोग सिंपल पास्ट लगाओगे ठीक है यानी कि का सेकंड फॉर्म तो ये वाली चीजें आपको याद में रखनी है ठीक है कि बिफोर से पहले ये एक हैक है जो आपको दिमाग में रखना है बिफोर से पहले अगर कोई फिलिंदा ब्लैंक्स है तो आप उसमें पास्ट परफेक्ट लगाओगे अब पास्ट परफेक्ट का रूल हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और अगर बिफोर के बाद कोई सेंटेंस है तो आप लगाओगे वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट दैट्स इट और आपको कुछ भी नहीं करना ठीक है अब यहां पर आप लोग देख सकते हो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर अगर हमने लीव है मान लो हमारे पास ठीक है और अगर बिफोर से पहले है तो हम हैड लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड लेफ्ट अगर यहां पे मान लो रीच है ब्रैकेट में पेपर के अंदर और अभी आपके भी क्वेश्चन में कराऊंगी ठीक है अगर तो क्या करना है खाली जगह यहाँ पर भी लिख देती हूँ यहाँ पर, पर एक बॉक्स बना लो ऐसे करके छोटू सा बॉक्स बना लो और उस बॉक्स में अपनी चीट शीट की तरह आप लोग लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर ये बी मतलब बिफोर तो बिफोर से अगर पहले कोई फिलअप आए तो आपको क्या करना है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है बिफोर के बाद कोई आए तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है ठीक है और आफ्टर में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा आफ्टर में इन दोनों को स्वैप कर दो बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था तो पहले कर दो यहां पे एक बाद पहले ये था तो इसको बाद में कर दो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट्स इट और आपको कुछ भी नहीं करना क्लियर एवरी वन थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइज थैंक यू थैंक यू ठीक है हाँ एक और बच्चे ने एक मेरा बच्चा था उसने बच्चों को यह भी बताया कि आप इसको 32 और 23 से याद कर सकते हो 32 और 23 से याद करने का क्या मतलब है देखो आई विल टेल यू बड़ी शीट है क्या यार हमारे पास रुको कोई एक बड़ी शीट खोल लेते उस पर मैं आपको आराम से बता देती हूँ कि थर्टी से उसका क्या मतलब है सो so, यहाँ पे मान लो ये मैंने एक बड़ा सा पावर पॉइंट खोल लिया ठीक है पावर पॉइंट पे मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आप कभी भी भूलो ना देखो बच्चों, so यहां पे 32 और 23 से उसका क्या मतलब है? के बिफोर और आफ्टर ठीक है ये दो ब्लैंक्स आ सकते हैं अगर आपके सेंटेंस में बिफोर है तो मैंने बोला पहले पास परफेक्ट आएगा यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है मतलब थर्टी और यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है मतलब टू तो यहाँ पे बिफोर का आप थर्टी टू याद कर लो और आफ्टर का आप ट्वेंटी थ्री याद कर लो क्योंकि आफ्टर में उल्टा हो जाता है यहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है और यहाँ पे हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये आप अपनी कॉपी में बना लो तो आप लोग सिंपल फॉर्मूला है थर्टी टू और ट्वेंटी थ्री से भी इसको याद कर सकते हो क्लियर एवरी वन समझ में आया ओके okay. वेरी नाइस ठीक है तो आपको अगर इतना समझ में आ गया मतलब मैक्सिमम चीज आपकी हो गई ठीक है सो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी डैश द स्टेशन तो आपको पता चल जाएगा बिफोर के बाद है मतलब सेकेंड फॉर्म आएगा बिफोर वी रीच द स्टेशन सिमिलरली बच्चे अगर यहां पर है द डॉक्टर डैश after the patient had died तो so, आपको पता है आफ्टर लगाएं अब आफ्टर से पहले मैम ने क्या बताया था आफ्टर से पहले बताया था वर्ब का सेकंड फॉर्म so the doctor arrived after the patient had died इसमें किसी को कोई डाउट है एक बारी यस मैम नो मैम बता दो अगर इसमें कोई डाउट है तो ठीक है अगर इसमें डाउट नहीं है तो हम लोग लास्ट टेंस पे चलते हैं फिर मैं आपको टेंसेस के कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई अपने को आता है ठीक है तो अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो मुझे एक बार फटाफट -फड़ से बता दो कि यस मैम इसमें हमें कोई डाउट नहीं है यहां तक हमें सब क्लियर है नो डाउट ओके कुछ लोग तो रोने का भी मजाक ही बनाते हैं बट मेरे को लगता है वो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं जो दूसरों के आगे रो पाते हैं क्योंकि वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब मेरे को यार लेजेड किसी से फर्क नहीं पड़ता हाँ चाहे तुम ओवर एक्टिंग बोलो चाहे तुम कुछ भी बोलो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई क्योंकि मेरे को पता है मैं कैसी हूँ एट द एंड ऑफ द डे और मेरा भगवान जानता है मैं कैसी हूँ तो दुनिया में हर कोई तो मुझे पसंद कर नहीं सकता और वैसे भी शायद आई एम डूइंग वेल इन लाइफ दैट इज द रीजन यू पीपल आर सो इनसिक्योर And ये का नेचर दिखाता है। आप लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे बल्कि आप लोग नौकरियां ही करोगे दस दस पंद्रह पंद्रह हजार की वो भी आपकी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है जो लोग ऐसे बेकार के उठकर आ जाते हैं ना मुंह धोते हैं ना हाथ धोते हैं ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो परफेक्ट में आपको एक बात अपने दिमाग के अंदर रख लेनी है, ये जो टेंस है, ना, ये चोर है. अब ये टेंस चोर क्यों है क्योंकि इसने अपना पूरा का पूरा जो रूल है वो चुराया है पूरा का पूरा जो रूल है ना ये चुरा कर लेकर आया है ठीक है अब इसने किससे चुराया है लेटमी टेल यू सबसे पहले हम बात करते हैं

ठीक है अब इसने आगे क्या करा ये कॉन्टिन्यूस पे गया इसके नाम में ही क्या है perfect continuous. तो आधी चोरी ये ये से 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 करता करता है 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 आधी चोरी ठीक चुरा लाया बीच में बीन लगाया अब continuous पे जाएगा और कॉन्टिन्यूस से क्या चुरा के लाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट अब जब इसने अपना इतना रूल बना लिया फिर भी सबने इसको बोला भाई तू अभी भी चोरी कर रहा है तो इसने क्या करा इसने दो चीजें ऐड कर दी वो है और तो आपको बेसिकली याद रखना है कि मैं पढ़ा रही हूँ मैं, मैं जा रही हूँ वैसे बस इनमें टाइम लगा होता है इनमें साथ में टाइम होता है जैसे कि मैं दस बजे से पढ़ा रही हूँ ठीक है वो दोपहर से आ रहा है वो उन्नीस सौ नब्बे से ये काम कर रहा है बेसिकली कोई भी काम जो एक टाइम एक गिवन टाइम से हो रहा है ठीक है वो हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज दैट क्लियर अगर मैं बोलू मैं तो पिछले हफ्ते से पढ़ रही हूँ तो मतलब पिछले हफ्ते से कोई काम अभी तक चल रहा है तो इसमें टाइम जरूर होगा है ये कॉन्टिन्यूस ही मैं खा रही हूँ मैं जा रही हूँ मैं आ रही हूँ मैं नहा रही हूँ बट बेसिकली बात क्या हो रही है कि कोई टाइम गिवन है क्लियर एवरी अभी हाँ कौन सा टेंस यूज करे समझ नहीं आता अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो समझ में आएगा ठीक है हाँ जी जरूरी है जरूरी है टाइम टाइम ही तो जरूरी है टाइम होगा तभी तो आप पहचानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है अगर टाइम नहीं होगा तो आप लोग कैसे पहचानोगे कैसे पहचानोगे आप टाइम तो बेटा बहुत जरूरी है गॉट इट सो यहां पे आप क्या करोगे सब्जेक्ट आ गया आपका प्रिया अब आपने क्या करा आप हैव और हैज में से क्या लगाओगे हैज क्योंकि सिंगुलर है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ सो प्रिया हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर फोर डेज अब बच्चों को सिर्फ एक ही कंफ्यूजन है कि सिंस कहाँ लगाएं और फॉर का लगाएं तो इसके लिए मैं एक हैक बता देती हूँ जल्दी से आपको अगर आपके सेंटेंस में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है मान लो 4 है 6 है 8 है 9 है 5 है अगर आपके सेंटेंस में कोई भी नंबर गिवन है और उसके आगे अगर आप ये वाली स्पेलिंग्स देखते हो फॉर एग्जाम्पल डी ए वाई लिखा है डब्ल्यू ई के लिखा है एम ओ एन टी एच लिखा है ये वाली स्पेलिंग देखते हो तो आप इनके आगे फॉर लगाओगे जैसे कि फॉर नाइन ईयर फॉर फाइव आवर्स ठीक है तो आप इनके आगे क्या लगाओगे फॉर लगाओगे अगर आप देखते हो कि खाली आपके सेंटेंस में ईयर है इनके आगे कुछ भी इनमें से नहीं है या फिर खाली लिखा है लास्ट मंथ या फिर खाली लिखा है आफ्टरनून या खाली लिखा है इवनिंग तो आप इन सभी के साथ फिर सिंस लगाओगे क्लियर तो ये एक हैक है जो आपको याद रखना है ये एक छोटा सा हैक है जो आपको याद रखना है क्लियर कि यहाँ पर अगर नंबर्स गिवन है फोर सिक्स एट नाइन कोई भी नंबर गिवन है आपके सेंटेंस में और उसके आगे डे है वीक है मंथ है ईयर है आर है तो आप क्या लगाओगे आप फोर लगाओगे एफ ओ आर लगाओगे ठीक है और अगर नंबर गिवेन नहीं है या फिर नंबर है बट उनके आगे ये नहीं लिखा हुआ तो आप सबके साथ सेंस लगाओगे इतनी सी बात आपको समझ में आ गई अगर आ गई तो प्लीज यस मैम बोल दो ठीक है चलिए ऑल राइट सो यहां पे बेसिकली क्या है अगर है प्रिया हैज बिन सिंगिंग अ सॉन्ग कब से गा रही है फॉर फोर डेज तो जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखो कि सिंस या फॉर में से कुछ लगा हुआ है आप समझ जाना कि वो आपका कौन सा टेंस है सारे बच्चे स्पैम करेंगे इन द कमेंट सेक्शन अगर अगर बेटा आपके पेपर में आप लोग देख रहे हो कि सिंस या फॉर में से कुछ भी लगा हुआ है तो आप समझ जाना वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ठीक है वो क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है क्लियर एवरी क्लियर गॉट इट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो मतलब हैज हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इतना कंफ्यूज मत करो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपको कोई नई चीज याद नहीं करनी है ना इट्स लाइक अ सब्जी इट्स लाइक अ सब्जी कि आपको टोमेटो अनियन सब में ही डालना है बस वो क्वांटिटी के किसी राजमा बना रहे हो तो पीस के डालना है ही डालना है तो ये ये वाली चीज है कि है साथ तो में भी है। में पूरा, का पूरा रूल सेम है सारा डिटो सेम है केवल हैड है आ जाएगा केवल हैज की जगह हैड आ जाएगा और बिल्कुल डिटो आपका फ्यूचर में भी है सारी चीजें आपकी परफेक्ट टेंस वाली हैं सब्जेक्ट विल और शैल

हाँ हाँ स्माइल कर ली भाई स्माइल कर ली ठीक हूँ मैं आई एम ओके आई एम ओके द थिंग इज यार कि यू गो लाइक यू सफर मेनी थिंग्स इन योर लाइफ राइट एंड आप बच्चों को बताते नहीं हो बट फिर कुछ बच्चे ना अब पता नहीं मैं बस कुछ बोलना नहीं चाहती छोड़ दो ठीक है ये समाज ही घटिया है भाई ये समाज ही आधा आधा समाज जो है ना वो घटिया है आधा समाज घटिया है यहाँ पर जो लोग सच्चे हैं जो लोग मन की बात बोल देते हैं उनको बोला जाता है कि सिंपत्ति ले रहे हो ओवर रिएक्ट कर रहे हो ओवर ये कर रहे हो ओवर वो कर रहे हो जो लोग एक एक कवर ओढ़ के रहते हैं एक uh, स्माइल uh, पूरा टाइम रखते हैं मुंह पे चाहे वो पीठ पीछे गाली ही दे रहे हो बच्चों को ठीक है उनको पूजा जाता है कि ये ये बहुत अच्छे हैं ये बहुत वो हैं ये बहुत वो है तो ये समाज ही उन लोगों का है जिसमें मैं फंस गई हूँ तो बस वो वाली चीज़ है बट कोई बात नहीं मैं सीख जाऊँगी मैं सीख जाऊँगी वक्त के साथ कि कैसे इन चीज़ों से आगे बढ़ा जाता है मे बी आई एम न्यू मैं टीचर तो अभी बहुत पहले से हूं क्रिएटर अभी बनी हूँ ना चैनल अभी खोला है हेटरेड अभी मिल रहा है वैसे ही होता है कि फेम के साथ हेटरेड भी आता है साथ साथ में तो मैं सीख जाऊंगी थोड़ा सा कि सेंसिटिव कम होना है और प्रैक्टिकल ज्यादा रहना है बच्चों के साथ ज्यादा नहीं सोचना कि बच्चे क्या बच्चों को क्या लगता है ये चीज चाहिए तो ठीक है ये चीज मैं सीख जाऊंगी ओके सो आई होप दिस इज एप्सल्यूटली क्लियर ठीक है अब जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा तो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैं फटाफट से क्विक रिवीजन आपको दे रही हूं, आप लोग मेरी बात को समझ लेना कि इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट मैं आपको दिखा भी देती हूँ फटाफट से इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर लग गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस विल शैल के साथ बी लग गया तो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टीन्यूस लाइक दिस ठीक है ऐसे ही अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट है है तो आपको याद रखना है कि भाई टेंस में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं चाहे वो प्रेजेंट हो परफेक्ट हो पास्ट हो तो अब अगर हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट विल शैल के साथ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट सिमिलरली अपने को याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है बहुत ही सिंपल सा रूल है जहां पर भी आप सिंस फॉर या बीन देख लो आप समझ जाना कि आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है अब हैव हैज होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हैड होगा तो पास्ट परफेक्ट और विल और शैल लग गया तो पता ही चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट तो इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है बच्चों जो हमको ना आती हो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो वरना हम टेंसिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चल रहे हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे पहले आसान क्वेश्चन कराऊंगी फिर आपको डिफिकल्ट थोड़े से क्वेश्चन दूंगी क्योंकि सीधा ही डिफिकल्ट दे दूंगी तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में ऑल राइट सो चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं मुझे लगता है आप लोग बिल्कुल रेडी हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टेंसेज आपको समझ में आ गया है सो लेट्स गो लेट्स ओपन टेंसेज वाली पीपीटी एंड लेट्स Give you the timer and let's start questions now. ये सारे notes भी मैं आपको दे दूँगी telegram पर, ठीक है? Okay. चलो सो so, यहां पर शुरू करते हैं फटाफट से आप देखना आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ठीक है मैं आपको ट्वेंटी सेकेंड का टाइमर दे रही हूँ आई डैश टू द सुपर मार्केट यस्टरडे आई डैश टू द सुपर मार्केट यस्टरडे लेट्स टेस्ट आर टेंसेज फटाफट से हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कि हम लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं अगर ये कर पाओगे ना तो आराम से आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर के भी कर पाओगे क्वेश्चन पेपर के भी कराऊंगी बट पहले ये थोड़ा सा बेस बना लें ठीक है चलो आई डैश टू द सुपर यस्टरडे क्या होगा करेक्ट आंसर अब मैं आपको समझाती भी जाती हूँ तो अपने दिमाग में बिठा लो अपनी कॉपीज में लिख लो कि अगर यस्टरडे लिखा हुआ है तो आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओगे बात खत्म अगर यस्टरडे लिखा लगाओगे सौ बात की एक बात ठीक है तो यहाँ पर आप लोग लगा दोगे वेंट ऑप्शन नंबर ए

क्वेश्चन नंबर भी लिख दो यार थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि इतने सारे बच्चों में ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है देखना कि कौन सा वाले का तुम आंसर कर रहे हो है ना जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर ऑल्सो यार जिन बच्चों ने अभी तक भी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया वो कर दो यार क्या मुझे नेक्स्ट फाइव मिनट्स में फोर्टी थाउजेंड लाइक्स देखने मिल सकते हैं प्लीज मैं ठीक हूँ अब बच्चों में ठीक हूँ अब इग्नोर करो अब आगे बढ़ते हैं बस मुझे कुछ बच्चे ऐसी फीलिंग देते हैं जैसे आपको आपके मम्मी पापा फील नहीं 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 देते कि आप आप किसी से से भी भी हो हो अपने कजिन से भी नहीं हो, बट वो कॉन्स्टेंटली आपको कंपेयर करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं और आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीजों से गो थ्रू कर रहे होते हो और आप अपने मम्मी पापा के लिए भी बहुत सारी चीजें कर रहे होते हो बट एट टाइम्स आपके मम्मी पापा आपको समझते नहीं है और वो आपको कॉन्स्टेंटली गंदा बोलते हैं और कंपेयर करते हैं जब तो आप फट जाते हो तो बिल्कुल मुझे भी वैसा फील कराया जा रहा था दो दिन से कि मैं किसी से चिड़वी नहीं रही मतलब बोले जा रहे बोले जा रहे हैं वैसे ही मेरी लाइफ में इतनी भसड़ चल रही है ये और चालू हो गए तो वो चीज फिर फट गई बस बट अब मैं ठीक हूं अब फटाफट से इस पर फोकस करूं करेक्ट आंसर इज बाय time नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का बत, मतलब क्या है बच्चों फ्यूचर की बात हो रही है जब हमें ये पता चल गया फ्यूचर की बात हो रही है तो दो ऑप्शन तो पहली काट दो जिनमें विल नहीं लगा क्योंकि जहां फ्यूचर होगा वहां पे विल होगा ठीक है वो वाली स्टोरी थी ना हिंदी में तीनों तीन तारह वाली पता नहीं भूल गई भाई मैं सो so, यहाँ पे लिखा है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मैं अपनी स्टडीज पूरी कर चुका हूंगा सो so, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर सी कि तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़कर भी आप समझ सकते हो कि भाई नेक्स्ट ईयर टाइम दे रखा है हमको है ना हमें टाइम दे रखा है कि अगले साल इस टाइम तक ना भाई मेरी जो स्टडीज है वो कंप्लीट कर चुका होगा ठीक है हाँ अगर सिंपल होता अगर सिंपल फ्यूचर होता तो नेक्स्ट ये नहीं दिया होता ना दिस टाइम नेक्स्ट ईयर अगर आप ए ऑप्शन बोल रहे हो अगर सिंपल फ्यूचर होता तो आपको दिस टाइम क्यों स्पेसिफिकली देते तो थोड़ा सा दिमाग आपको इन क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा ठीक है चलो नेक्स्ट पे आ जाओ द डैश एट द पार्टी वेन आई अराइव चलो इसका बताओ कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो कर लोगे जल्दी जल्दी कोशिश करो कर लोगे द डैश एट द पार्टी वेन आई अराइव अराइव्ड मतलब क्या लिखा है यहां पर पास्ट पास्ट की बात हो रही है तो अराइव्ड से ये तो पता चल गया पास्ट की बात हो रही है बट वो बोल रहा है जब मैं पहुंचा था तो वो क्या कर रहे थे रहे थे इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूस है ना जहां पे रहा आ गया वो कॉन्टिन्यूस रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस समझ में आया सो so, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताओ Yes, absolutely. They dash at the party when I अराइव पहली बात तो पास्ट की बात हो रही है तो ये हटा देंगे ये हटा देंगे हाँ तो में लगता है विल हटा देंगे बच्चा क्या वर्ड डांसिंग ऑप्शन नंबर दे गॉट एट एवरी वन चलो एक बच्चा बोल रहा है सी दे हैव हैव डांस बेटा हाँ अगर तूने देखा होगा हमने हर जगह प्रेजेंट में लगाया है प्रेजेंट परफेक्ट में लगाया है राइट तो जब तेरे सेंटेंस में ही पास्ट की बात हो रही है तो तू प्रेजेंट में क्यों लगाएगा इन चीजों को डिफरेंशिएट कर ठीक है इन चीजों को डिफ्रेंशिएट कर यहां पे मैं तेरे लिए लिख भी देती हूँ सारे बच्चे ये चार्ट बना लो कि आपकी जो प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो कौन कौन सी है यहाँ पर लिख लो इज एम आर है इजेट है, में हैज और हैव है, है परफेक्ट में और हैज हैव के साथ ही बीन लग जाता है तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है ये आपकी प्रेजेंट की है ठीक है पास्ट की आपकी क्या है वोज और वर है कॉन्टिन्यूस में और हैड है आपकी किस में परफेक्ट में ठीक है तो ये आप कंफ्यूज मत हो हैज हैव हैड में इस तरीके से अपना चार्ट बना लो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन लाइफ में ना रहे ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आइए फटाफट -फड़ से एज द डेज पास आई डैश हिज शैडो एज द डेज पास आई डैश His shadow. बेटा दो रीजन है एक तो पोल के लिए मेरे पास कोई है नहीं जिससे मैं पोल कराऊं ठीक है आपको मैंने बहुत बार बता दिया है कि आई एम नॉट रनिंग अ कंपनी सो आई डोंट हैव एनी टू पुश अ पोल एंड दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि पोल में मुझे दिखेगा नहीं कौन सा बच्चा क्या आंसर कर रहा है एटलीस्ट यहाँ पर अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं उस बच्चे को पॉइंट करके बोल तो सकती हूँ ना तो मेरी दोनों ही मजबूरियां हैं एक मजबूरी मेरी ये है मेरे पे कोई है नहीं और दूसरा ये है कि मुझे दिखेगा भी नहीं आप लोग क्या आंसर कर रहे हो एटलीस्ट यहाँ पर मुझे दिख पा रहा है कौन सा बच्चा सही और कौन सा गलत जवाब दे रहा है ठीक है सो एज द डेज पास्ट आई डैश हिज शैडो पास की क्या बात हो रही है पास्ट की है ना कि जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं क्या बन गया आई बिकम आई विल बिकम आई हैव बिकम या आई बिकेम जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर हां जी व्हाट डू थिंक इज द करेक्ट आंसर यस वेरी गुड तो जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं क्या बन गया था मैं उसकी शेडो बन गया था सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर डी नेक्स्ट पे आ जाओ आई कॉन्टिन्यू डैश एड डैट शूज स्टोर अंटिल इट वॉज टाइम टू लीव फॉर कॉलेज इसमें चलो थर्टी सेकेंड्स देती हूँ दिमाग लगाओ कि तुम लोग क्या यहाँ पर फिल इन कर सकते हो दिमाग लगाओ यहाँ पर हम लोग क्या फिल इन कर सकते हैं आई कॉन्टिन्यू फॉर वर्किंग आई कॉन्टिन्यूड एट वर्किंग आई कॉन्टिन्यू टू वर्किंग इट वॉज टू लीव फॉर कॉलेज द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड पर अभी टाइम बचा है दो तीन सेकेंड तो और दे लो आंसर सो so, यहां पर वो क्या बोल रहे हैं मैंने कॉन्टिन्यू किया बट कॉन्टिन्यू भी देखो पास्ट में ही लिखा है राइट आई कॉन्टिन्यूड राइट और अगर आप पढ़ के भी फॉर हैर है? कुछ, कुछ तो आता है आई है जी के साथ राइट right? यहाँ पे तीनों में आई एनजी है तो कोई तो हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए था इज एम आर वो वर्क कुछ तो लगता सो करेक्ट आंसर इज डी चलिए नेक्स्ट पे आइए इस तरीके से बेटा आपको दिमाग में रखना है इज आर के साथ ये आता है वर के साथ ये आता है ताकि आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच पाओ ठीक है कोई बात नहीं अभी चार ही क्वेश्चन किए जैसे जैसे और प्रैक्टिस करोगे आपको आएगा डेफिनेटली आएगा वी डैश गेम्स इन द इवनिंग एवरी डे अब यहां पे देखो कोई ऐसी चीज की बात हो रही है जो आप रोजाना करते हो एवरी डे और मैंने आपको बताया था अगर आप रोजाना कोई काम कर रहे हैं है ना अगर आप रोजाना कोई काम कर रहे हो तो फिर उसमें आप कौन सा टेंस लगाओगे जल्दी बताओ हाँ जी बेटा क्या होगा करेक्ट आंसर तीन सेकेंड बचे हैं यस 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 द करेक्ट आंसर इज अब देखो वी है हमें ये तो पता चल गया ना कि हम अरे भाई उधर हो जा क्या हो गया क्या हो गया भाई ठीक है उसे पता चल गया कि भाई हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे क्योंकि एवरी डे की बात हो रही है रोजाना की बात हो रही है 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 ना अब जब की बात हो रही है, रोजाना की बात हो रही है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी है मतलब प्लूरल है अब अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ई एस तो लगाते ही नहीं है और अगर प्रेजेंट है तो ईडी क्यों लगाएंगे करेक्ट तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वी प्ले गेम्स इन ऑप्शनिंग एवरी डे ठीक है चलो नेक्स्ट पे आओ लिखा है शी शी यूजुअली यूजुअली डैश एट द द बैक ऑफ क्लास अब यूजुअली बेटा एक ऐसा वर्ड है जहां पर भी आपको यूजुअली दिखे ना मैं आपको बता रही हूं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है ठीक है कि भाई वो यूजुअली वही बैठती है वो क्लास के पीछे ही बैठती है है ना वो क्लास में पीछे ही जाके बैठती है अब होते हैं ना कुछ बच्चे मेरी तरह जो बैक बेंचर्स ही होते हैं जो पीछे ही जाके बैठते हैं सो so, वैसे ही है कि भाई हमें आगे की सीट नहीं पसंद कभी भी कुछ भी होता था पिकनिक जा रही है बस हमारी है, मैं सबसे पीछे सीट पे मैं और मेरे दोस्त ठीक है अब फिर मैम बुलाती थी पीछे लड़के हैं तो तुम आगे आ जाओ मैंने बोला तो मैम मैं पहले बैठी थी तो लड़कों को आगे बुलाओ ठीक है तो ऐसे होता था हमारे साथ तो यहाँ पर बेसिकली यूजली आ गया तो सिंपल प्रेजेंट तो यहाँ पर क्या आएगा अब शी हमारा सिंगुलर है राइट right? बहुत बच्चे जल्दबाजी में सिट बोल रहे हैं और मैंने अभी क्या बताया शी के साथ एस ई एस लगता है अगर आप सिंपल प्रेजेंट लगा रहे हो तो एस ई एस लगेगा सो शी सिट्स होगा ठीक है शी सिट्स यूजुअली सीट्स एट द बैक ऑफ द क्लास चलो नेक्स्ट पे आओ द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट यहां पर तो आपको पहले ही आंसर दे दिया है है ना क्योंकि क्या लिखा है बेटा जो सन है वो क्या कर रहा है राइजेस इन ईस्ट लिखा है तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर जल्दी करो प्रैक्टिस पे नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे सब्जेक्ट एग्रीमेंट जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर जिन बच्चों ने अभी भी यार क्लास को लाइक और शेयर नहीं करा वो कर दो यार क्या आज हम फोर्टीन के की लाइव वॉचिंग क्रॉस करेंगे यस yes. करेक्ट आंसर इज अब यहाँ पे देखो दी बात तो द लग गया तो मतलब एक ही है और सन तो वैसे भी हमें पता यूनिक है अपने आप में एक है राइट और उसके साथ आप खुद देख रहे हो एस एस लगाइज लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड यहां पर क्या होगा सेट इन द वेस्ट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो ये तो आपको खुद ही आंसर आंसर क्वेश्चन में ही दे दिया था तो प्लीज बी वेरी वेरी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेते हो दस क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं ठीक है तो आप दस में से दस ही नंबर लाओ ये मेरा मोटिव है दस में से नौ भी नहीं चाहिए ठीक अभी आपकी जो शाम में क्लास है ना उसमें मैंने आपके ये जो बुक है ना ये वाली अरे यार एरर करेक्शन से भी क्वेश्चन लिए वाली जो बुक है जिसमें दस साल के आपके क्वेश्चन है उससे भी मैंने आपके क्वेश्चन लिए हैं ठीक है तो आप लोग शाम में जो शुभम पाठक मैम के चैनल पर हमारी क्लास है जिस पे आपको मैं ही दिखूंगी आप लोगों को आना है वहां पर मेंटी क्विज होगा ठीक है तो मेंटी क्विज में कंपटीशन भी हो जाएगा और जो लोग मेंटी क्विज ना कर पाए वो कमेंट में आंसर देना क्योंकि मेरी नजर तो दोनों जगह ही रहेगी ठीक है तो अभी आपको मैं क्यों क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करा रही हूँ ये भी पेपर में आएंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि बहुत हलवा क्वेश्चन है अरे पागल हो क्या ठीक है तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसीलिए बाकी रात में भी प्रैक्टिस कराऊंगी उन उस बुक से और कल तो आपकी पूरी नेक्स्ट लेवल जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना उनकी मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूं मैंने पहले ही बोल दिया है सीबीएसई ने जो ऑफिशियल अपने क्वेश्चंस निकाले हैं ग्रामर के मैं आप ही के सामने पीडीएफ खोलूंगी आप ही के सामने दिखाऊंगी कि भाई सीबीएसई ने निकाले और आप ही के सामने आपको कराऊंगी ठीक है तो आज आप लोग अपना थोड़ा बेस बना लो कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो चलो नेक्स्ट देखो ही डैश टू मी एवरी मंथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि एवरी मंथ आ रहा है यूजुअली आ रहा है तो कौन सा टेंस लगाना है कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा राइट right? हां जी शुभम पाठक मैम के चैनल पर सात बजे है वहां पे उनके बच्चे भी आएंगे हो सकता है उनके बच्चे भी यहां पर भी हो है ना क्योंकि सारे बच्चे सेम ही हैं यूट्यूब पर तो तो लिंक मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट करूंगी और टेलीग्राम पर भी आपको लिंक भेज दूंगी वैसे उनके चैनल पर इवेंट लाइव भी है सो ही डैश टू मी एवरी मंथ एवरी यहां पर क्या है हर महीने लिखता है है ना हर महीने क्या कर रहा है हर महीने वो लिख रहा है तो अभी क्या होगा इसका आंसर ही इज राइटिंग टू मी एवरी मंथ नहीं अगर कोई काम हर महीने हो रहा है एवरी जैसे वर्ड यूजली जैसे वर्ड तो वहां पर आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाओगे ठीक तो है तो पर सिंगुलर है सिंगुलर के साथ SES लगता है तो ही राइट टू मी एवरी मंथ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे आ जाओ दिस सर्वेंट डैश फॉर इस इयर्स अभी भी क्या समझाया था मैंने आपको अगर आपके सेंटेंस में सिंस या फॉर कुछ भी लगा हो है ना अगर आपके सेंटेंस में सिंस या फॉर में से कुछ भी लगा हो तो आप लोगों को क्या करना है बेटा आप लोगों को आंख बंद करके ये समझ लेना है कि ये मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन जरूर होगा बीन बीन तो आप देखो बीन कहां लगा हुआ है कहां लगा है बीन करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी बात ही खत्म सर्वेंट हैज बीन वर्किंग विद इयर्स क्या ये जो सर्वेंट है ये हमारे साथ दस साल से काम कर रही है ठीक है नेक्स्ट पे आओ हाउ डैश यू डैश ऑन विद योर स्टडीज चलो ये दो वाला है तो तीस सेकेंड देती हूँ थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर टोटल पंद्रह क्वेश्चन करेंगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ठीक है ऐसा नहीं है और क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी और भी कराऊंगी सो so बताओ हाउ डैश यू डैश ऑन विद योर स्टडीज क्या होगा मेरी जान यहां पे करेक्ट आंसर ओके वेरी गुड थैंक यू यश थैंक यू यस तो यहां पे बेसिकली अब आप लोग देखो यू लगाए ठीक है यहां पे यू लगाए अब आप ऑप्शंस अपने छाटो कि हाउ इज यू गेटिंग तो ये तो डजन मेक एनी सेंस टू अस इस तो नहीं आएगा ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग डू और डज लगाकर क्वेश्चन ही बनाते हैं ना अगर हमारे सिंपल टेंस का क्वेश्चन है तो हम लोग इस तो नहीं लगाते तो यहाँ पे इस तो कट जाएगा अब हाउ द करेक्ट आंसर वो का सेकेंड फॉर्म क्यों लगाएंगे क्यों लगाएंगे दिल तो एक ही है ना बोला था ना जैसे दिल एक है सेकेंड फॉर्म एक ही है सिंपल पास्ट में ही लगेगा यहाँ पे पास्ट की बात ही नहीं हो रही सो so, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हाउ डू यू गेट ऑन विद योर स्टडीज चलो नेक्स्ट बताओ शी डैश फॉर जम्मू येटे तो अभी अभी मैंने बताया कि जहां पर येस्टर लगा हो वहां पर आपको सिंपली कौन सा टेंस लगाना है शी डैश फॉर जम्मू येस्टडे क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर She dashed for Jammu yesterday. She leaves. She is leaving. She has been leaving. Yeah. She left. Hanji bachu kya correct answer. Jaldi Bitao. Yes. Very good. Very good. Very good. The correct answer is left. Option number D. Next paya jao. I dashed to her last week. अगेन यहाँ पर लास्ट वीक की बात हो रही है आई डैश टू हर लास्ट वीक आई डैश टू हर लास्ट वीक अभी इसके बाद सब्जेक्ट एग्रीमेंट कराऊंगी उसमें नोट्स बनवा दूंगी बहुत सारे बच्चों ने तो बना भी रखे होंगे ठीक है तो नोट्स बना लेंगे उसमें फटाफट से और बहुत जल्दी वो टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा वो टॉपिक में हमारे पंद्रह बीस मिनट लगेंगे दैट सेट आई डैश टू हर लास्ट वीक लास्ट मतलब आप समझ रहे हो ना प्रीवियस वीक की बात हो रही है मतलब की तो ही नहीं और ही नहीं है पता ही नहीं हो रहा कब से हो रहा है तो बीन वाले तो पहली कट जाएंगे अब देखो आई रोट टू हर लास्ट वीक आई रिटर्न रिटर्न जो है वो हैव है तो उसी के साथ आता है क्या बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म आ सकता है नहीं आ सकता करेक्ट so, आंसर क्या होगा सिंपल पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ ही डैश वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग मतलब बिगनिंग में शुरुआत में वो इंग्लिश में वीक था अभी वो इंग्लिश में वीक है बिल्कुल भी नहीं है ठीक है क्या अभी वो इंग्लिश में वीक है बिल्कुल भी नहीं है सो so, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ही डैश वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग ही बींग ही बीन ही वॉज या ही हैड बीन ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है फिर सब्जेक्ट एग्रीमेंट पे चल रहे ठीक है, है? मैम आपको डोरेमोन पसंद है आई लव डोरेमोन यस द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड ही वॉज वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग नेक्स्ट आ जाओ ही डैश इन दिस कॉलेज फॉर फाइव इयर्स अब यहाँ पे देखो फॉर लगा है फॉर के साथ टाइम लगा है अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में देखो तो समझ जाना ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है मतलब यहाँ बीन आएगा है ना बीन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई हैज आई हैड बीन का फर्स्ट फॉर्म आई एंगी. अब यहाँ पर ही लगाए सिंगुलर है और क्या जानकारी चाहिए और बीन भी एक ही जगह है पहली बात तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ठीक है सारे बच्चे एक बार यार आउट ऑफ फिफ्टीन अपना जो स्कोर है वो स्पैम कर देंगे मुझे जल्दी जल्दी अपना स्कोर आउट ऑफ फिफ्टीन एक बार ही स्पैम कर दो और मैं यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खोल लेती हूं फटाफट -फड़ से सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दैट टॉपिक आउट ऑफ फिफ्टीन तुम लोगों का स्कोर क्या है ये बता दो मेरे को जल्दी जल्दी चलो थर्टीन फोर्टीन ट्वेल्व इलेवन कोई बात नहीं कोई बात नहीं ये पूरा फिफ्टीन पहुंचा देंगे शाम तक शाम तक ये पूरा पूरा फुल स्कोर कर देंगे इसका नो no वरीज एक ना एक ना लास्ट ईयर का क्वेश्चन बताती हूँ देखना वो तुम कर पा रही हो क्या डेंसिस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन बताती हूं लास्ट ईयर का डेंसिस का क्वेश्चन बता रही हूं ये तो सब्जेक्ट फॉब एग्रीमेंट है ये तो मैच द फॉलोइंग टाइप है एक सेकंड देना मेरे को द डॉक्टर द डॉक्टर डैश एग्जामिन द पेशेंट विन द फैमिली अराइट ठीक है ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है द डॉक्टर डैश एग्जामिन द पेशेंट विन द फैमिली अराइट ऑप्शन है वॉज हैड हैव बताओ भाई क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर द डॉक्टर डैश एग्जामिन देशेंट वेन द फैमिली अराइव यह आपके लास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन अब एग्जाम मिंड लिखा है द डॉक्टर डैश एग्जाम मिन्द राइट थर्ड फॉर्म तो हम इसके साथ हैज हैव याड ही लगाएंगे राइट right? ऑप्शन में है वॉज और तो कट गया अब बात आती है लगाएं कि हैड लगाएं तो मैंने क्या बोला आपको देखना है वेन द फैमिली जब फैमिली आई आफ्टर वाली बात हो रही है यस 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 द करेक्ट आंसर इज हैड वेरी नाइस इस तरीके से करना है ठीक है अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे तो दिक्कत मत लो बट आपको टेंसेस आता है इस बात में आप लोग श्योर हो जाओ कि हाँ भाई हमें टेंसेस आता है अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स पे चलते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है मैं आपको फटाफट -फड़ से बता देती हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इससे एक तो खाली क्वेश्चन भी आ जाता है खाली क्वेश्चन का मतलब क्या है इंडिविजुअल लेवल पे भी क्वेश्चन आ जाता है इसका और साथ ही साथ इसके एरर करेक्शन में भी क्वेश्चन आ जाता है ठीक है जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में देख रही हूँ क्वेश्चन पेपर में भी ईच वाले आ रखे हैं एवरी वाले आ रखे हैं ठीक है ब्रेक बेटा इस टॉपिक के बाद दूंगी अभी ब्रेक नहीं मिलेगा ओके चलो सो शुरू करते हैं टॉपिक बहुत ही आसान है सबसे पहले आप लोग समझ लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है अपनी कॉपीज में नोट डाउन करना शुरू कर दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि इनका ना ये मान लो आप कि सब्जेक्ट और वर्ब दो भाई हैं ठीक है आप ऐसे समझ लो सब्जेक्ट और वर्ब दो भाई हैं अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये दोनों ना एक दूसरे से लड़ रहे हैं क्यों लड़ रहे है लड़कियों के चक्कर में लड़ रहे हैं ठीक है अब लड़कियों के चक्कर में लड़ रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है सब्जेक्ट बोलता है भाई हम ना कुछ सेट ऑफ रूल्स बना लेते हैं कुछ सेट ऑफ एग्रीमेंट बना लेते हैं कि तेरी और मेरी लड़ाई ना हो कि अगर मैं सिंगल हूं तो तू भी सिंगल रहेगा और अगर मैं प्लूरल हूं यानी कि मैं कमिटेड हूं तो तू भी प्लूरल हो जाएगा समझ में आया इज दैट क्लियर तो इसे बोलते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ठीक है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा इतना समझ में आया अगर आ गया तो यार एक बार यस मैम बोल दो फिर आगे बढ़ रहे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कितने ऐसे बच्चे हैं जो कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं अपने साथ हैंड रेस कर दो एक बार कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए हैं कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठे हैं हाँ, कि जो मैम बोल रही है ऑल राइट right. तो अभी हम फटाफट से चलते हैं फटाफट से चलते हैं नए टॉपिक पे अब आप इन इन सेंटेंसेस को देखना और मुझे बताना कि सही है कि गलत है अब अमर है अमर हमारा सिंगुलर है ना अमर सिंगुलर है अमर एक ही है इसके साथ स्पीक इंग्लिश लिखा है अभी अभी है अभी-अभी हमने में पढ़ा कि अगर सिंगुलर तो उसके साथ स्पीक्स yes no. तो तो हो तो तो होना चाहिए एस आना चाहिए तो यही बात यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलता है कि अगर भाई देख सब्जेक्ट मैं सिंगुलर हूँ तो तू भी सिंगुलर होगा है ना और यहाँ पर अगर वर्ब Subject plural है तो वर्ब भी प्लूरल होगा सौ बात की एक बात क्लियर तो इसी के हमारे कुछ set of rules हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहला rule बहुत सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब इसका एग्जाम्पल देख लो एक बार ही हमारा यहाँ पर क्या है सिंगुलर है राइट right? तो इसलिए हमने इज इस लगाया है हम आर नहीं लगा सकते क्योंकि आर हमारी प्लूरल वर्ब है ठीक है आर हमारी क्या है आर हमारी प्लुरल वर्ब है वैसे ही आप देखो यू यू के साथ हम क्या लगाते हैं आर लगाते हैं यू के साथ हम इस नहीं लगा सकते राइट ऐसे आई के साथ हम एम लगाते, लगाते हैं अमर हमारा सिंगुलर सिंगुलर हो हो गया गया के के साथ साथ इज लगाते लगाते हैं हैं दे दे प्लूरल हम आर तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो सिंगुलर सिंगुलर है है उसके साथ वर्ब आता है, जो प्लूरल है उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है ये रूल नंबर वन है इसमें एरर करेक्शन में भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत ही सुपेट क्वेश्चन दे देते हैं दे के साथ इज लगाया होता है बोलते हैं बताओ तो आपको पता होना चाहिए कि इज गलत है भाई आर आएगा यहाँ पर सौ बात की एक बात ठीक है तो यहाँ पर इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा ये वाला तो इजी था नेक्स्ट आप देखो अच्छा मैं एक और बता दू लास्ट ईयर मेरी मेरे पढ़ाए हुए पीपीटी से एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट उठ के आया था और ये बच्चों ने मुझे बताया था कि मैम एक सेट में जो आपका ब्रेड और बटर वाला क्वेश्चन था ना यहाँ पर अभी आएगा ब्रेड बटर वाला क्वेश्चन वो बिल्कुल डिटो सेम आ गया था उठ के पेपर के अंदर ठीक है तो यहाँ पर आप ये देख लो अगर आप इस टॉपिक को समझ लेते हो तो आपके क्वेश्चंस नहीं तो यहीं से बनेंगे नहीं तो इसी के टाइप के बनेंगे इसके अलावा कोई और क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करते मार्केट में जो वो आपको दे ठीक है अब आप यहाँ पे समझो अगर आपके पास एंड है रूल नंबर टू आप अपनी कॉपीज में ऐसे लिख लो कि अगर भाई तेरे पास एंड है ए एंड डी एंड है तेरे पास ठीक है भाई हाँ मेरे पास एंड है अब क्या करना है वो बोल रहा है अगर आपके पास एंड है और आपके पास दो नाउन है ठीक है दो नाउन है तो आप क्या करोगे हमेशा प्लूरल वर्ब लगाओगे क्या लगाओगे प्लूरल वर्ब लगाओगे फॉर एग्जाम्पल आप पेपर में देखना अपने अगर एंड लगा है और उसके आसपास दो नाउन है जैसे सीता गीता राम रावण राधा रानी तो आप हमेशा प्लूरल वर्ब लगाओगे सीता एंड गीता आर फ्रेंड राम एंड रावण वर एनिमी राधा एंड रानी आर फाइटिंग कभी भी आप कभी भी आप सिंगुलर वर्ब नहीं लगाओगे गॉट इट बोर्ड में आया था ये मैं वही बोल रही हूँ क्वेश्चन नहीं तो आपके यही आएंगे और नहीं तो इसी के टाइप के आएंगे और कोई क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा दैट इज फॉर श्योर टू थाउजेंड परसेंट क्लियर तो ये तो हो गई बात अब यहां पर ना कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं मतलब मतलब आगे बोला जा रहा है कि भाई देख अभी भी तेरे पास एंड है अभी भी तेरे पास एंड है और अभी भी तेरे पास दो नाउन है बट अगर इनमें से किसी एक में भी द लगा हुआ है तो फिर तू अपनी वर्ब को सिंगुलर कर लेगा ठीक है समझ में आया दोबारा से समझो दोबारा से समझो बोला गया है अगर एंड है और तेरे पास दो नाउन है ठीक है और एक के साथ भी इनमें से या तो दोनों के साथ लगा हो तो तो बात अलग है तो तो फिर हम अलग बात करेंगे बट बोल रहा है अगर किसी एक के साथ भी द लगा हो तो तू सिंगुलर वर्ब कर लेगा फॉर एग्जांपल डॉक्टर एंड नर्स अब आप पेपर में दिमाग दौड़ाओगे भाई एंड एंड मैम ने बताया था से दो चीजें जुड़ी है एक के साथ द है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे प्रेजेंट ठीक है आपको ऑप्शन दे रखा होगा ऑप्शन दे रखा होगा कि इज आएगा वॉज आएगा क्या आएगा ठीक है तो आप लोग जो भी सिंगुलर वर्ब होगा उसको लगाओगे हो वैसे ही आप देखो अगर एंड लगा है और दो चीजें जुड़ी है नंबर वन पोएट नंबर टू डायरेक्टर और एक के साथ द लगा है द पोएट एंड डायरेक्टर तो आप क्या करोगे सिंगुलर वर्ब लगाओगे तो ये रूल हमें यही बोलता है कि अगर तेरे पास दो नाउन है और अगर वो एंड से जुड़ रखे हैं और अगर एक के साथ द है तो तू सिंगुलर वर्ब लगाएगा अब बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि अगर मैम दोनों के साथ द है तो क्या लगा दू क्वेश्चन आएगा ना कि मैम दोनों के साथ द तो बेटा प्लूरल लगाएगा तू ठीक है जैसे कि तेरा ये वाले एग्जाम्पल में लगा हुआ है देख मैं तुझे बता देती हूँ कहा लगा है भाई तू हाँ ये देखो यहां पर देखो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर दोनों के साथ द लगाए तब तेरी वह प्लूरल हो जाएगी have, तब तू नहीं लगा सकता नहीं लगा सकता तब तू ही लगाएगा समझ में आया तो यहां पर मैं बार बार बोल रही हूं मुझसे साइन करवा के ले जाओ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बट इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ये मेरी फोर हंड्रेड परसेंट फोर थाउजेंड करोड़ परसेंट की गारंटी है समझ में आया चलो नेक्स्ट देखो अब यहां पर अगर दो नाउन है दोबारा से यहां पर बोल रहा है कि तेरे पास दो नाउन है और किसी एक में भी अगर कोई वस्तु मतलब थिंग किसी चीज की बात हो रही है तो तू सिंगुलर वर्ब लगाएगा और ये वाला एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर ये वाला क्वेश्चन आपका 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था ठीक है 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है क्या बोल रहा है अगर एंड से आपकी कोई भी चीज जुड़ी है मान लो एंड है दो फिलिंदा ब्लैंक्स हैं अगर किसी एक में भी किसी एक में भी कोई चीज है कोई थिंग है तो आप अपनी वर्ब को सिंगुलर ही रखेंगे आप प्लूरल कत ही नहीं करेंगे ठीक है सो यहाँ पर देखो जैसे राइज एंड करी ये नॉन लिविंग है ना है ना ये सास तो नहीं ले रहे तो करी के साथ हमने क्या लगाया इज गुड ब्रेड एंड बटर टेस्टी नहीं होगा ब्रेड एंड बटर इज टेस्टी होगा ऐसी हॉर्स एंड कैरेज अब आप बोलोगे हॉर्स तो लिविंग है हाँ लिविंग है बट मैंने बोला कोई एक भी अगर जैसे कैरेज एक भी नॉन लिविंग है ना तो आप क्या करोगे सिंगुलर लगाओगे इज लगाओगे क्या यहां तक मेरे सारे बच्चों को क्लियर है ठीक है तो ये आपको समझ में आना चाहिए यार सेट मुझे नहीं पता आप लोग मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियोस देख लो लर्न एंड बन बनकर उसके नीचे बच्चों ने सेट भी कमेंट कर रखा होगा ठीक है तो सेट मुझे याद नहीं है बट ये वाला क्वेश्चन 2023 थ्री का ये मैं पूरी 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 शोर हूँ पूरी श्योर हूँ चाहे आप गूगल कर लो ठीक है सो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके दो नाउन एंड से जुड़े हैं और एक में किसी थिंक थिंक की बात हो रही है तो आप क्या करोगे सिंगुलर वर्ब लगाओगे अगर कोई एक भी चीज है दो एंड से जुड़े कोई एक भी अगर चीज है थिंग है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे सौ बात की एक बात ठीक है जी हां जी, ये मोदी की गारंटी है ठीक <laughs> है ये गारंटी है चलो इसके आगे देखो नेक्स्ट अब नेक्स्ट पांचवा रूल क्या बोलता है अगर एंड से कोई दो डिजिट्स जुड़े हैं जैसे फाइव एंड फाइव सिक्स एंड सिक्स Two two, तब भी आप सिंगुलर लगाओगे। अब अगर दिमाग में बहुत ज्यादा सिंगुलर सिंगुलर हो रहा है तो ये याद रखो भाई एंड से दो डिजिट जुड़ी हो कोई चीज जुड़ी हो कोई किसी एक में द लगा हो है ना तब आप इन तीनों चीजों के साथ सिंगुलर लगाते हो अगर दोनों तरफ द है या फिर कुछ है ही नहीं दोनों तरफ नेम्स है तो आप प्लूरल लगाओगे तो आप अगर इनके रूल्स को शॉर्ट नोट बना के अपनी दीवार पे चिपका लो और आज का पूरा दिन आप उसे नोटिस करो केवल केवल नोटिस करो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ठीक है तो मैं आपको सारे के सारे रूल्स बता रही हूँ मैं ऐसा नहीं कर रही मैं ऐसा नहीं कर रही कि अरे ये तो प्रीवियस ईयर में आया ही नहीं था तो ये वाला रूल मैं नहीं बताऊं तो मैं ऐसे टाइम पास मैं आपको शॉर्टकट नहीं दे रही मैं आपको सारे रूल बता रही हूँ भाई कुछ नहीं पता सीबीएससी का वो उठा के दे देगा है ना अगर उसने उठा कर दे दिया फिर आप क्या करोगे वहां पे लास्ट मोमेंट पे रहोगे नहीं ना तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा तो इसीलिए अगर कोई भी आपके पास डिजिट्स है फाइव एंड फाइव हो गया सिक्स एंड सिक्स हो गया टू एंड टू हो गया तो आपको क्या करना है आपको अपनी सिंगुलर वर्ब लगानी है इस तरीके से आपको करना है क्लियर एवरी वन हाँ मैं दे दूंगी ये मैं दे दूंगी आपको पीडीएफ आपको दे दूंगी बट अभी के लिए आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बना लो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिससे क्वेश्चन आ रखा है आपके प्रीवियस ईयर में ये अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी और खोल के भी क्या दिखाना है ये आप बेशक प्रीवियस ईयर का पेपर लेके बैठ जाना और शाम वाली क्लास में आ जाना पाठक मैम वाली ठीक है उसमें आप लोग देखोगे मैंने जो क्वेश्चन दिए है ना मैम को वो सारे प्रीवियस ईयर ही दिए है तो उसमें आप देखोगे हो जाते हैं कि में ही एक है। कि के साथ हमें क्या लगाना है। तो इसको याद करने का बताती हूँ देखो आप लोग इसमें बना लो के ईच हो गया एवरी हो गया इधर हो गया तो इनो गैस होती है सबको इनो पीते हो ना इनो या फिर वन ओ एन ई वन कैसे भी करके आप लोग याद कर सकते हो इनो से या वन से तो मैंने इनो से कर रखा है तो आप इरो e लिखो उसके बाद आप लिखो यहाँ पर ई e वाले कितने हैं आपके आपके पास e वाले चार होंगे आपके पास ई वाले 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 होंगे 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 ठीक है एन तो इस इक्वेशन को याद कर लो ई फोर एन सिंगुलर वर्ब लगाना है अब ये आप याद कैसे करोगे ये आप याद कैसे करोगे देखो बहुत सारे बच्चों को तो मैंने याद करवा ही रखा है ऑलरेडी मैं मान के चल रही हूं जिनको भी याद नहीं है वो बात ध्यान से सुनना आप ई e फोर के नीचे ना इन चीजों को लिखिए ईच एवरी ठीक है ईदर और आप नेक्स्ट लिख लीजिए एवरी वन जहां पर भी आपको ये दिख गए आप आप अपनी सिंगुलर वर्ब लगाओगे ठीक है एन के साथ देख लो अगर नीदर है no है है नो नो ठीक के बाद आपका नन है अगर आपका नथिंग है इसी के साथ अगर नथिंग के साथ बट लगा हुआ है ठीक है तो ये दो में बांट लेना नथिंग और नथिंग बट है और एक है नाउन आफ्टर नाउन ये नाउन आफ्टर नाउन क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी टेंशन मत लेना तो आप सिंगुलर लगाओगे ऐसी अगर ओ वाले हैं ओ मतलब अगर वन ऑफ है या फिर आपका वन है तो भी आप सिंगुलर लगाओगे इनको छोड़कर ये जो इक्वेशन है इन्हें छोड़कर दो तीन ऐसे और वर्ड है जैसे एनी हो गया ठीक है या फिर आपका कलेक्टिव नाउन हो गया ठीक है या फिर थिंग हो गया जैसे एनी हो गया तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे तो इन्हें याद करने में पांच मिनट जरूर लगेगा बट इट्स वेरी इजी फॉर एग्जाम्पल आप देखो ईच लगा हुआ है

जैसे हमारी भारत की क्रिकेट टीम है तो उसमें प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं अलग अलग प्लेयर्स हैं राइट बट यहां पर अगर आप देखोगे तो टीम तो एक ही है ना अ अ टीम टीम ऑफ ऑफ प्लेयर्स प्लेयर्स लिखा है राइट सो आ, टीम प्लेयर्स के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे कोई भी कलेक्टिव नाउन है कलेक्टिव मतलब समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन अगर आप आए तो आप सिंगुलर लगाओगे क्योंकि हम उसको एक ही कंसिडर करते हैं है ना मेरी जान हम उसको क्या कंसिडर करते हैं हम एक ही कंसिडर करते हैं ठीक है हाँ अब पे नाउन आफ्टर नाउन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो मतलब अगर कोई नाउन वर्ड लिखा है जैसे शिप लिखा है बीच में आफ्टर है और फिर से यहाँ पे नाउन है तो तो समझ समझ में आया? समझ में आया आया तो आपको बेसिकली इसको याद करना है ई फोर एन सिक्स ओ टू को एंड अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि भाई इसके साथ अपने को सिंगुलर वर्ब भी लगाना है एम आई क्लियर यार कुछ अच्छे बच्चे भी कमेंट कर दिया करो कि मुझे लगे हाँ भाई कोई तो पढ़ रहा है एक बारी सारे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब बता दो ठीक है अभी बता देती हूँ एक मिनट देना मेरे को पहले कमेंट कर दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं फिर मैं आपको बता देती हूँ परेशान मत हो आप चलो ओके okay. सो so, यहां पर हां समझ में आ रहा है ठीक है अब एक बच्चा बोल रहा है मैम आप सारे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब एक बार ही मुझे बता दो फटाफट से तो यार देखो मैंने अभी भी आपको बताया था मैं दोबारा से यहां पर लिख देती हूँ सिंगुलर हो गया इस प्लूरल हो गया आर सिंगुलर हो गया वर्स प्लूरल हो गया वर्न सिंगुलर हो गया हैल हो गया है ठीक है सिंगुलर हो गया आपका डस प्लूरल हो गया डू ठीक है तो ये आपके मेन मेन है जिनको आपको याद रखना है क्लियर ये सिंगुलर हो गई ये आपके प्लूरल हो गए अब नेक्स्ट रूल पे आ जाओ अब आपको क्या करना है यहाँ पर बम 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 फोड़ते हो बंग? दिवाली पे कौन फोड़ता है हाथ उठाओ अपना फटाफट से दिवाली पे बम फोड़ते हैं ना तो यहां पर लिख दो बम बम से लिख दो ठीक है अब यहां पर और कोई बेटर एक मिले तो वो यूज कर लेना है मेरे को कोई मिल नहीं रहा था तो मैंने इसको कर लिया अब इसमें आपको क्या करना है यहां पर आपको देखो बी से आपको लिखना है बोथ ए से आपको लिखना है अ फ्यू एम और जो एस है इस पे टू टू लगा दे है तो एम से हो गया मेनी और मोस्ट और एस से हो गया आपका सम और सेवरल अब इनके बाद ये जो है ना इनके बाद आपका नाउन भी ही आता है और वर्ब भी ही आता है वैसे तो देखो अगर आपका नाउन प्लुरल आ गया आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अरे भैया इसमें तो वर्ब भी ही आएगा सो अब आवाज की एक बात राइट बट यहाँ पर यहां पर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज इस नाउन भी आपका प्लूरल होगा वर्ब भी प्लूरल होगा कब कब होगा बोथ ऑफ यू ये तो याद हो गया बोथ अ फ्यू अब आप एम वाला याद कर लो मेनी मोस्ट मेनी मोस्ट मेनी मोस्ट अब आप याद कर लो एस वाला सम सेवरल सम सेवरल खत्म वैसे देखो सम बाद देखो नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है. Many girls are pretty. A few के साथ भी प्लूरल आएगा मोस्ट के साथ भी प्लूरल आएगा क्लियर एवरी वन गॉट इट जो पहली बार समझ रहा है ना

याद करें बार 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 उसके बार उसके बाद दो मिनट का ब्रेक लिया फिर चार अपने दिमाग में रखे फिर दो मिनट का ब्रेक लिया फिर चार इस तरीके से याद होगा आप इस क्लास को समझो पहले फिर आप याद करना ठीक है फ्यू और फ्यू में फर्क बताऊंगी बेटा डिटर्मिनर्स में आता है वो यहां पर नहीं आएगा सब्जेक्ट वर्ब में तो अभी रुक जाओ थोड़ा सा ठीक है जी तो यहां पर आप ध्यान दो जहां पर भी आपको ये वाले वर्ड दिखेंगे वहां पर आपको प्लूरल लगाना है प्लूरल वर्ब लगाए लगाओगे बस ठीक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ ऐसी चीजें हैं जो दो कुछ ऐसी चीजें होती है सॉरी जो प्लूरल होती है राइट right? अब आप एक बात बताओ आपके पास सब्जेक्ट है मैथ्स वो सिंगुलर है कि प्लूरल है जल्दी बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है मैथ्स हो गया सिविक्स हो गया इकोनॉमिक्स हो गया ठीक है या फिर आपका आ, कोई बीमारी होगी डायबिटीज हो गया कोई बुक का नाम हो गया गुलीवर ट्रैवल्स हो गया कोई कंट्री हो गया यूनाइटेड स्टेट्स हो गया वो सिंगुलर है कि प्लूरल है तो कुछ चीजें होती सिंगुलर है बट उनके पीछे एस लग जाता है तो लोगों को लगता है वो प्लूरल है तो ऐसा नहीं है अगर उनके पीछे एस लग रहा है तो उसका मतलब बच्चों ये कतई नहीं है कि वो प्लूरल है समझ में आया हाँ ये सारी सिंगुलर है तो इसीलिए अगर इनके पीछे एस भी लगा हो तो हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना हमें पता है कि वो सिंगुलर है तो उनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे ठीक है अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिससे क्वेश्चंस आते हैं एरर करेक्शन में बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट रूल जिसमें बच्चा गलती करके ही आता है अभी तक जो था वो बच्चे थे अभी रूल्स का बाप आ गया ठीक है इस तरीके से इसको ध्यान में रखो अब ये बेसिकली क्या बोल रहा है बोल रहा है अगर तेरे सब्जेक्ट में दो नाउन है कितने नाउन है सारे बच्चे कमेंट करेंगे ध्यान से सुन लो जो नहीं सुन रहे वो अपना ही लॉस करवा रहे हैं अगर आपके पास सब्जेक्ट में दो नाउन है ठीक है और बेटा वो दोनों नाउन आपके कनेक्ट हो रखे हैं किससे कनेक्ट हो रखे हैं बेटा एज वेल एज से अलोंग विद से टुगेदर विद से मतलब किसी से तो कनेक्ट करोगे ना उन्हें है ना ऐसे थोड़ी बोलोगे रीना शीना मीना टीना किसी से तो करोगे ना रीना विद मीना है ना रीना अलोंग विद मीना रीना टुगेदर विद फलाना समझ रहे हो ना तो यहां पर खाली तो करोगे नहीं तो अगर आपके पास दो नाउन है और वो कनेक्ट हो रखे हैं किससे कनेक्ट हो रखे हैं एज वेल एज से टूगेदर विद से मोस्टली कनेक्ट होते हैं बट बहुत ही रेयर केस में अगर वो एंड नॉट और रेदर देन लाइक या विद ये पांच चीजें याद कर लेना अगर इनसे कनेक्टेड है तो आप हमेशा वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड ये मेरे पास पहला नाउन हो गया मेरा दोस्त अलोंग विद आ गया बीच में हर सिस्टर्स हर सिस्टर्स हो गया प्लूरल अब बच्चा कंफ्यूज है कि मैम फ्रेंड तो सिंगुलर है her sisters है हर सिस्टर्स तो मैं क्या लगाऊं अब बच्चे को लगता है कि जो जो फिलिंग द ब्लैंक्स के पास वाला है ना वही लगा दो जैसे हर सिस्टर्स प्लूरल है तो आर लगाकर आ जाता है बच्चा ठीक है उसे लगता है माई फ्रेंड अलोंग विद हर सिस्टर्स आर डांसिंग ये है गलत This is wrong. आपको बेटा कौन सी चीज ध्यान में रखनी है आपको आप प्लूरल नहीं लगाओगे तो यहाँ पे प्रियोरिटी किसको दे रखी है प्रयोरिटी दे रखी है सामने वाले को प्रियोरिटी दे रखी है आगे वाले को ठीक है प्रियोरिटी फलाना पीछे वाले को नहीं दे रखी प्रियोरिटी मिल रखी है आगे वाले को क्या इतनी बात आपको समझ में आई यार क्या इतनी बात एक बार ही समझ में आ गई तो प्लीज मेरे को बता दो कि यस मैम आ गई हमें समझ में इतनी सी बात ओके बहुत बढ़िया वेरी नाइस अब यहां पर देखो शी शी

अब यहाँ पर कभी आपने कभी आपने इन्फ्लुएंस को छोड़ के किसी नॉर्मल आदमी को ऐसे देखा है कि वो एक ही एक ही पेंट पहन के चला गया या वो चश्मा एक ऐसा तो इन्फ्लुस भी नहीं करते राइट ऐसा तो एक ही चश्मा पहन के चला गया मतलब चश्मा बेसिकली एक ग्लास एक ही पहन के चला गया या फिर सॉक्स एक ही पहन के चला गया एक में सॉक्स ही नहीं है उसके पास या आज वो बोल रहा है आज मैं एक पैर से नंगे पैर जाऊंगा और एक में मैं शूज पहनूंगा तो वो ऐसे चल के जा रहा है क्या आपने कोई ऐसा लोग देखा है अगर देखा है तो मुझे फटाफट फड़ से कमेंट करो कि मैम हमने तो देखा है आपका मुझे पता नहीं हमने तो देखा है हम तो देख कर आए हैं हाँ भाई देखा है आपने एग्जाम से ज्यादा ओ एम आर भरने में डर लगता है यार बात तो तुम्हारी सही है सास है तो थम जाती है यार ओ एम आर भरते समय बात तो तुम्हारी यार सत प्रतिशत सच है नहीं देखा ना तुमने तो बिल्कुल बेटा ये पेपर में याद रखना बोर्ड के एग्जाम में कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं हैं जो दो होती बट हम उसे कंसीडर क्या करते हैं एक ठीक है मतलब जैसे कि चश्मा हो गया इसमें दो ग्लास है बट पहनना तो हमें ऐसी एक ही करके पड़ रहा है ना सॉक्स हो गया उसे हम हमेशा दो में ही पहनते हैं जोड़ी में ही पहनते हैं शूज हो गया सीजर हो गया तो ऐसी सब चीजों के साथ आप हमेशा हमेशा प्लूरल लगाओगे अनलेस उनके साथ a pair of नहीं लगा अगर तो उनके साथ a pair of लगा है समझ पा रही हो मैं क्या बोल रही हूं अगर उनके साथ अ पेयर ऑफ लगाए तो आप सिंगुलर लगाओगे वरना आप उनके साथ प्लूरल लगाओगे किनके साथ वर्ड्स भी मैंने लिख दी है ठीक है, इन सारे के साथ आप लोग क्या करोगे? करोगे। ये वाले रूल को अप्लाई फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू शूज खाली शूज है ना प्लूरल आएगा आर डर्टी जैसे ही मैंने बोला अ पेयर ऑफ शूज इज क्लीन क्योंकि पेयर का मतलब होता ही जोड़ी है पेयर मतलब तो एक उसमें आएंगे दो हमें पता है हम बोले भैया सॉक्स का एक पेयर देना तो एक पेयर मांग रही है ना हमें पता है पेयर में दो आएगा ऐसा तो नहीं है ना वो एक मोजा ले आएगा ये ले भाई पेयर मांगा था हाँ तो ले भाई भाई पेयर पेयर मतलब भाई एक और होता है राइट तो ये अपनी कॉमन सेंस लगाना कि अ पेयर ऑफ में सिंगुलर वर्ना सबके साथ प्लूरल क्लियर उर्फी यार उर्फी इन्फ्लुएंसर है एंड आई लव उर्फी आई लव हर यार हमें किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए यार उसका इंटरव्यू सुना है वो बताती है कि उसने अपनी फैमिली में क्या क्या सहन किया है भाई सब लोग बच्चों में बता रही हूँ सब लोग की लाइफ ना इतनी ज्यादा तंग है आपको लगता होगा अपने घर में बैठ के अरे यार हमारे ही मम्मी पापा स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसा नहीं है भाई उसकी लाइफ भी कितनी ज्यादा तंग थी तो वो बताती है उसने बोला मुझे जिस चीज से फेम मिला मैं वो कर रही हूँ अब कोई दुनिया मदद करने थोड़ी आती है अब आज को अगर कोई वीडियो बना दे भैया हमें पैसे भेज दो कोई दस रुपए नहीं भेजेगा किसी की मदद के लिए राइट तो वो वो कर रही है जिससे उसको पैसा आ रहा है वो वो कर रही है जिससे वो फेमस हो रही है जिससे उसकी लाइफ कट रही है तो वो करेगी वो राइट right? तो बात तो सही है ना यार हमें क्या पता किसकी क्या पता लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है हम अगर किसी किसी को को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो तो हम हम गंदा भी क्यों बात बात की एक राइट right? तो लोग तो बस घर पे बैठकर अपना ओपिनियन देते आए हैं है कितनी बुरी लग रही है, है छपरी लग रही है अरे अरे भैया उससे पूछो उसको क्या क्या सहन करके बेचारी को करना पड़ रहा है वो क्या कर रही है वो क्या नहीं कर रही है उससे पूछो लाइफ में राइट हाँ तो चलो शी इज वेरी क्रिएटिव मतलब एटलीस्ट लोग उसे नोटिस तो कर रहे हैं राइट चलो तो यहां पर आगे बढ़ते हैं अब हम अब नेक्स्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे अटक जाते हैं लटक जाते हैं ये बस ये वाला टॉपिक हमारा खत्म ही होने वाला है ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होने वाला है प्लीज इसको कर लो यार ये ब्रेक ब्रेक मत चिल्लाओ तुम्हारे लिए ही हो रहा है तुम्हारा ही पेपर है परसों मेरा पेपर नहीं है तो सुन लो प्लीज सुन लो प्लीज सुन लो ठीक है सो so, यहां पर देखो गवर्नमेंट बोर्ड कमिटी अच्छा क्या आपको लगता है सरकार एक बंदा चला रहा है क्या मोदी जी पूरी सरकार चला रहे मतलब क्या ऑब्वियसली वही चला रहे बट मेरा पॉइंट ये है क्या एक बंदा ही है क्या हमारी सरकार में ऐसा तो नहीं है ना जब हम वर्ड बोलते हैं सरकार तो उसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जब हम बोर्ड वर्ड बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड तो बोर्ड के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं ऐसा तो नहीं है ना एक ही बंदा है जिसका नाम ही सीबीएसई है वही कर रहा है सारी चीजें वही पेपर बना रहा है ऐसा तो नहीं है ना नाइट right? तो यहां पर ऐसे words, ऐसे वर्ड्स वर्ड्स जिनके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जैसे कि गवर्नमेंट हो गया बोर्ड हो गया हो हो गया कमिटी हो गया ऐसे वर्ड्स के साथ आपको अपना दिमाग स्टाफ हो गया अब जैसे आपके स्कूल का स्टाफ है है ना अब अगर आप स्टाफ बोलते हो उसमें तो टीचर्स भी आते हैं आपके जो आंटी हैं वो भी आती हैं है ना पीटी टीचर सब लोग आ जाते हैं स्टाफ में राइट right? तो बेसिकली ऐसे वर्ड्स के साथ आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों ही लगाते हो बट आपको वहां पर अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है हाउ देखो अगर आप बोल रहे हो कि भाई हमारे स्कूल के स्टाफ ने एक डिसीजन दिया ठीक है मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये बोल रहे हो कि हमारे स्कूल के स्टाफ ने एक डिसीजन दिया तो भाई उन्होंने मिलकर मान लो मेरे साथ और दस लोग हैं हमने मिलकर एक डिसीजन दिया तो हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब अगर हम बोल रहे यार हमारे स्कूल का स्टाफ तो बटा हुआ है यार अपने डिसीजन में मतलब चार लोग अलग छह लोग अलग डिसीजन दे रहे हैं फिर क्या हो गया डिसीजन दो हो गए तो हम प्लूरल लगाएंगे ऐसे आपको अपनी कॉमन सेंस लगानी है पेपर में अगर आपको सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि भैया यहाँ तो एक ही बात हो रही है यहाँ एक ही फलाना बात कर रहे हैं ठीक है तो आप क्या करोगे सिंगुलर अगर आपको लगे भाई नहीं नहीं ये तो अलग अलग बात कर रहे हैं ये तो बटे पड़े हैं अपनी बातों में ये तो अलग ही हो रहे हैं तो आप लगाओगे प्लूरल फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे कि मैं बोल रही हूँ देयर ओपिनियन अब ज्यूरी में जितने भी लोग हैं जो जज के आगे बैठते हैं जो हमारी बात रखते हैं ठीक है थीके? तो यहां पर उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया तो इस सेंटेंस को पढ़ के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उनका ओपिनियन बटा हुआ है तो हमने यहां पर सिंगुलर लगाया अभी जब मैं आगे एग्जाम्पल कराऊंगी तो उसमें आपको दिखेगा बटा हुआ है तो वहां हम प्लूरल लगाएंगे तो इस बात का आपको अपनी दिमाग में डाल लेना है ठीक है जी चलो आगे देखो आप

हम लोग एक अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं हम लोग किसी को सपोज करने के लिए बोल रहे हैं हम लोग किसी को बोल रहे हैं इन केस ऐसा होता इफ ऐसा होता एज इफ ऐसा होता दो ऐसा होता आई विश ऐसा होता ऐसे केसेस में आप वर लगाते हो समझ में आया हम ऐसे केसेस में आपको क्या लगाना है ऐसे केसेस में आपको वर लगाना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर अंग आई वुड मेक अ पैलेस मैं राजा हूं नहीं बट इफ अगर मैं राजा होता इफ आई वर आकिंग तब आप आई के साथ वर लगाते हो, तो मैं तो तो जिंदा नहीं है बट अगर होते ठीक है तो ऐसी सिचुएशंस जिनमें हम लोगों को सपोज करने बोलते हैं लोगों को एज इफ बोलते हैं लोगों को केस बोलते हैं ऐसे केसेस में आप वर लगाएंगे ठीक है समझ में आया समझ में आया जितने बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया क्या मुझे नेक्स्ट फाइव मिनट्स में सेवेंटीन थाउजेंड लाइक्स देखने मिल सकते हैं समझ में आ रहा है वेरी गुड अब नेक्स्ट देखो अब यहां पर यार, यार ये बहुत ही फुद्दू बिल्कुल बच्चों वाला लॉजिक है बिल्कुल ही बच्चों वाला लॉजिक है बट मैं फिर भी तुम्हें बता देती हूं ताकि तुम हमसे पेपर में गलती से भी गलती ना हो ठीक है बेटा सब्जेक्ट वर्ब कौन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेम ही है वही करा रही हूं ठीक है दोनों टॉपिक सेम मैं आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मैं आपको वही करा रही हूँ बच्चे वही कर रहे हैं हम लोग ठीक है मेरी जान चलो सो so, यहां पे आ जाओ देखो क्या लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ अगर ये तीनों कहीं पर भी दिख जाए कई पर भी इनकी शक्ल दिख जाए अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ हमेशा आप इनके साथ प्लुरल वर्ब लगाओगे बट जैसे ही आपको द नंबर ऑफ दिखेगा सिंगुलर कर दोगे ये तो कॉमन सेंस भी है कि द लग गया मतलब एक ही की बात तो सिंगुलर वरना अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ प्लूरल ये प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है सैंपल पेपर में है या कहीं तो ये क्वेश्चन है ठीक है तो याद रखना नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ इन सभी के साथ आप लोग क्या करोगे प्लूरल लगाओगे बट जैसे ही द नंबर ऑफ दिख जाएगा वैसे ही आप सिंगुलर लगाओगे फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल ग्रेट नंबर नंबर ऑफ ऑफ प्लूरल, प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर क्लियर एवरी वन के कर दिए थैंक यू गाइज आई लव यू पांच मिनट से पहले ही कर दिए थैंक यू हां जी यार तुम लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो बच्चे कम हो रहे हैं बच्चे बढ़ने चाहिए सब समझ में आ रहे हैं बहुत बढ़िया अब नेक्स्ट देखो बेटा अब ये बहुत ही कितने रूल बचे हमारे एक दो तीन तीन रूल है फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगी तीन रूल हैं लास्ट के जो भी मैं आपको इसलिए करा रही हूं कि भाई पेपर में कोई गलती ना हो ठीक है अब आप देखो अगर कभी भी द प्लस एडजेक्टिव लगाए एडजेक्टिव पता है ना विशेषण मतलब कोई भी इसे भी मैं शॉर्ट में बता देती हूं अगर कोई भी एक ऐसा वर्ड जिससे आप पूरी कम्युनिटी को रेफर कर रहे हो जैसे कि नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में पुअर बोलकर हम, बोल हम लोग जितने भी पुअर लोग हैं उनको रेफर कर रहे हैं ऐसे ही अगर मैं बोलू आपको द uh, ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट बोल के जितने भी लोग हैं जितने भी ऑनेस्ट लोग हैं उन्हें रेफर कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आए तो हमेशा प्लूरल वर्ब लगाना हमेशा प्लूरल वर्ब लगाना ठीक है फॉर एग्जाम्पल द पुअर द ब्लाइंड द डम तो हमेशा इनके साथ क्या लगेगा प्लूरल वर्ब आर ऑनेस्ट हैव नो आइज आर कमिंग अभी हो सकता है आप लोग रटने की कोशिश कर रहे हो तो आपको लग रहा हो अरे हम तो भूल रहे बट पेपर में जैसी देखोगे ना द पुअर डैश समझ में याद आ जाएगा कि अरे मैम मैम ने ने बताया बताया था था प्लूरल प्लूरल आएगा आएगा इनके साथ बताया था, plural आएगा the plus adjective के साथ द प्लस एडजेक्टिव के तो आपको याद आ जाएगा तुरंत समझ में आया सो so, जब भी द प्लस में आप कोई एडजेक्टिव देखो तो वहां पर बेटा हमेशा आप क्या लगाओगे प्लूरल वर्ब लगाओगे इस चीज की गाट बांध लो इस चीज को दिमाग में बिठा समझ में आ गया सभी को बेटा ब्रेक इसके बाद दूंगी ना अगर आप दो टॉपिक के बाद भी आप नहीं मानोगे तो मैं क्या करूं आप बताओ आपका परसों पेपर है आप अगर दो घंटे भी बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हो आपको ब्रेक चाहिए तो आप फिर अपना विल पावर देखो आप कितने स्ट्रांग हो आप कितने डिटरमाइंड हो पेपर को लेकर ब्रेक दूंगी बेटा मैं बोल रही हूं ये टॉपिक खत्म हो गया इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद ब्रेक ले लेना रोजाना नहीं देती क्या ब्रेक देती हूं ना रोजाना ब्रेक नेक्स्ट देखो यहां पर क्या लिखा है अगर आपके पास बेसिकली यार ये तो बहुत ही आसान है देखो अगर नाउन सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर लगाना है अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल मतलब अगर केक लिखा है तो हमने इज लगा दिया केक्स लिखा है तो हमने आर लगा दिया इस तरीके से करना है ठीक है अब इसमें एक और चीज है कि आप इसको याद कैसे रख सकते हो अगर ऑल लगा हो अ लॉट ऑफ लगा हो सम ऑफ लगा हो इस तरीके से अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आप हमेशा उसके बाद नाउन को देखते हो अगर आपका नाउन सिंगुलर है क्योंकि तो वर्ब भी होगा हो तो हो। तो करना है, हमेशा को देखना है, के जहां केक है, है वहां पे वर्ब भी जहां पे प्लूरल है वहां पे वर्ब भी आर आएगा ठीक है ठीके? तो जहां पर भी आपका लॉट ऑफ लगा हो ऑल लगा हो सम लगा हो ऐसे केसेस में आपको मतलब ऑफ आप ऐसे मान लो जहां पर भी ऑफ हो उसके बाद का नाउन देख लेना अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर नाउन प्लूरल, है तो प्लूरल है। इस तरीके से गोट इट क्लियर एवरी वन सो आई डोंट थिंक इसमें अपने को कोई भी डाउट है ये भी पूरा सेम है नाउन और उसी पे डिपेंड है तो इसका कुछ अलग से नहीं है तो अब हम कुछ थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर मैं आपको ब्रेक दूंगी और ब्रेक में भी आपको क्वेश्चन में यहाँ पर लगा जाऊंगी कि अगर किसी का मन करे तो वो भी सॉल्व कर लेना ठीक है तो ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम थोड़े से सब्जेक्ट व एग्रीमेंट के फिर मैं आप लोगों को ब्रेक दूंगी ब्रेक के बाद मैं आपको नरेशन कराऊंगी ठीक है नरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं मेरा ब्रेक देने का बिल्कुल मन नहीं है मैं क्लियरली आपको बता देती हूँ क्योंकि आप लोग रोजाना इतना इतना मिनट ब्रेक में अपना वेस्ट कर देते हो

इनके साथ आप सिंगुलर प्लूरल दोनों लगाओगे और मैंने बोला था आप सेंटेंस को पढ़ो अगर सेंटेंस में आपको लग रहा है कि डिवाइडेड है अलग है तो आप क्या करोगे plural लगाओगे वरना सिंगुलर सो यहां पर देखो क्वेश्चन में बटे हुए हैं डिवाइड मतलब अलग अलग है डिवाइडेड मतलब बट गए हैं आपस में अलग अलग हो गए हैं राइट right? तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे वर लगाएंगे प्लूरल जाएगा ज्यूरी वर डिवाइडेड इन ओपिनियन ऐसी लग गया मतलब कि अलग अलग बात हो रही है या तो वो या मैं मैं की अलग से बात हो रही है मैं की साथ में बात नहीं हो रही तो जब भी मैं की अलग से इंडिविजुअल लेवल पे बात हो तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं अगर आई की इंडिविजुअल लेवल पे बात चल रही है अगर आई की इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे उसके साथ? साथर ही और आई एम क्योंकि ही अलग हो गया आई एम अलग हो गया और लग गया ना बीच में अलग अलग तो यहां पर जब भी ऐसा हो कि आई की अलग बात हो इंडिविजुअल बात हो तब आप एम लगाओगे तब इज नहीं लगाओगे जब भी आई किसी के साथ जुड़ा है क्या जैसे एंड uh, के साथ जुड़ गया कि तुम और मैं तब आप फिर उसके अकॉर्डिंग प्लूरल लगाओगे ठीक है बट जब भी आई इंडिविजुअली आ रहा है जब भी आई अलग से आ रहा है तब आप एम ही लगाओगे ठीक है देखो मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर डैश देयर अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा एंड से दो चीजें जुड़ी हैं एक के साथ द है अब मैम ने रूल नंबर थ्री में क्या बताया मैं आपको पीछे भी लेकर चलती हूं ठीक है जिन बच्चों को नहीं लग रहा था कि मैम सीरियस है तो वहां पे आप लोग देख सकते हो मैम ने आपको बताया था कि जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हो और एक के साथ द लगा हो तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है राइट यही एक्सप्लेन किया था सेम क्वेश्चन उठ के आ रखा है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो मेजिस्ट्रेट है उसके साथ द है एक के साथ द है तो हम क्या करेंगे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा वॉस द मेजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वॉस देयर वर तब लगाते जब दोनों के साथ द होता या फिर किसी के भी साथ द नहीं होता इस केस में हम वर लगाते हैं अगर एक के साथ द है तो हम वर नहीं लगाएंगे तो हम सिंगुलर लगाएंगे क्लियर है ओके okay. नेक्स्ट राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग टूडे अब ये भी मैं आपको रूल दिखा देती हूँ मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ आपको पता चले सारे क्वेश्चन के रूल मैम ने कवर करे हैं ये देखो अब मैंने बोला था अगर दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हैं राइट राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स लिखा है यही लिखा है ना सो so अगर दो नाउन एज वेल एस से जुड़े हैं तो हमेशा फर्स्ट को देखना है हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है तो अपन क्या करेंगे अब लिखा है राम एज वेल एज हिस्स फ्रेंड्स डैश कमिंग टू दे तो हम देखेंगे पहला वाला सब्जेक्ट राम राम क्या है राम है भाई का सिंगुलर राम भाई सिंगुलर है हमारे तो हम यहाँ पर भले ही हिज फ्रेंड्स लिखा हो प्लूरल लिखा हो बट हम प्लूरल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें मेरी जान पहले वाला देखना है हमें प्लूरल नहीं लगाना सो so, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टूडे बिकॉज

ठीक है नेक्स्ट देखो यू एंड आई डैश फ्रेंड्स वो गाना है ना यू एंड आई ठीक है सो यहाँ पे यू एंड आई डैश फ्रेंड्स अब यहाँ पे आई इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है यहां पे कनेक्टेड है कि तुम और मैं दोस्त हैं तो हम यहां क्या लगाएंगे अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा था आई वाली थ्योरी अगर आई हेलो हेलो एम आई ऑडिबल नाउ एम आई ऑडिबल नाउ अब आ रहा है आवाज अभी आ रहे अभी आ रहे वो माइक का जो रिसीवर था उसकी बैटरी खत्म हो गई थी अब चार्ज पे लगाया है अभी आ रहा होगा वॉइस है ना हाँ अब आ रहा होगा ठीक है थैंक्स थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो थैंक यू ओके सो so, पे मैं क्या बोल रही थी मैं ये बोल रही थी कि ट्रुथ एंड ऑनेस्टी एंड से दो चीजें जुड़ी हैं तो अगर आप पहले भी जाओगे तो मैंने आपको रूल एक्सप्लेन करा कि अगर एंड से दो चीजें जुड़ी हैं राइट right? या अगर दोनों में से कोई एक भी कोई चीज है नॉन लिविंग है तो आप सिंगुलर लगाओगे सो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी तो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं लिविंग तो है नहीं तो हम क्या लगाएंगे सिंगुलर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नॉट आर द बेस्ट पॉलिसी ठीक है समझ में आया ट्रूथ एंड लोग नहीं लगाओगे सभी सभी अच्छा, दोबारा से आपको पीछे ले जाके रिपीट कर देती हूँ दिक्कत लो कोई बात नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो एंड से मैं बोल रही हूँ दो चीजें जुड़ी है। अगर आप पीछे रूल पे जाओगे इस वाले रूल पे मैं अभी आई थी आप लोगों को दिखाने ये वाले पे तो देखो क्या लिखा है जब भी दो नाउन से Uh, कोई भी एक भी चीज जुड़ी हो अगर दोनों चीजें जुड़ी हैं तब तो ठीक है बट अगर एक भी चीज जुड़ी है तब भी आप सिंगुलर लगाओगे ठीक है जिसमें मैंने आपको ब्रेड एंड बटर वाला एग्जाम्पल भी दिया था सो so, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा क्योंकि एबस्ट्रैक्ट चीजें हैं कोई लिविंग नहीं है क्लियर एवरी वन ऑल राइट नेक्स्ट पे आइए द ओल्ड मैन विद्री सन्स डैश गोइंग टू अटेंड द पार्टी अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो ओल्ड मैन है जो ओल्ड मैन है वो अपने तीन बेटों के साथ तो यहाँ पर विद से कनेक्टेड है एक तरफ एक सब्जेक्ट ओल्ड मैन है दूसरा सब्जेक्ट उसके दो तीन बेटे हैं और वो विद से कनेक्ट हो रखा है तो यहाँ पर आप दोबारा से अगर पीछे जाओगे अभी अभी मैंने आपको ये वाला रूल एक्सप्लेन करा है ये रहा कि अगर एज वेल एज अलॉन्ग विद टूगेदर विद एंड नॉट रेदर खाली विद से अगर दो चीजें जुड़ी हैं तो हमेशा यू नीड टू पे अटेंशन ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट राइट बेटा तो आप लोग यहां पर क्या करोगे फर्स्ट सब्जेक्ट देखोगे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा बेचारा ओल्ड मैन है हमारा क्यूट सा ओल्ड मैन है फर्स्ट सब्जेक्ट तो ओल्ड मैन क्या हो जाएगा सिंगुलर तो इज और आर में से क्या आएगा इज आएगा मैक्सिमम बच्चे पेपर में यहाँ पर कहा गलती करते हैं मैं आपको बता रही हूँ उन्हें लगता है कि थ्री सनस है तो सनस प्लूरल है तो अपन प्लूरल भेड़ आते हैं उनको ये लगता है ठीक है बट यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग जैसे द ओल्ड मैन लिखा है तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट और वर्ब को चूज करना है ठीक है तो ये सेवन में से सबका स्कोर क्या है एक बार फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सेवन में से हमारा स्कोर क्या है थोड़े से और क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे सेवन में से स्कोर 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 बता दो फटाफट से आउट ऑफ सेवन क्या स्कोर है आप बच्चों का जल्दी जल्दी मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं चलो ये बता दो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया होगा ऐसा तो लग रहा होगा कि यार अभी अगर थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए या अगर अभी शाम में भी मैम ने हमें करा दिया या अगर हमने मैम ने अभी हमें कल भी और करा दिए है ना हमने सी के भी क्वेश्चन कर लिए तो हमारा पेपर बढ़िया चला जाएगा इतना तो आ रहा होगा कि इतना भी नहीं है इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं दिलवा पाई मैं हाँ इतना दिलवा पाई कॉन्फिडेंस या इतना भी नहीं दिलवा पाई हूँ मैं यूपी right. में पेपर लीक हो गया, वाह भाई सही चल रहा है वहां पर भी सही चल रहा है अपना अलग ही चल रहा है वहां ठीक है ऑल राइट चलो ये बताओ एक काम करो इसे तुम खुद करना इसे तुम खुद करना ठीक है इसे तुम खुद करना अब मैं एक काम करती हूँ मॉडल्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। अब हमें पता है मॉडल्स का एक ही क्वेश्चन आएगा है ना? और उसमें बे मतलब इतना टाइम इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है तो मुझे लगता है जो आपको ब्रेक चाहिए कुछ लाइट कर लेते हैं अच्छा है। उसके बाद ब्रेक दे दूंगी आपको आप क्या बोलते हो मैं पोल कर देती हूँ पोल पे पूछ लेती पोल करके पूछ रही हूँ जो मैक्सिमम रेस्पॉन्स होगा फिर अपन उसके साथ जाएंगे क्योंकि मुझे तो यही सही लग रहा है कि भाई मॉडल के थोड़े क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेते हैं उससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ओके okay. सो so, मैंने पोल आपको भेज दिया है आप लोग मुझे बता दो मेरा तो मेरा तो मेरा तो मानना यही है कि भाई देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया भाई देखो हमारा टेंसेस हो गया ठीक है दोनों के हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे अब हम तीसरा जो है हमारा मॉडल्स उसका एक ही क्वेश्चन आएगा उस पर टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है क्वेश्चन के साथ साथ हम सीख सकते हैं कि भाई हमें कौन सी चीज कहाँ लगानी है मैं आपको वो बताती हुई चलूंगी तो मॉडल्स भी कंप्लीट हो जाएगा दो टॉपिक बचेंगे नरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो हाँ मैं ब्रेक के बाद कराऊंगी क्योंकि आपका फ्रेश माइंड हो जाए आपका क्या मानना है जल्दी जल्दी से आप लोग पोल कर दो जिसमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा मैं वो करा दूंगी ठीक है मैं इतने यहाँ पर खोल भी लेती हूँ खोल भी लेती हूँ मॉडल के क्वेश्चन जिनका जो मानना हो पहले वोट कर दो फिर मैं अभी खोल के क्वेश्चन uh, पीपीटी खोल के फिर मैं देखती हूँ कि आप लोग क्या बोल रहे हो ठीक है ज़बरदस्ती तो ऑब्वियसली मैं नहीं करा सकती आपसे आपका जब मन होगा तभी हम कर सकते हैं बट ये हैं हमारे कुछ क्वेश्चन हैं तो अगर आपका मन होगा तभी करेंगे इसकी मैं एक बारी इसको वहां पे खोल लेती हूँ नोट फाइव में ताकि टाइमर मैं आप लोगों को ज़रूर दे सकूँ ओके okay. अच्छा खुल गया ठीक है जी बहुत बढ़िया इम्पोर्ट ये मैंने आपके लिए कुछ चार्ट है जो डाल दिए जो आपको टेलीग्राम से उठा लेना टेलीग्राम से आपको मिल जाएंगे ये कुछ चार्ट ठीक है जो आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे और ये चार्ट आपको मॉडल को ये क्विक रिवीजन देने में हेल्प करेगा क्योंकि मॉडल का एक ही क्वेश्चन आ रहा है उस एक क्वेश्चन के लिए दो घंटे वेस्ट करना मेरे को कोई सेंस नहीं लगता और भी था, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया। है ठीक है क्योंकि उसमें से चॉइस आएगा बट स्टिल हम इसके थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे हमें एक आइडिया लग जाएगा है ना कि अगर हम कभी नरेशन में अटक गए तो मॉडल अटेम्प्ट कर लिया वैसे वाला तो हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर दो टॉपिक बचेंगे हमारे पे 63 बोल रहे हैं मैम क्वेश्चन करा दो और 50 कितने परसेंट हैं एक सेकंड रुक जाओ मेरा फोन कहाँ है यार वैसे फोन में दिखेगा नहीं तो मुझे इसी में देखना पड़ेगा या मैं ट्राई कर लेती हूँ बहुत मुश्किल होता है यार सब अकेले मैनेज करना आ, कितने प्रतिशत बच्चे हैं अच्छा मुझे मुझे अगर दो मिनट के अंदर मुझे अगर पांच मिनट के अंदर एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लाइक्स अगर तुम लोगों ने दे दिए तो मैं ब्रेक दे दूंगी ब्रेक तो मैं वैसे भी दूंगी बट मैं ऐसी देख रही हूँ तो तुम दोगे कि नहीं मैं जब तक चेक कर रही हूँ कि कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ब्रेक चाहिए कराऊंगी क्यों दिक्कत ले रहे हो अभी एरर करेक्शन के भी क्वेश्चंस करा के ही घर भेजूंगी बेटा मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरी क्लास जितनी लंबी जाए मेरे को चाहिए बच्चे को अच्छे से समझ में आए ओके गिव मी अ मिनट गिव मी अ मिनट डोंट गेट ओवर एक्साइटेड थर्टी सेवन प्रतिशत बच्चे ब्रेक मांग रहे हैं सिक्सटी थ्री परसेंट बच्चे बोल रहे हैं मैं मॉडल के क्वेश्चन करा दो बताओ अब क्या करूं मैं नो नीड फॉर ब्रेक बोल रहे एक बच्चे बोल रहे ब्रेकफास्ट कर लो मुझे तो भाई समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए एक काम करते हैं एक काम करते हैं दोनों साइड की बात मान लेते हैं दोनों साइड की बात मान लेते हैं मॉडल के थोड़े से क्वेश्चंस कर लो फिर ब्रेक दे देती हूँ क्वेश्चन करने में आपकी कोई एनर्जी नहीं जाएगी है हाँ ना और पेपर एट दी एंड आप ही का है तो मुझे आपको फोर्स भी नहीं करना चाहिए आपको खुद से ही पढ़ाई करनी चाहिए तो आप ये कर लो इसके बाद कंफर्म है कि मैं आपको पंद्रह बीस मिनट का ब्रेक दूंगी उसके बाद हम नरेशन एक फ्रेश शुरुआत के साथ करेंगे ठीक है चलिए सो यहाँ पर ये जो है ये मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसने ज्वाइन नहीं किया लास्ट चांस है ज्वाइन कर लो ये आपको एक क्विक रिविजन में हेल्प करेगा मॉडल्स के लिए कौन कौन सी चीज कहां पे लगती है ठीक है अगर आपको नहीं भी पता कौन कौन सी चीज कहां कहां पे लगती है कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है इतना आसान क्वेश्चन आएगा कि आप वैसे ही कराओगे अपनी कॉमन सेंस से आप कराओगे और एक ही क्वेश्चन आएगा एक या हद से हद दो दो भी मैं एम ही बोल रही हूँ एक ही आएगा क्वेश्चन जितना मैंने एनालाइज करा है ठीक है तो अब आप यहाँ पर देखो लिखा है दिस ड्रेस सूट्स और स्टाइल शी डैश डेफिनेटली लाइक इट ठीक है कि भाई ये जो ड्रेस है ना ये इसके स्टाइल को सूट कर रही है एंड शी डैश डेफिनेटली लाइक इट मतलब हम कोई फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि यार ये ड्रेस तो अच्छी लग रही है ये ना उसको जरूर अच्छी लगेगी तो आपके अकॉर्डिंग यहां यहाँ क्या लगा सकती हूँ ट्राई करो आप लोगों को मॉडल्स की एबिलिटी अपनी खुद की ही टेस्ट करनी पड़ेगी कि हाँ भाई हमें कितना आता है हमें आता है हमें नहीं आता है हम लोग वो एक क्वेश्चन करने की हालत में है कि नहीं है सो so, यहाँ पे आप देख लो अब आप आपका करेक्ट आंसर क्या होगा अच्छा तुमने एटीन थाउजेंड लाइक कर भी दिए वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस चलो देखते हैं मॉडल्स खत्म होने से पहले ट्वेंटी के लाइक्स तक हम लोग पहुंचते हैं कि नहीं मॉडल्स खत्म होने से पहले तो यहाँ पर बेसिकली अब तुमने बहुत ही सही बहुत ही सही आंसर तुमने चूज करा कि भाई हम बात कर रहे हैं ये ड्रेस उसके स्टाइल के अकॉर्डिंग है तो ये ड्रेस उसे डेफिनेटली पसंद आएगी ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे अब कैन क्यों नहीं आएगा भाई कैन कोई एबिलिटी दिखाता है आई कैन स्पीक इंग्लिश आई कैन डांस है ना पप्पू कैन डांस तो यहाँ पर कैन एक एबिलिटी दिखाता है ठीक है इसलिए कैन नहीं आएगा विल आएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ वेन जॉन वोस टू ही डैश ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल कोशिश करो वरना फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि एक लड़के की बात हो रही है जब वो दो साल का था ना वो तभी बहुत अच्छे से बात कर लिया करता था सो माइट कुड कैन या शुड क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर तुम्हें इन क्वेश्चन से ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम लोग वहां मॉडल का एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर कर आ पाओगे ठीक है हाँ सो so, यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर क्या होगा अब जब भी मैं तुम्हें साथ साथ में बताती हुई भी, भी चल रही हूँ तो तुम अपने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स भी बना लो साथ साथ में मैं तुम्हें बताती हुई भी चल रही हूँ कि जब भी बेटा तुम्हारी पास की एबिलिटी की बात हो समझ में आ रहा है अगर आपकी पास्ट की एबिलिटी की बेटा जी बात हो तो मेरी जान आपको क्या करना है मतलब कोई आपकी पूर्व पूर्व एबिलिटी दिखा रहा हो कि आपके आपने कोई पहले कोई बड़ा काम कर दिया हो सो so, यहाँ पे बोला है When John was two. पास्ट की बात नहीं। जब वो दो साल का था वो तभी इतने अच्छे से बात कर लेता था तो हम लगाएंगे कुट जितने बच्चे कैन बोल रहे हैं वो उन्हें अभी तो समझ में गया होगा ना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके पेपर में बताया जा रहा हो भाई जब वो छोटा था ना वो तो दौड़ लेता था भाई जब वो छोटा था ना वो तो पेड़ पे चढ़ लेता था तो मतलब जब वो छोटा था तब वो कोई काम कर पाता था ठीक है या जब वो जवान था तब वो दौड़ लिया करता था पास की कोई एबिलिटी की बात हो रही है आपकी काबिलियत की बात हो रही है पास की तब आप कुछ लगाओगे ठीक है नेक्स्ट पे आओ शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ज्यूरिंग हॉलीडेज She dash visit her grandparents' house during holidays. holidays. यहां पर यहां पर कोशिश करो क्या आएगा मम्मी सब्जी लाने बोल रही है मम्मी को बोलो मम्मी मेरा पेपर है परसों यार ब्लिंकेट से मंगा लो आज कोई बात नहीं बीस रुपए एक्स्ट्रा दे देना दे डिलीवरी के उसको ब्लिंकेट ला देगा पंद्रह मिनट के अंदर सब्जी आज मेरे को बख्श दो हाँ सो so, यहाँ पर क्या आएगा देखो मैं बताती हूँ हिम्मत कैसी हुई बे ठीक है मतलब किसी को चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए ठीक है तो डेयर वाली तो यहां पर कोई बात ही नहीं है ओट टू बेटा हमारा ना आप ये समझ लो कि शुड शुड के बाद मस्ट और मस्ट के बाद टू मतलब ऑट टू हम तब लगाते हैं जब कोई काम करना ही करना चाहिए वो हमारा एक ऑब्लिगेशन हो गया है कि भाई अपने को करना ही पड़ेगा तब हम बेटा ऑट टू लगाते हैं समझ में आया तो ऑट टू वाली कोई बात नहीं है यहां पर बोला है शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज बात सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है यार वो जा सकती है वो जा सकती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर हॉलीडेज में सो शी माइट माइट हम कब लगाते हैं लेस पॉसिबिलिटी हम लोग श्योर नहीं है आई माइट डू दिस आई माइट टेक दिस क्लास तो माइट मतलब कि आई एम नॉट श्योर राइट ना हो बट हो सकता है कि मैं कर लू ठीक है तो यहां पर आएगा माइट द करेक्ट ऑप्शन इज डी

अब यहाँ पर क्या लिखा है मैं बता देती हूँ लिखा है यू डैश फॉलो रूल्स शुड मे मस्ट खुद बता दो कि यहाँ पर क्या आएगा खुद बता दो तुम ये तुम्हारे सामने बता रही हूँ तुम्हारे सामने एक बुक खोलकर बता रही हूँ कि क्वेश्चन दिया हुआ है लिखा है यू डैश फॉलो रूल्स शुड मे मस्ट या विल अब जहां रूल्स की बात हो गई अपने को पता है रूल्स मतलब फॉलो तो करना ही पड़ेगा शुड थोड़ा सा कम होता है मस्ट से शुड थोड़ा एडवाइस में सजेशन में यूज होता है must, थोड़ा strong हो जाता है तो हम सीधा क्या लगाएंगे you must follow rule. जब भी rules की बात हो और should और must option में हो और और में तो must लगा कर आना क्योंकि मस्ट शुड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इस टाइप से इतने आसान क्वेश्चन आने वाले तो अगर आपने ये कर लिए अगर आप ये कर पा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंट फील कर लेना चाहिए कि भैया हम वहां पे कर आएंगे सो so, पर भी आप देख सकते हो बोला जा रहा है क्या मैं मैनेजर से बात कर लू तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग मे या कैन लगाते हैं कैन यहाँ पर है नहीं फॉर्मल चीजों में मे मे ही लगता है सो so क्या आ जाएगा आई टॉक टू द मैनेजर ठीक है अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो ड्यूरिंग पीक आवर्स क्या बोला गया पीक मतलब जब बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो वैसा हो है ना इट डैश टेक मोर देन टू आवर्स बताओ बेटा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर आपको किसी को बताने जैसे गुड़गांव की बात कर लो गुड़गांव का तो बुरा हाल है ट्रैफिक से आप कभी भी निकल जाओ सारे लोग मुझे लगता है यहीं आ गए सो ड्यूरिंग पी कार डैश टेक मोर देन टू आवर्स क्या होगा करेक्ट आंसर इट कैन टेक इट शुड टेक इट शैल टेक या इट विल टेक हाँ तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताओ मैम आई एम न्यू स्वागत है बेटा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर मतलब क्या करूं मैं ऐसा करेक्ट आंसर ढूंढने के लिए क्या करूं मैं ओके यस सो यहां पे देखो लिखा भाई जब भी पीक आर्स होते हैं अब ये एक जनरल बात है है ना आप ये नहीं बोल रहे कि आपको लग जाएगा या ऐसा हो जाए आप एक जनरल बात बोल रहे हो कि पीक आर्स में दो घंटे से ज्यादा तो लगता ही है सो इट कैन टेक मोर देन टू आवर्स इट शुड टेक मोर देन टू आवर्स इट शैल टेक या इट विल टेक मोर देन टू आवर्स सो द करेक्ट आंसर इज

so how 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 would she do that to us how must how could ya how shall वो ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकती है यार ये लिखा यहां पे वो ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकती है ये आपको बताना है जल्दी बताओ बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर ओके 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 So, यहाँ पे देखो देखो अगर कैन होता तो हाँ वो भी लगा सकते थे कि कि भाई 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 या या फिर उसका भाई लगा दो ठीक है पे ये और तो आप आई और वी के साथ लगाओगे ना ठीक है और अगर आप बाकियों के साथ भी लगा हुआ देखो तो वो आपको कोई ऐसी चीज बता रहा होगा कि जो आपको करनी चाहिए पोलाइटली जो आपको करनी चाहिए वहां पर आप शैल लगाओगे मस्ट एक कंपल्शन दिखाता है तो यहां पर तो हाउ मस्त लगाने का तो कोई सेंस ही नहीं है हाउ मस्त लगाने का कोई सेंस ही नहीं है राइट right, तो हम क्या लगाएंगे हाउ कुड शी डू दैट टू अस कि वो कैसे कर सकती है है ना वो कैसे कर सकती है सकती है सकता है सकती है लगता है कैन और कुड के साथ तो वो कैसे कर सकती है ठीक है चलिए नेक्स्ट आइए देखिए इफ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंट आई डैश पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट कि अगर मुझे जो रिक्वायर्ड मतलब मुझे जिस चीज की असिस्टेंस की जरूरत है अगर मुझे वो अप्रोप्रिएट तरीके से मिल गई सो आई शैल पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई कैन नॉट आई माइट या आई कुड पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बताओ बेटा क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर जल्दी से हाँ जी यहां पर वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है यहां पर वो क्या लगा रहा है इफ लगा के प्रोबेबिलिटी बता रहा है अगर मुझे assistance मिली तो मैं में पास करूंगा। वो श्योर नहीं है तो पहली बात तो कैन ऑर्थ तो लगेगा ही नहीं नेगेटिव तो है ही नहीं है ना नेगेटिव तो है ही नहीं और यहां पर वो क्या बता रहे प्रोबेबिलिटी अगर आपको कोई प्रोबेबिलिटी कोई पॉसिबिलिटी कोई संभावना बता रहा है अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, हुआ, तो ऐसा होगा तो आप क्या लगाएंगे माइट लगाएंगे माइट ऑप्शन नंबर सी If I get the required assistance, I might pass the exam in first attempt. कैसा हो सकता है मैं first attempt में ही pass कर लूँ? We are not sure of anything yet. हम लोग sure नहीं हैं. इसलिए हम लोग नहीं लगा सकते और कुछ. हमारा अगर हम नहीं है sure, अगर हम probability की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? Might लगाएंगे. Clear everyone? है ना? ये कुड़ तो उसका वो हो गया ना कि भाई मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तू कर सकता है. But if भी तो लगाए ना, कि अगर मुझे असिस्टेंस मिली तो मैं शायद कर लू राइट चलो नेक्स्ट पे आओ द ऑडियंस डैश सेटल बिफोर आर क्लोज द ऑडियंस डैश सेटल बिफोर आर क्लोज तो क्या बोला है? कि भाई ऑडियंस को ना सेटल हो जाना चाहिए दरवाजा बंद होने से पहले तो हो जाना चाहिए के लिए हम लोग क्या लगाएंगे जल्दी से बताओ और क्या हम नेक्स्ट नेक्स्ट फाइव मिनट्स में नाइनटीन थाउजेंड लाइक्स को क्रॉस कर सकते हैं न बी डू दैट कैन वी डू दैट बेटा बस इसके बाद ब्रेक दे रही हूँ मैंने भी कुछ अगर तुम बोल रहे हो ना आपने कुछ नहीं खाया कसम लगे मैंने भी कुछ नहीं खाया है अगर आपको लग रहा है, बोल रही है भगवान कसम मैंने भी कुछ नहीं खाया है ठीक है अगर आप खाली पेट पढ़ रहे हो ना मैं भी यहाँ खाली पेट ही पढ़ा रही हूँ आपके पास चॉइस है वहां बैठ के खाते हुए भी देख सकते हो मेरे पास वो भी चॉइस नहीं है तो मैं आपको ब्रेक दे रही हूँ बट द एफिंग एयर इज फॉर यू ओनली कि आप अभी मॉडल्स के क्वेश्चन कर लोगे मैं आपको ना दोपहर का टाइम थोड़ा सा फ्री देना चाहती हूँ क्योंकि शाम में भी क्लास है उस दोपहर में मैं टेलीग्राम पे कुछ कुछ चार्ट भेजना चाहती हूँ तो वो प्लान है मेरे दिमाग में तो आप ही के लिए कर रही हूँ थोड़ा सा दे दो टाइम फिर मैं आपको दे रही हूँ अभी ब्रेक ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं दे रही सो so, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ सो द ऑडियंस डैश सेटल बिफोर डोर्स आर क्लोज ये यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है सो द ऑडियंस ऑडियंस कैन सेटल सेटल द द शैल ऑडियंस माइट या मस्ट तो मैंने क्या बोला ऑडियंस को सेटल हो जाना चाहिए तो जब हम इतने सीरियस होके चाहिए की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे मस्ट द ऑडियंस मस्ट सेटल भाई देख दरवाजा बंद होने से पहले भाई ऑडियंस अंदर बैठ जानी चाहिए ठीक है समझ में आया चलिए नेक्स्ट पे आओ नेक्स्ट देखो वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट आर एल्डर्स बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा पेपर में मॉडल से ठीक है और एक ही आएगा तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट आर एल्डर्स वी कैन वी विल बहुत ही आसान है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है हां जी करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे जल्दी बताओ और नाइनटीन थाउजेंड लाइक्स नहीं किए तुमने अभी तक यस yes. द करेक्ट आंसर इज शुड शुड के भाई हमें हमेशा अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ये हमारी मॉरल वैल्यू है चलिए नेक्स्ट पे आओ डैश वी सेव मनी फॉर द पार्टी पंद्रह क्वेश्चन कराऊंगी बस दसवें क्वेश्चन पे आ गए पंद्रहवें क्वेश्चन के बाद ब्रेक दूंगी फिर फ्रेश नरेशन पढ़ेंगे ठीक है दो ही टॉपिक बचे हैं नरेशन और डिटर्मिन डैश वी सेव मनी फॉर द पार्टी वुड नीड शुड या डेयर क्या होगा करेक्ट आंसर हां जी सो so यहां पे डैश भी सेव मनी फॉर द पार्टी क्वेश्चन है क्या हमें पैसे सेव करने चाहिए अगेन चाहिए आ रहा है कि चाहिए कि नहीं चाहिए है ना यहां पर बेसिकली क्या है कि क्या, क्या सही रहेगा वेदर दिस वर्क जो हम करने वाले हैं इज दट राइट और नॉट राइट तो यहां पर हम क्या लगाएंगे शुड ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी शुड बी सेव मनी फॉर द पार्टी क्या ये हमारे लिए सही चीज रहेगा शुड बी डू दिस ठीक है जी चलिए नेक्स्ट ऑल स्टूडेंट्स डैश ऑबे द स्कूल रेगुलेशन सारे ही स्टूडेंट्स को स्कूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर बेटा मैं बार बार ही बोल रही हूँ ग्यारहवें क्वेश्चन पे पंद्रह क्वेश्चन के बाद ब्रेक ठीक है क्वेश्चन नंबर के बाद ब्रेक दे दूंगी प्लीज कर लो ऑल स्टूडेंट्स डैश ओबे द स्कूल रेगुलेशंस क्या होगा यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर जल्दी बताओ यस द करेक्ट आंसर इज मस्ट ऑप्शन नंबर बी मस्ट

तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर अब जा नहीं सकते कोई काम हो सकता है नहीं हो सकता है उसके लिए हम क्या लगाते कैन है ना बट यहां पर हम क्या लगाएंगे यह आपको बताना है जल्दी बताओ जी Need not, cannot, shall not, yeah, will. What do you think is the correct answer? Just give me a sec. Yes, the correct answer is need not, need not.

एक कंपनी चल रही है उसमें बोला गया है ऑल मेंबर्स डैश अटेंड द द मीटिंग पर नोटिस कैन वुड माइट या शुड तो ऑब्वियसली मीटिंग्स हो गई ये सब हमारे क्या होते हैं फॉर्मल वर्ड्स होते हैं तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं जल्दी जल्दी बताओ यस द करेक्ट आंसर इज शुड ऑल मेंबर्स शुड अटेंड द मीटिंग भाई अटेंड करनी चाहिए एज पर द नोटिस नेक्स्ट आ जाओ दे आर डैश बी अफ हेयर देयर डैश बी असप हेयर दे आर यूज टू दे आर शुड दे आर ऑट टू या वुड बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भाई बहुत ही फेमस शॉप यहां पर हुआ करती थी तो अगर कोई चीज बच्चों यहां पर हुआ करती थी तो हम क्या लगाएंगे जल्दी बताओ और मैं दोबारा बता रही हूँ नरेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रखे हैं आप से बहुत सारे बच्चों के पास प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह होंगे आप उसमें देख सकते हो तो नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम बिल्कुल भी शॉर्टकट से पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप शॉर्टकट से नरेशन को पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं पे फंसोगे क्योंकि शॉर्टकट में शॉर्ट ही एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं ठीक है ठीके? और आपके पेपर में सबसे जो घुमा के चीज पूछी है ना वो नरेशन ही पूछी है समझ रहे हो डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं क्या आपको लगता है आप सीधा डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको नरेशन नहीं आता तो नरेशन को करने का एक पैटर्न है पहले उसके टर्म्स को समझना रिपोर्टिंग वर्ब वर्ब क्या है, reported वर्ब क्या है 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 रिपोर्टेड दोनों में में से एक में भी कंफ्यूज हो तो गए गए तो नंबर ठीक उसके बाद तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है रिपोर्टेड वर्ब कौन सा है उसके बाद टेंस को किस में आपको चेंज करना है ये करने के बाद इजी क्वेश्चंस करना जरूरी है फिर आप अपने डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन में नंबर लाओगे क्योंकि आपको चॉइस भी नहीं दे रखी है आपके दो नरेशन के क्वेश्चन में तो चॉइस भी नहीं आएगी चलो आप उसमें से एक छोड़ दोगे राइट right? बट फिर भी आपको एक तो करना पड़ेगा ना तो आपको डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन कराने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराना नेसेसरी है जरूरी है तो इसीलिए प्लीज हम लोग नरेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हमारे दो तीन नंबर वहीं से बन रहे हैं तो प्लीज नरेशन में अभी कराऊंगी तो आ जाना सो so, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है देर यूज टू बी अ फेमस शॉप यहां पर एक बहुत ही फेमस शॉप हुआ करती थी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फिर मैं आपको ब्रेक दूंगी देयर है और तुम्हें होना चाहिए वहां से ड्राइव करते हुए तो जल्दी जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर ऑट्टो कब यूज होता है बेटा ऑट्टो यूज होता है कोई भी मॉरल ऑब्लिगेशन कोई भी ऐसी चीज जो जरूरत से ज्यादा जरूरी है इंपॉर्टेंट जो जो है जैसे यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर सोल्जर्स कोई ऑब्लिगेशन है ना कोई नैतिक कर्तव्य आपका आ गया है तब आप लगाओगे सो so अब देखो यहां पर कोई आदमी बोल रहा है भाई वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है भाई वहां पर ना आपको भाई केयरफुल मतलब बहुत ही अच्छे से आपको ड्राइव करना चाहिए तो अब वो आपको एक सीरियस टॉपिक पे चाहिए बोल रहा है तो सीरियस टॉपिक पे चाहिए मतलब मस्ट ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन so, क्या हो गया बेटा जी ऑप्शन नंबर बी इतना समझ में आया मुझे लगता है यहां तक सबको क्लियर है अगर क्लियर है तो एक बार सारे बच्चे येस मैम स्पैम कर दो कॉमेंट सेक्शन में प्लीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कराओगे ना और अभी भी मैं इसके और भी क्वेश्चंस कराऊंगी आगे भी कल भी कराऊंगी आज शाम में भी कराऊंगी तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराने वाली हूँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको और क्वेश्चंस नहीं कराने वाली हूँ ठीक है तो इसके हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं तो ये मॉडल्स की तो आप टेंशन बिल्कुल ही मत लो ठीक है चलो तो अब मैं आपको देने वाली हूँ ब्रेक अब मैं आपको देने वाली हूँ ब्रेक बट उसके बाद मैं आपको कराऊंगी नरेशन और नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नरेशन आप लोग प्लीज क्लास में लौट आना अगर आपको नरेशन करना है तो ठीक है प्लीज क्लास में लौटाना अगर आपको नरेशन करना तो है नरेशन ही ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका दिमाग लगेगा उसके अलावा डिटर्मिनर्स में मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी और जैसे कि अ फ्यू हो गया द फ्यू हो गया उस पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना तो मैं आपको ये वाली चीजें बताने वाली हूँ लिटिल uh, हो गया अ लिटिल हो गया ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ तो मेन मेन चीजें मैं आपको डिटर्मिनर्स की बताऊंगी आप लोग कंफ्यूज नहीं हो ये दोनों ही टॉपिक्स बचे हैं फिर मैं आपकी क्लास को एंड कर दूंगी तो हाँ हाँ मैं आपको थर्टी मिनट्स का ब्रेक दे रही हूँ थर्टी मिनट्स में आप आराम से अपना लंच कर लो अपना जो करना है कर लो फ्री माइंड हो जाओ फ्री माइंड के बाद वापस आ जाओ फटाफट फड़ से मुझे आपको नरेशन कराना है ठीक है इतने मैं एक पोल करके जा रही हूँ मतलब अभी पोल कर ही देती हूँ मैं पोल कि आपको नरेशन कितना आता है ठीक है कितना आता है आपको नरेशन तो आप लोग उसमें बता देना कि फिफ्टी परसेंट से कम आता है फिफ्टी परसेंट से ज्यादा आता है ठीक है चलिए सो यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ सब लोग वापस आ जाना ठीक है सब लोग वापस आ जाना मैं यहां पर लिख देती हूं सी यू सी यू इन थर्टी मिनट्स स्माइली चलो ओके ऑल राइट आई विल सी यू गाइस चले भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ लौट लौट ये टुच्चे ये, ये में तुमको दिक्कत आती है पेपर में हैं लिखा ही क्या है इसमें यही क्या करना ही क्या है इसमें कुछ भी नहीं करना ये अपना नाम तुम्हें यहाँ पर करना ये हम भी क्या करते थे नाम भरना है रोल नंबर भरना है सब्जेक्ट कोड, सेंटर नंबर एडमिट कार्ड पे देख देख के भरना है, इसमें क्या दिक्कत आती है बस हाँ ये है कि ध्यान से भरना है ध्यान ध्यान से, से ठीक है भरो, ऑल राइट जल्दी जल्दी आ जाओ यार क्लास को लाइक और शेयर कर दो फटाफट -फड़ से और स्पैम कर दो नरेशन एक बार ही ताकि मुझे पता चल जाए कि सारे बच्चों का मन है अब नरेशन पढ़ने का नरेशन ही एक ऐसा टॉपिक है जो मैं डिटेल में कराने में बिलीव करती हूं मैं आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी शॉर्ट में कराने में बिलीव नहीं करती हूं क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है डायरेक्ट स्पीच क्या है इनडायरेक्ट स्पीच क्या है तो वो क्या करेगा हर चीज तो तुक्के में करके नहीं आएगा नाप सेफ okay, लव यू मैम लव यू टू थैंक यू चलो यार फटाफट फड़ से आ जाओ मेरे को भी इंस्टा ओ, इंस्टाग्राम बोल रही हूँ टेलीग्राम पे मैसेज करने दो टाइगर इज बैक वापस आ जाओ <laughs> <laughs> चलो जी कर दिया है मैंने मैसेज जल्दी 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 खाना खा लिया आपने हाँ मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया ज्यादा खाने का मन नहीं था बट मैंने खा लिया थोड़ा बहुत चल जाएगा काम अभी थोड़ी देर तक तो ऑल राइट right. एक पोल पुश कर रही हूं ठीक है एक पोल पुश कर रही हूँ जानने के लिए कि आप लोगों को नरेशन कितना आता है फिर उसके अकॉर्डिंग क्लास की स्पीड को भी हम लोग रखेंगे नरेशन uh, थोड़ा बहुत आता है लिख देती हूँ नरेशन थोड़ा बहुत आता है और एक जगह पे लिख देती हूँ बिल्कुल ही नहीं आता है ठीक है बिल्कुल ही नहीं आता है तो आप लोग एक बार ही मुझे बता दीजिए सो so, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्लास की स्पीड को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए तो अभी बस आप ये समझ लो कि नरेशन ही एक लास्ट टॉपिक है जो आपको समझना है Determiners तो यू दो में आपका हो जाएगा क्योंकि वो जो चीजें हैं वही मैं आपको कराने वाली हूं। उसमें इतना नहीं लगेगा। वो मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू कराऊंगी बट नरेशन में कोई शॉर्ट हैक नहीं होता है तो नरेशन में आपको हैक के थ्रू नहीं करा सकती नरेशन आपको समझना ही पड़ेगा ठीक है तो एक बस यहाँ पर अपना दिमाग लगा लो मुश्किल से पंद्रह बीस बीस पंद्रह तो नहीं बीस पच्चीस मिनट में आपका नरेशन मैं खत्म कर दूंगी ठीक है तो ठीक है मैं समझ गई हूँ कि आपको कितना आता है नरेशन आपके पोल के रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अभी ज्यादा बच्चों ने पोल किया भी नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सारे बच्चों से कि यार फटाफट से क्लास को लाइक कर दो शेयर कर दो और पोल का आंसर दे दो ताकि हम लोग नरेशन कर पाए बच्चों ठीक है नरेशन हम लोग कर पाए नरेशन हो जाएगा आपका और दिक्कत मत लो मैं मैंने बोल दिया है कि आपको जितने डाउट आ रहे हैं उसके लिए मैं गूगल मीट सेशन लूंगी अभी आ, मुझे अभी क्लास एंड करने के बाद दो-तीन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम है आपकी शाम की क्लास से रिलेटेड वो निपटाते ही मैं आपको गूगल मीट का लिंक टेलीग्राम पे भेज दूंगी आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहना और आप ज्वाइन कर लेना ठीक है उसमें आप अपने क्वेश्चन रिलेटेड डाउट पूछ लेना बाकी अभी के लिए आप नरेशन पे फोकस करिए अगर आप अभी ग्रामर पढ़ा रही हो आपके दिमाग में लिटरेचर चल रहा है फिर जब आप लिटरेचर कर लोगे तो ग्रामर कौन पढ़ाएगा कहां से करोगे कल तो पेपर ही है है ना कल आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन करना है कल कुछ पढ़ाई नहीं होगी कल रिवीजन होगा सारा तो इसीलिए प्लीज अभी ध्यान दीजिए पाँच छः हजार बच्चों ने पोल कर दिया है जिसमें से चालीस प्रतिशत बच्चे ऐसे जिन्हें बिल्कुल ही नहीं आता और साठ प्रतिशत ऐसे जिन्हें थोड़ा बहुत आता है ठीक है कोई बात नहीं तो हम नरेशन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि चाहे आपको थोड़ा बहुत आता हो चाहे आपको ना आता हो बेसिक से हम लोग नरेशन को करने वाले हैं बस मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में ये प्रॉमिस चाहिए कि अगले अगले 25 मिनट्स तक आपका अटेंशन मेरी तरफ है मुझे बस ये प्रॉमिस दे दो अगर आप बोल रहे हो मैम अगले पच्चीस मिनट तक हमारा अटेंशन बिल्कुल आपसे हटेगा नहीं तो मैं आपको प्रॉमिस करके दे रही हूँ 25 मिनट बाद आप ही लोग कमेंट करोगे नरेशन ओपी भैया फेस रिवील भैया गए ऑफिस काम काज करे पैसा चलाए घर चलाए नहीं चलाए जी जल्दी बताओ बताओ बता कैन आई सी ट्वेंटी वन के लाइक्स इन नेक्स्ट टेन मिनट्स प्रॉमिस प्रॉमिस कर दिया एक तरफ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब प्लीज अब प्लीज मैं शुरू कर रही हूँ शुरू कर रही हूँ सारे बच्चों ने खाना खा लिया एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू नो सारे बच्चों ने खाना खा लिया अगर खा लिया तो मैं शुरू कर रही हूँ एक बारी बस ये बता दो खाना वाना हो गया आपका तो मैं शुरू कर रही हूँ और फटाफट फड़ से हर क्लास को शेयर कर दो मैं बस मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा बीच क्लास में आकर उसे समझना आए मैं चाहती हूँ सारे बच्चे नरेशन शुरू कर रही हूँ जल्दी जल्दी आ जाए फटाफट फड़ से आ जाए मैं टेलीग्राम पर भी बच्चों को बता देती हूँ कि बच्चों बाद में आकर फिर मेरे पे रोना नहीं जल्दी जल्दी आ जाओ हेलो बच्चों मैं नरेशन शुरू कर रही हूँ ब्रेक हमारा ओवर हो गया है जल्दी जल्दी से आ जाओ फिर रोना नहीं बाद में चलो ऑल राइट right. तो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया मैंने टेलीग्राम पर भी बोल दिया बच्चों को 2000 बच्चों ने देख भी लिया है चलो शुरू करते हैं अब हम no, नो no नो किसके लिए लिख रहे हो अच्छा खाना नहीं खाया इसके लिए भाई खा लो भाई खा लो खाने खाने के साथ मजाक मत करो खा लो चलो सो लेट्स स्टार्ट नरेशन यार देखो आप सबसे पहले ये समझो नरेशन का मतलब क्या होता है ठीक है अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता बिल्कुल जीरो परसेंट पे होना तो ध्यान से सुनना बिल्कुल ध्यान से सुनना एक कॉपी और पेन ले लो ठीक है कॉपी और पेन में ना लिखते जाना क्यों लिखते जाना सारा नहीं टेपना है जो जो मैं भूल रहा हूँ तो आपके जब आंखों के आगे रहेगा तो आपको लगेगा, आपको लगेगा कि आप नहीं भूल रहे हो राइट तो इसीलिए प्लीज आप कॉपी में शॉर्ट शॉर्ट नोट्स अपने बनाते जाइए जिससे कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आप लोग भूल रहे हैं अब नरेशन को समझो फड़ से नरेशन का मतलब क्या होता है नरेशन का मतलब होता है बोलना किसी भी चीज को नरेट करना किसी भी चीज को बताना अब किसी भी चीज को बताने के दो तरीके होते हैं नंबर वन होता है डायरेक्ट और नंबर दो होता है इनडायरेक्ट स्पीच ठीक है अब मान लो अगर मैं आपको कॉल करती हूं यहाँ पे मान लो मैंने आपको कॉल करा और मैंने आपको बोला कि बेटा सुनो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ बिकॉज दिस एग्जाम्पल इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड तो मैंने आपको कॉल किया और मैंने बोला बेटा मेरी बात सुनो मैं आपके घर आ रही हूँ अब आप अपनी मम्मी के पास गए तैयारी करवाने और आपने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी तान्या ना हमारे घर आ रही है तो यहाँ पर आपने क्या करा मैं आपके घर आ रही हूँ को क्या बोल दिया तान्या मैम हमारे घर आ रही है या वो हमारे घर आ रही है राइट ये हो गया एक तरीका दूसरा तरीका ये भी है कि कि आप डिट्टो मेरे वर्ड्स को कॉपी कर दो जाके जैसे अगर मैंने बोला कि बेटा मैं आपके घर आ रही हूं आप अपनी मम्मी पे गए और बोला मम्मी तान्या मैम ने बोला बेटा मैं आपके घर आ रही हूँ तो यहाँ पर आपने क्या करा मेरी ही बात को बेसिकली कॉपी कर दिया मेरी ही बात को डिट्टो लिख दिया मेरी ही बात को एज इट इज चेप आए समझ में आया तो एक तो होता है चेपना और एक होता है अपनी भाषा में बोलना ये दो चीजें होती हैं चेपने को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच अपनी भाषा को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कोई डाउट इतना समझ में आया एक एक स्लाइड पे फटाफट -फड़ बताते जाना अगर दिमाग में बैठ रहा है तो आगे बढ़ेंगे ठीक है ठीक है ना इतनी तो बेसिक सी बात है अब देखो हुबा हु यानी कि किसी भी चीज को चेप देना किसी भी चीज को हुबा हु बहू बोल देना उसको डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन को हमेशा हम कॉमा के अंदर बंद करते हैं कॉमा के अंदर बंद क्यों करते हैं इनवर्टेड कौमा जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर बंद क्यों करते हैं क्योंकि वो दिखाता है वो दर्शाता है कि ये हमारे वर्ड्स नहीं है ये किसी और के कहे गए वर्ड्स हैं ठीक है जैसे कि अगर मैं किसी फेमस पोएट की कोई बात बोलूं तो मैं लिखूं तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगी राइट आप अगर कोई भी कोट लिखते हो आर्टिकल में पेपर में आपके आर्टिकल आया था हिंदी वाले पेपर में है ना या फिर आप कुछ भी लिखते हो एडवर्टीज में कोई कोट लिखते हो तो आप उसको कॉमा में क्यों बंद करते हो क्योंकि वो किसी और की कही गई बात है राइट right. तो जब भी आप किसी बात को हु बहु लिखते हैं जब भी आप किसी बात को चेपते हैं तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं इस बात को याद रखना है ठीक है यानी कि डायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल ये तो अलग बात हो गई अभी से हटा दो उसने मुझसे बोला अलग बात है जयपुर तो इसको inverted comma में बंद किया जैसे अगर मेरा मैं आपके घर आ रही हूं, तो आप मेरा तो तो अलग हो गई मैं आपके घर आ रही हूँ तो वो मेरी एग्जैक्ट बात कहा हो जाएगी इनवर्टेड कॉमा में हो जाएगी समझ में आया क्लियर तो ये तो हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है जब हम किसी की कही गई बात को अपने शब्दों में बोल देते हैं हम किसी और की कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त कर देते हैं अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर देते हैं कि तानिया मैम ने बोला कि वो हमारे घर आ रही है बात का मीनिंग सेम रहता है ठीक है बट पर्सन चेंज हो गया जैसे कि वो हमारे घर आ रही है मैं तुम्हारे से क्या हो गया वो हमारे तो यहाँ पर इस तरीके से जब बात चेंज हो जाए और मीनिंग उसका एक समान रहे तब हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन सो आई होप इतना आपको क्लियर है अब आप ये मान लीजिए कि एक मोहल्ला है और मोहल्ले में दो फैमिलीज है एक है डायरेक्ट एक है इनडायरेक्ट इतना क्लियर है एक बार यार स्पैम कर दो अगर इतना क्लियर है तो फिर हम इन फैमिली के अंदर घुसेंगे क्योंकि और अंदर घुसने के लिए हमें पहले बाहर से पता होना चाहिए कि हाँ दो फैमिलीज में क्या है ठीक है तो आई होप इतना आपको पता चल गया कि एक मोहल्ला है जिसका नाम है नरेशन आप ऐसे करके अपना फ्लो चार्ट भी बना सकते हो इफ यू आर स्मार्ट इनफ तो आप बना लो नरेशन मैम ने एक मोहल्ला हो गया नरेशन उसमें दो फैमिली रहती है जैसे भाभी जी घर पर है मैं दो फैमिलीज है ना है ना मैं तो अब बहुत टाइम से मैंने देखा भी नहीं है एक तो मिश्रा जी की है मेरे ख्याल से और एक सामने विभूति की है राइट तो डायरेक्ट नरेशन और आप एक को बोल दो इनडायरेक्ट नरेशन ठीक है ये दो फैमिलीज है अब हम क्या कर रहे हैं अब हम इनकी फैमिली मेंबर से मिलेंगे ठीक है जैसे मिश्रा जी की फैमिली में भाभी जी है और है तो विभूति के में भी भाभी उन्हें गोरी मैडम बोला जाता है, है right. तो यहां पर तारक मेहता का ले लो, एक सोसाइटी गोकुल तो वो हो गया नरेशन। अब उनमें दो मेन मेन फैमिली की अगर हम बात करें तो एक तो हो गई जेठालाल की फैमिली एक हो गई मेहता साहब ठीक है तो यहाँ पर ये दो फैमिली अब हम इनके सदस्यों से मिलेंगे जैसे जेठालाल की फैमिली में टप्पू है दया है तो इनके सदस्यों से हम लोग मिलने वाले हैं सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट नरेशन की जो फैमिली है इसके सदस्यों से मिल लेते हैं ठीक है थीके? अब इसमें क्या होता है दो पार्ट होते हैं एक होता है बेटा आपका रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच समझ में आया अब ये होता क्या इसको समझो तो ये दो फैमिली मेंबर्स हैं इनके अंदर रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड अब जो रिपोर्टिंग है ये क्या होता है मान लो आपके घर के बाहर कोई आया है तो वट इज द फर्स्ट स्टेप ही और शी इज डू वो बेल बजाएगा बेल बजाएगा ना मान लो मैं आपके घर आई हूं मैं क्या करूंगी मैं बेल बजाऊंगी टिंग टोंग मतलब टिंग टोंग इंडिकेट्स के कोई बाहर है तो वैसे ही रिपोर्टिंग मतलब क्या है कि कोई बाहर है ठीक है सो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो गया इनवर्टेड कॉमा से जो बाहर वाली बात है उसको रिपोर्टिंग बोलते हैं और इनवर्टेड कॉमा के जो अंदर वाली बात है उसे रिपोर्टेड बोलते हैं इतना समझ में आ गया इतना समझ में आ गया ना कि जो भी आपकी इन्वर्टेड कॉमा से जैसे कि आपको मैं पीछे अगर एग्जाम्पल दिखाऊं ये वाला एग्जाम्पल देखो इन्वर्टेड कॉमा से जितनी भी ये बाहर वाली बात है ये हो गई रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली जितनी भी बात है वो हो गई रिपोर्टेड स्पीच ये बेसिक टर्म समझना जरूरी है तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे पेपर में वरना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे गोटेड सो आई होप कि इतना आपको क्लियर है जो बच्चा अच्छे से समझ रहा है इससे ज्यादा आसान तरीका मैंने किसी को नहीं देखा है ठीक है तो अब इसके पार्ट को समझो पार्ट को समझो मतलब मैं बताती हूँ देखो ये वाला सेंटेंस सबको दिखाई दे रहा है एक बार्फर्म कर दो मेरे को रागिनी सेट टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर ये वाला सेंटेंस सबको दिखाई दे रहा है येस और नो क्लियर है कोई ब्लरीनेस कुछ नहीं सबका ध्यान इस सेंटेंस इस पे होना चाहिए क्या सबका ध्यान इस सेंटेंस पे है एक बारी जल्दी बता दो भाई अगर सबका ध्यान इस सेंटेंस पे है तो फटाफट ऑल राइट ठीक है ओके तो अब आप अब आप ये देखो अगर मैं बोलू रिपोर्टिंग स्पीच तो आप समझ जाओगे ना कि अरे मैडम तो इनवर्टेड कॉमा से बाहर ये इधर का जो इधर का सेंटेंस है उसकी बात कर रही है और अगर मैं बोलू रिपोर्टेड स्पीच तो आप समझ जाओगे कि मैडम इस वाले के यहाँ की बात कर रही है अब बारी बारी से समझते हैं पहले रिपोर्टिंग स्पीच में अगर मैं बोलू बेटा आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है रिपोर्टिंग बोल दिया दिमाग में आ जाने चाहिए बाहर वाला सब्जेक्ट की बात हो रही है मतलब राग ही नहीं हो गया रिपोर्टिंग सब्जेक्ट अगर मैं बोलू बेटा आपका रिपोर्टेड सब्जेक्ट कौन सा है तो अंदर वाले की बात हो रही है मैम आई हो गया मेरा रिपोर्टेड सब्जेक्ट बेसिक है समझ में आया ऐसे में बोलू बेटा रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है तेरा तो समझ जाओ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो है सेड ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है और मैं बोलू बेटा तेरा रिपोर्टेड वर्ब कौन सा है तो समझ जाओ बेटा अंदर वाले की ये जो है आई एम गोइंग ये आपका रिपोर्टेड वर्ब है ऐसे में आपको बोलू बेटा तेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है तो समझ जाओ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ये जो मी लिखा है ये आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है ऐसे में बोलू तेरा रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा है तो ये है समझ में आ गया तो बेसिकली तीन चीजें हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो बाहर है वो आपके सारे रिपोर्टिंग हो गए जो अंदर है वो आपके सारे रिपोर्टेड हो गए अब जब भी मैं आगे आपको बोलू कि कि अरे ये तो तो के के अनुसार होगा तो समझ जाना कि रिपोर्टिंग मतलब बाहर वाली वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट मतलब मैम इसकी बात कर रही है इतना समझ जाओगे ना इसमें तो कोई डाउट नहीं है ये बेसिक टर्म है जो मैं आपको समझा रही हूं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी डाउट होगा ठीक है अब जैसे कि मैं आपको एक और ये वाला सेंटेंस दिखा देती हूं देखिए देखिए ध्यान से सुनिए सचिन से लवी, I shall go to college tomorrow. अगर मैं आपको इस सेंटेंस में बोलती हूं आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है मुझे फटाफट -फड़ बता सकते हो क्या आप लोग क्या आप लोग मुझे फटाफट -फड़ बता सकते हो कि आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है जल्दी बताइए मुझे जल्दी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है मैं ये पूछ रही हूं री yes, गुड तो यहां पर रिपोर्टिंग आ गया मतलब ये बाहर वाले की बात हो रही है ऑब्जेक्ट मतलब लवी अब अगर मैं बोलू रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है तो रिपोर्टिंग मतलब बाहर वाले की बात हो रही है सब्जेक्ट मतलब सचिन रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है सेड सिमिलरली रिपोर्टेड अगर मैं पूछू रिपोर्टेड सब्जेक्ट कौन सा है आई रिपोर्टेड वर्ब कौन सी है शैल गो रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा है ये रहा तो आई होप कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड में आपको कोई भी डाउट नहीं है समझ में आया चलिए अब नेक्स्ट आ जाओ अब ये कुछ रूल्स हैं अगर आपको इतना समझ में आ गया तो खुद को बोल दो कि भाई तेरे को 30 प्रतिशत नरेशन आ गया नेक्स्ट जो आपका थर्टी 40 प्रतिशत नरेशन है वो आपको अब आएगा रूल्स से मैं रूल्स शुरू करने से पहले पहले ही मैं आपको बता देती हूँ आपको बीच रूल्स में ऐसा लग सकता है कि अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा बट वो एक ऐसा मोमेंट होगा जो आपको होल्ड कर लेना है अगर आप वहां पर बैठे रहे तो आप बिल्कुल उससे पांच मिनट बाद देखोगे कि, कि आपको सब समझ में आ रहा है जब हम रूल्स को अप्लाई करेंगे तो इन रूल्स को प्लीज शॉर्ट करके अपने एक पेपर पे लिख लो इट वुड बी इजी फॉर यू देखो तो यहाँ पे रूल नंबर वन ये है जब भी आपके पेपर में आता है डायरेक्ट स्पीच आपको इनडायरेक्ट करना पड़ता है ठीक है पेपर में आता है क्या कि आपको इनडायरेक्ट करना पड़ता है आपको करना क्या है अब इसके लिए आपको सबसे पहले इनवर्टेड कॉमा हटा देने ठीक है।, है ये कुछ चीजें आप याद रखो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करोगे आपके इनवर्टेड कॉमा हट जाएंगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है अब मान लो कोई भी क्वेश्चन आ रखा है आप उसका टेंस देखोगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल मान लो यही वाली हमारी लाइन है इसको मैं मिटा देती हूँ एक बार आपको क्या करना है बेटा आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है क्या बोला मैम ने मैम बोल रही है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब अभी अभी समझा कर हटी हूँ कि इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर वाली वर्ब है उसका टेंस मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर तो सेड है तो आप हर क्वेश्चन में पहले इसका टेंस देखोगे अगर बेटा इसका टेंस प्रेजेंट है या इसका टेंस फ्यूचर है तो आप अंदर वाले टेंस को चेंज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट में करते समय ठीक है अगर अगर इसका टेंस पास्ट है फिर आप अंदर वाले टेंस को चेंज करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी अभी के लिए आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि रूल नंबर वन है जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे आप अपने इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे रूल नंबर टू ये बोलता है कि अगर क्या बोलता है रूल नंबर टू रूल नंबर टू ये बोल रहा है कि भाई अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि बाहर वाला वर्ब का टेंस तेरा प्रेजेंट है या फ्यूचर है मान ले खाली से लिखा है खाली विल से लिखा है है ना प्रेजेंट या फ्यूचर है तो तू क्या करेगा अंदर वाले टेंस को चेंज नहीं करेगा ये जिस टेंस में लिखा है तू उसी टेंस में नीचे लिखेगा पर अगर तेरा ये वाला जो है वो पास्ट में है फिर तू अंदर वाले टेंस को भी चेंज करेगा इतना सभी को समझ में आया यहां तक सारा लप्पू सी बात थी इतना सभी को समझ में आई कैन आई गेट मैम इन आई है सो आई होप इतना आपको क्लियर है अब अगर अगर आपके पास्ट में है ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपको आना चाहिए अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब माने बाहर वाली वर्ब अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना अभी गिव अप कर दिया तो पूरा नरेशन की रिद्धि हो जाएगी ठीक है सो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आप अंदर वाले टेंस को चेंज करोगे अब आप मुझे एक बात बताओ किसी को चेंज करने के लिए पहले पता होना चाहिए वो बंदा कैसा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ मान लो ये आप हो ये आपका दोस्त है ये उसकी मम्मी है ठीक है अब आपके दोस्त की मम्मी उसे खदीड़ते हुए आपके पास लेकर आ रही है ठीक है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पकड़ते हुए लेकर आ रही है आपके पास और बोल रही है अरे बेटा इसको सिखाइए इसको चेंज करिए इसको बनाइए अपनी तरह ठीक है अब यहाँ पर ये क्या कर रही है मान लो ये सीमा आंटी है सीमा आंटी अपने बेटे रोहित को लेकर आपके पास आ रही है और बोल रही है सीमा आंटी कि बेटा इसको मैं जान से मार दूंगी इसको प्लीज इसको प्लीज सुधारो बेटा इसको प्लीज चेंज करो अब आपका क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन होगा आंटी चेंज करने से पहले पता तो होना चाहिए ये बंदा चीज क्या है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं ये चीज क्या है तो मेरा यहाँ पर पॉइंट क्या है कि आपको किसी भी चीज को चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है ठीक है समझ में आई इतनी बात सभी को ठीक है कहीं आप वादा कर दो सीमा आंटी से मैं मैं इसको चेंज कर दूंगा आप कर ना पाओ आंटी आपको भी खदीड़े बे मतलब में उसका कोई पॉइंट नहीं है ठीक है वो आपको भी दो रेप्टे मारे इसका कोई पॉइंट नहीं है तो आपको करना क्या है आपको यहाँ पर पहले पता लगाना है कि आपका दोस्त चीज क्या है तो आप बोलो आज तक नासा वाले पता नहीं लगा पा रहे कि ये चीज़ क्या है तो आंटी मैं कहाँ से लगा लूंगा तो यहाँ पर सौ बात की एक बात वट एम ट्राइंग टू से वट एम ट्राइंग टू इज टेंस चेंज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको सेम सेंटेंस पे लेकर जाती हूँ अब मान लीजिए बट टेंस चेंज करने के लिए हमें खुद को भी पता होना चाहिए कि अंदर टेंस है कौन सा जब हमें पहले यही नहीं पता कि टेंस है कौन सा तो हम उसे चेंज किसमें करेंगे राइट right? तो यहां पर आपको टेंस की पहचान होनी जरूरी है ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ जो मैंने अभी टेंसेस सीखा है पहचान होनी जरूरी है अगर आप पहचान लेते हैं कि भाई अंदर तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो आपको उसे पास्ट इंडेफिनेट में बदल देना है अब इसमें कंफ्यूज होने वाली जरूरत वही नहीं, नहीं है बहुत ही सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में बदलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो ये तो बहुत ही सिंपल था है ना प्रेजेंट टेंस का तो स्यापा खत्म अब आते पास में अब भाई इसको तो हमने इसमें बदल दिया वन को तो टू में बदल दिया अब जो टू वाले हैं उन्हें किस में बदले उन्हें अपने आप में ही बदलेंगे वो अपने आप में ही बदल रहे हैं तो जो पास्ट इन डेफिनेट है वो पास्ट परफेक्ट में बदल रहा है तीसरे नंबर वाले से पास्ट क्वान्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल रहा है समझ में आया तो इन दोनों ने क्या करा इन दोनों में बदल लिए अब ये ऐसे दो टेंस हैं जिनको हम चेंज नहीं करते चाहे इनका रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में ही क्यों ना हो कोई भी चेंज नहीं होता पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में समझ में आई इसको बात समझ में आया इसको एम आई क्लियर एक बार यार जल्दी से बता दो प्लीज क्या ये बात क्लियर है ना ठीक है तो ये दोनों ऐसे टेंस हैं जिसको आप अपने दिमाग में बिठा लो पास परफेक्ट पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसको मेरी जान आपको किसी में चेंज नहीं करना नो चेंज ऑफ टेंस इवन इफ यूर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास टेंस आप इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे क्लियर तो ये आपको बिल्कुल घोल के पी लेना है और मुझे लगता है अगर कोई भी बच्चा इसमें दो मिनट अपना दिमाग लगा रहा है तो ऑलरेडी घुला घुलाया है इसको पीना ही है बस ठीक है इनडेफिनेट मतलब सिंपल अभी पढ़ के आए ना सिंपल टेंस तो सिंपल और इनडेफिनेट इज द सेम थिंग डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड ठीक है इनडेफिनेट हो सिंपल हो इट इज द सेम थिंग ओके आपको कंफ्यूज होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है ठीक है जी चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर फ्यूचर की कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है विल और शैल अगर आपका डायरेक्ट में है ना तो इनडायरेक्ट में वुड और शुड में बदलता है अभी जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगी मैं बार बार बोल रही हूँ एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो क्लास नहीं होगी ठीक है So, यहाँ पर फ्यूचर में देखो क्या करना है विल और शैल होगा उसको वुड और शुड में बदल देना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर कैन है तो वो आपका कुड में बदल जाएगा बेटा अगर है बेटा तो वो आपका आपका वुड शुड कुड माइट इनमें से कुछ भी लगा हुआ है तो आप कुछ चेंज नहीं करेंगे नो चेंज ऑफ टेंस ठीक है नो चेंज नो चेंज नथिंग कु शुड वुड माइट को आप बिल्कुल भी नीचे नहीं लाओगे आपको नीचे उसे चेंज नहीं करना क्लियर एवरी वन हाँ तो इस चीज को ये कुछ रूल्स है जिन्हें आप अभी अपने दिमाग में बिठाओ क्योंकि रूल्स के बाद ही मैं क्वेश्चन इंप्लाई करना सिखाऊंगी ना मैंने रूल्स के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अभी आपको ऐसा लगेगा कि आपको नहीं आता बट आपको तब होल्ड ऑन करके रखना है रूल्स को लिखते जाओ ये इस भरोसे पे रहो कि मैम अभी एक एक क्वेश्चन कराएगी तो हमें आएगा ठीक है चलो तो अगर इतना समझ में आ गया तो अब पर्सन का बदलना सीखो अब मैंने जब बोला था कि मैं आपके घर आ रही हूं तो आपने मैं को किसमें बदल दिया था वो हमारे घर आ रही है ना समझ में आया तो यहां पर इसको कैसे बदलते हैं इसका भी एक हैक है एक रूल है जो मैं आपको सिखा रही हूँ देखो जो भी फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन क्या होता है मैं आई वी पढ़ा था ना हिंदी में प्रथम पुरुष राइट right, तो यहाँ पर आई और वी जो है वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं अब मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बाहर वाली वर्ब उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? अभी हम देखेंगे अभी के लिए आप सिर्फ इसे चेप लो टेप लो अभी अभी हम आगे जब जाएंगे एक दो मिनट बाद तो हम देखेंगे कि कैसे बदलता है ठीक है सो so, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सेकेंड पर्सन है मान लीजिए यू है तो वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में कोई भी change नहीं आएगा ये तीन चीजें आप लिख लो बाकी नहीं लगेगा। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहां पर दे भी दिया है कि भाई ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ही सब एक ही सेंटेंस में आप यूज कर रहे हो तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है कहने का क्या मतलब है ही, तो तो ही के साथ हिज आएगा ही के साथ हर नहीं आ सकता राइट शी के साथ हर आएगा दे के साथ देर आएगा यू के साथ यू आर आएगा वी के साथ आर आएगा और आई के साथ माए आएगा ये तो सबको पता है ना राइट ऐसे बोलते हैं ना आई एम ईटिंग माई फूड आई एम ईटिंग मी फूड तो नहीं होता आई एम ईटिंग आई फूड तो नहीं होता आई एम ईटिंग माई फूड होता है तो ये तो सबको पता है ना कि ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग क्या लगाते हैं तो ये बेसिक चीज बेसिक सी चीज भी मैंने लिख दी है अब यहां पे आप लोग लास्ट रूल पे आ जाओ बस लास्ट एक चीज अपने दिमाग में रख लो उसके बाद में आपको इसे इंप्लीमेंट करना बताऊंगी अगर आपने ये दिमाग में रख लिया मतलब आपको एट्टी फाइव प्रतिशत नरेशन आ गया अगर आपने ये भी दिमाग में रख लिया मतलब आपको एट्टी फाइव परसेंट ऑफ द नरेशन इज क्लियर बट अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार मुझे फायर इमोजी दे दो इन द कॉमेंट सेक्शन के यस yes, मैम यहां तक अपने को क्लियर है जल्दी जल्दी यार मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ग्रामर में तुम्हारे अंदर कोई जोश ही नहीं है ग्रामर में कोई जोश नहीं है क्या अंदर नहीं करना है ग्रामर है मेरी जान ग्रामर नहीं करना छुड़ा दू रह दू ग्रामर करना है ना तो फिर अगर आप एक बात बताओ अगर हम यहां तक आके क्लास छोड़ छोड़ के भागेंगे तो कैसे होगा ग्रामर कैसे होगा ग्रामर आपको मन लगाना पड़ेगा मन लगाओगे तभी कोई चीज हो पाएगी अगर हम बार बार क्लास छोड़ेंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी ठीक है चीजें नहीं हो पाएंगी फिर यहां पर ध्यान दो एक बारी अभी अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे देखो अब एक लास्ट चीज अपने दिमाग में बिठाओ अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला वर्ब अगर से है Says है, will है से तो तो वो नीचे भी में सेम ही रहेगा बट अगर बेटा इनके साथ two लगा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान दो अगर बेटा इनके साथ two लगा हुआ है मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ टू अच्छा, तो है, तो है तो टेल में बदलेगा सेड के साथ टू है तो टोल तो ये आपको छोटी सी चीज याद रखनी है ठीक है अगर इनके साथ टू लगा है तो ये टी फैमिली में बदल जाएंगे अगर नहीं लगाए तो नहीं बदलेंगे अब मैं सीधा आपका दिमाग लगाऊंगी यहां पर आप लोग मुझे अब बताना कि समझ में आया है कि नहीं ठीक है अभी बताना देखो मान लो पेपर में लिखा है ठीक है मान लो ये क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है अब आपको इसे इनडायरेक्ट में करना है अब आपको कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगी एंड आप लोग मुझे बताओगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं देखो सबसे पहले ही की जगह ही आ गया सेज की जगह आगे कोई टू नहीं लगाना तो खाली सेज लग गया इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया उसकी जगह पे दाट लगा दिया इतना तो क्लियर है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला प्रोसेस मेरे ख्याल से सबको क्लियर है राइट के भाई इतना तो हो गया अब देखो आई एम गोइंग टू जयपुर को हमें कन्वर्ट करना है तो आई मेरा क्या है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यही रूल बताया है रिपोर्टिंग वर्ब है ये बाहर वाली वर्ब इसका सब्जेक्ट क्या है ही तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया ही अभी समझ में आया अभी लॉजिक बैठा फिर से सुनो एक बारी फिर से सुनो एक बारी मैंने क्या बोला था कि जो मेरा फर्स्ट परसन है जैसे कि आई है वो फर्स्ट पर्सन है राइट मैंने बोला कि वो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इनवर्टेड कॉमा से जो बाहर वाला मेरा वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तेरे को चेंज करना है राइट right, तो बाहर वाला वर्ब तो ये रहा इसका जो सब्जेक्ट है वो है ही तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया ही अभी दिमाग में बैठा वेल एंड गुड अब देख आगे यहां पर अब तेरे को देखना है कि जो तेरा ये है ना रिपोर्टिंग वर्ब इसका टेंस क्या है एक बार सारे बच्चे मुझे कॉमेंट कर दो कि इसका टेंस क्या है जल्दी जल्दी सारे बच्चे कॉमेंट करो रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेस उसका टेंस क्या है ये मुझे जानना है आपके रिपोर्टिंग वर्ब का बेटा टेंस क्या है ये मुझे जानना है ऑल राइट ठीक है ठीक है हाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है मतलब हम इसके अंदर के टेंस को चेंज नहीं करेंगे बेटा है ना प्रेजेंट है तो मतलब ये जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस है उसका नो चेंज होगा अब नो चेंज के लिए भी एक चीज तो मैंडेटरी है कि टेंस है कौन सा क्योंकि अगर हमें सेम टेंस भी नीचे लगाना है तो हमें टेंस की तो पहचान होनी चाहिए तो आप लोग मुझे फटाफट -फड़ से ये बताएंगे कि ये टेंस कौन सा है जल्दी बताओ आई एम गोइंग टू जयपुर ये मेरा कौन सा टेंस है ये आपको बताना है जल्दी-जल्दी बताओ आई एम गोइंग टू जयपुर

आई के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एम आता है ही के साथ ही इज आता है ही इज बाकी पूरा सेम गोइंग टू जयपुर समझ में आया रूल समझ में आया एक और एक और करते हैं एक और करते हैं पूरा समझ में आ जाएगा अब यहाँ पे मेरे साथ-साथ करने की कोशिश करो शी सेज टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर टू हिम ठीक है मेरे साथ-साथ करने की कोशिश करो देखो सबसे पहले तो शी का शी उतार दिया नीचे अब सेज के साथ टू है तो अगर अभी अभी मैंने आपको अगर आपने रूल फॉलो किया तो मैंने आपको क्या बताया अगर आपका सेल्स के साथ टू है तो वो किस में बदलेगा टेल्स में बदलेगा राइट right? किस में बदलेगा टेल्स में बदलेगा टी ई डबल एल एस टेल्स में बदलेगा सो so, यहाँ पे मैंने क्या करा सेल्स टू को किस में बदल दिया टेल्स में अब जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो मैंने लगा दिया She tells me inverted comma हटा that आ गया इतना हमारा sorted है इतना हमारा sorted है अब हमने क्या करा यू मेरा क्या है सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन को मैंने क्या बोला था रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे। यही बोला था तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर जल्दी बताओ मेरा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको बताना है जल्दी जल्दी बताओ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है मेरा नहीं दिख रहा मुझे कोई बताते हुए नहीं दिख रहा Yes, me है। तो अब अगर मैं मी को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाऊंगी तो क्या मैं मी लिख दूंगी है क्या बोलूंगी मैं इसको मी एम गोइंग कभी देखा स्टार्टिंग में मी लगते हुए क्या लगाऊंगी मैं अगर मुझे स्टार्टिंग में कोई सेंटेंस शुरू करना है आई है ना आई लगाऊंगी सो so, यहां पर क्या हो जाएगा शी टेल्स मी दैट आई

अभी समझ में आ रहा है अगर इतना समझ में आ रहा है तो मुझे यस मैम बोल दो प्लीज मुझे भी लगेगा हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है इतना समझ में आया कि रूल्स आपको कैसे अप्लाई करने हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है कैसे उसका टेंस देखना होता है ये तो आई होप सबको समझ में आया होगा कैसे आपको पर्सन को चेंज करना है कैसे आपको नहीं करना है राइट right? ओके okay. अभी यहां पर देखो पास्ट पास्ट में देखने से पहले ये एक चार्ट है जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मैं आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगी आपको इसको याद करना है और ये बहुत ही आसान है दिस दैट में बदलेगा दीज में बदलेगा वैसे वाला ये चार्ट है ठीक तो है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको टिक कर देती हूँ वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है बट दीस दिस दीज हेयर आपको पता होना चाहिए नाउ देन में बदलता है अगो बिफोर में दस सो so, में टूडे दैट डे में टुमारो नेक्स्ट डे में येस्टरडे प्रीवियस डे में ये कुछ चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए ठीक है

i am watching tv मान लो यह वाला आपके पास एग्जांपल है जिसमें क्या बोला जा रहा है कि राम सेड टू शाम i am watching tv राम ने शाम को क्या बोला कि मैं टीवी देख रहा हूं ठीक है अब सबसे पहले आपका काम क्या है राम की जगह राम लिख दिया अब सेड के आगे टू है तो वो किस में बदलेगा अगर सेड के आगे टू लगाए अगर टू लगता है तो टोल्ड टी फैमिली में बदलता है तो टोल्ड हो गया शाम का शाम लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट लिख दिया इतना तो भाई हो गया अब हमें देखना है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है अब यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है 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 कि ये ये जो सेड है, ये मेरा पास्ट में है। अब पास्ट में में अब होने के बाद मेरे पास दो काम है एक तो मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले टेंस को पहचानूं और उस दूसरा उसे चेंज करूं अब ये मेरे पास है एम वॉचिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस अब आप अपना चार्ट देखो हमें किस में बदलना है पास्ट कॉन्टिन्यूस में राइट प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में आपको बदल देना है यानी कि हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है सो राम टोल्ड श्याम दैट अब आई मेरा फर्स्ट पर्सन है अभी अभी मैंने बताया किसके अकॉर्डिंग बदलोगे बाहर वाले की तरफ सब्जेक्ट की तरफ तो राम के लिए ही लगाओगे तो ही आ गया ही सिंगुलर है तो पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लग गई बॉस ही वाज वाचिंग टीवी समझ में आया कैसे करना है कोई डाउट क्या ये समझ में आया बेटा कैसे करना है प्लीज मुझे बता दो एक बार मुझे लगता तो नहीं है कि कोई डाउट होना चाहिए बट स्टिल आई एम आस्किंग ठीक है क्लियर है ओके वेरी गुड तो ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अब अगर आपको जितना मैंने पढ़ाया है ना अगर उतना आपको क्लियर है तो आप लोग बेफिकर होके नरेशन के क्वेश्चंस को कर पाओगे 90 आपको नरेशन आ गया जो 10 परसेंट बचा हुआ है ना वो मैं अब आपको कराने जा रही हूँ रूल्स आपको सारे आ गए हैं रूल्स को आप लोग बार बार पढ़ो रूल्स आपको सब आ गया है अब उन रूल्स को कैसे आप अलग जगह पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो ये मैं आपको बताने वाली हूँ तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनना ठीक है सबसे पहले लिखा है माई फ्रेंड सेड आई एम एन अर्ली राइजर ठीक है तो यहां पर बेसिकली बात क्या हो रही है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच मतलब अंदर वाला इनवर्टेड कॉमा के अंदर अगर बेटा आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी जनरल लेवल पे बात हो रही है कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है कोई भी फैक्ट बोला जा रहा है ठीक है कोई भी कहावत बोली जा रही है कोई भी ऐतिहासिक घटना बोली जा रही है तो उसका आप टेंस चेंज नहीं करो ठीक है मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कॉन्वर्जेशन टाइप क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ा शांति रखो मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि अगर जनरल ट्रूथ है यूनिवर्सल लेवल पे ट्रूथ है हैबिचुअल लेवल पे ट्रूथ है कोई कहावत बोली जा रही है कोई ऐतिहासिक घटना हो रही है हम इसका टेंस चेंज नहीं करते अब यहाँ पर देखो माई फ्रेंड सेड आई एम एन अर्ली राइजर ये क्या है ये उसकी एक हैबिट हैबिचुअल हैबीचुअल ट्रूथ है राइट right? कि भाई वो जल्दी सुबह रोज उठता है तो हम इसका टेंस नहीं बदल सकते डिस्पाइट कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है तो आपको इन सेंटेंसेस से चौकन्ना रहना है सतर्क रहना है ठीक है क्राइम पेट्रोल ठीक है तो आपको क्या रहना है बिल्कुल सतर्क रहना है चौकन्ना रहना है बच्चों कि अगर यहां पर माय फ्रेंड सेड आई एम एन अर्ली राइजर लिखा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि भाई यहां पर तो कोई habitual truth की बात हो रही है मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा रिपोर्टिंग में, में, so, पर्सन का भी चेंजेस होगा सो माय फ्रेंड सेड दैट आई हटाया माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग लगाया ही या शी भी लगा सकते हो सो माय फ्रेंड सेड दैट ही इज एन अर्ली राइजर तो हमने टेंस को चेंज नहीं करा वैसे ही फादर सेड मैन इज द ओनली एनिमल दैट कुछ इसमें क्या आई तो एक यूनिवर्सल लेवल पे सच्चाई है, you know, है, है जो अपना खाना खुद बना सकता है ओनली एनिमल दैट कुकूड बाकी पूरा डिटो सेम कुछ भी चेंज नहीं करा हमने क्यों क्योंकि इसमें कोई फैक्ट बात थी कोई सच्चाई थी तो उसका हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे क्लियर तो आई होप इतना क्लियर हो गया जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कोई प्रोवर्ब है तो इसका हमने टेंस चेंज नहीं करा ऐसी अर्थ मूव्स अराउंड द सन कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसका टेंस हमने चेंज नहीं करा यहाँ पर अब एक चीज का आपको ध्यान देना है इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनेट है या फिर आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये आप चेंज नहीं करोगे अगर एक्शन सेम टाइम पर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलो जब तानिया मैम पढ़ा रही थी तब हम लिख रहे थे तो दो एक्शन सेम टाइम पर हो रहे हैं और पास्ट में हो रहे हैं तो ऐसी चीजों में ऐसी चीजों में आप लोग बिल्कुल भी टेंस को चेंज नहीं करोगे ठीक है जैसे कि यहां पर देखो वेन राम वॉज रीडिंग शाम वॉज राइटिंग दो एक्शन है दोनों ही पास्ट कॉन्टिन्यूस में है चेंज नहीं करने सो सरला सेट दैट व्हेन राम वाज रीडिंग शाम वाज राइटिंग बिल्कुल सेम रहेगा तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों जिनका आपको ध्यान रखना है अरे प्रैक्टिस कराऊंगी भाई पहले सुन तो लो इंटेटिव सेंटेंस सुन लिए आ गए लेट वाले सेंटेंस सुन लिए आ गए आ गए तो चलो प्रैक्टिस करा देती हूँ वही बात है बच्चों की आजकल आपकी पढ़ाई का तरीका बहुत गलत हो गया है आप लोगों को लगता है हर चीज दस दस मिनट में दस मिनट का टॉपिक भी तो होना चाहिए अगर खाली रूल्स करा के एग्जाम्पल कराने तो मैं करा देती बट लेट वाले वाक्य हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं पेपर में आ गया इंटेरोगेटिव कैसे करोगे पता ही नहीं है वॉट लगेगा इफ लगेगा वेदर लगेगा क्या करोगे क्या करोगे तब बताओ मेरे को तब चल जाएंगे शॉर्टकट सो यहाँ पे अगेन कोई हिस्टोरिकल इवेंट है जैसे अकबर डाइड इन सिक्सटीन ओ फाइव एडी ठीक है अगर कोई ऐसा इवेंट है जो कि हिस्टोरिकल है तो हम हिस्ट्री को तो चेंज नहीं कर सकते तो इसलिए आप इसका भी टेंस चेंज नहीं करोगे अब हम लोग आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे क्योंकि पेपर में अगर जब डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपके ये इंटेरोगेटिव भी आ सकते हैं कि उसने उससे सवाल पूछा अब इसको आप इनडायरेक्ट में करो तो इंटेरोगेटिव के लिए भी मैक्सिमम रूल सेम है दो चार चीजें हैं जो अलग हैं जिसका आपको ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी बट आपको पहले इसका ध्यान रखना है अब यहाँ पर देखो बात क्या हो रही है बोला गया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं एक तो वो जिनका आंसर आप यस नो में दे सकते हो और एक वो जिनका आप आंसर नहीं दे सकते हो राइट तो सबसे पहले जिनका आंसर आप यस नो से दे सकते हो जो ऑक्सिलरी वर्ब माने जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं अब उनके लिए ये ट्रिक है कि आप दैट की जगह ना इफ या वेदर लगाते हो नंबर वन पेपर में कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर करने के लिए आए तो आप दैट मत लगा कर आना अभी तक जब आप इन्वर्टेड कॉमा हटा रहे थे तो दैट लगा रहे थे ना अब आप इफ और वेदर लगाओगे एम आई क्लियर एम आई क्लियर गाइस ठीक है तो आप क्या लगाओगे इफ और वेदर लगाओगे दैट आप नहीं लगाओगे नंबर वन अब नंबर टू कभी भी आप इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव नहीं रहने दोगे इंटेरोगेटिव को आप सिंपल सेंटेंस में बदल दोगे में तो जो क्वेश्चन लगा है ना वो आगे चलकर हट जाएगा ठीक है वो आगे चलकर हट जाएगा अब देखो कैसे कैसे इफ और वेदर को आप इंटरचेंज करके लगा सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इफ जनरली लगता है कंडीशंस में

ये आप लोग लगाओगे समझ में आया ये आप लोग लगाओगे क्योंकि आप क्या कर रहे हो पूछ रहे हो बहुत सारे बच्चे सेड लिखाते हैं उनका वहीं पे पूरा का पूरा आंसर कट हो जाता है क्यों क्योंकि वो गलत कर रहे हैं तो आपको बेसिकली क्या करना है जब भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हो तो आप आस्क की, की जगह आस्क पूछोगे आस्क लगाओगे ठीक है बहुत बार आप लोग इनक्वायर या एनक्वायर भी लगा सकते हो तो अगर एमसीक्यू में आए और ये वर्ड यूज हो तो ये गलत नहीं है ये फॉर्मल के लिए यूज होता है कि भाई उसने इंक्वायरी करी और ये ई वाला इंक्वायर इनफॉर्मल के लिए यूज होता है कि जैसे मेरा फ्रेंड मेरी इंक्वायरी करने आ गया इसके साथ ऑफ जरूर आएगा इसका आपको ध्यान रखना है ही इंक्वायर्ड ऑफ मी ठीक है तो अब थोड़े क्वेश्चन देखते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो पेपर में लिखा है शी सेट टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है अब मैं क्या करूंगी वैसे तो नीचे लिखा है बट मैं आपको करके दिखा रही हूँ मैं करूंगी सबसे पहले शी सेड मेरा किस में बदल जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो मैं लगाऊंगी आस्क मी का मी अब इन्वर्टेड कॉमा हटा तो मैंने बोला दैट तो लगेगा नहीं इफ या वेदर लगेगा सो मैं या इफ भी लगा सकती हूँ वेदर भी सो शी आस्क मी वेदर इतना समझ में आया ठीक है सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है अब करना क्या है आगे अब आपने ये तो देख लिया कि ये आपका ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आप क्या करोगे आपको इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है तो आप लोग आप लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे फिर अपनी वर्ब लिखोगे राइट तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर यू यू आपका सेकेंड पर्सन है किसके अकॉर्डिंग बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी के अकॉर्डिंग तो यहां पे आ जाएगा आई शी आस्ट मी वेदर आई अब यहां पर मैं क्या लगाऊंगी प्रेजेंट को पास्ट कर दूंगी राइट यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना यहाँ पर मैं पास कर दूंगी सो वेदर आई वॉज गोइंग टू कॉलेज और आपका क्वेश्चन मार्क हट जाएगा तो सारे के सारे रूल्स आपके सेम रहेंगे आपको केवल ये ध्यान देना है कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पहली बात तो आप लोग आस्क लगाओगे दूसरा आप इफ या वेदर लगाओगे और तीसरा आप क्वेश्चन मार्क हटा दोगे क्लियर है इतना पंजाबी का पेपर वेंट ऑसम वेरी नाइस बहुत बढ़िया बच्चे बहुत बढ़िया बता दो भाई इतना क्लियर है कि नहीं ऑल ऑफ अ सडन मैं मेरे पिछले साल के बच्चों को मिस करने लग गई हूँ बहुत बढ़िया थे वो तुम भी बढ़िया हो बट वो ज्यादा बढ़िया थे हाँ जी क्लियर ओके okay. ठीक है चलिए अब यहां पे आगे बढ़ते हैं अब आपने बोला कि मैम आपने हेल्पिंग वर्ब का तो बता दिया अगर हेल्पिंग वर्ब से नहीं दिया हुआ क्वेश्चन क्वेश्चन अगर question सीधा what से how से हाउ पूछ रखा है तो तो उसका उसका क्या क्या करेंगे तो मैं बता देती हूं आपको उसका क्या करना है देखो अगर यस और नो में नहीं दिया है ठीक है आपका what से पूछा गया है तो आपके सारे रूल से मैं आपको केवल एक चीज का ध्यान देना है कि ना तो आप दैट लगाओगे इन्वर्टेड कॉमा हटा के ना आप इफ लगाओगे और ना ही आप वेदर लगाओगे तो मैम क्या लगाएंगे जो आपको क्वेश्चन वर्ड दे रखा है आप उसी को एज कंजंक्शन नीचे यूज करोगे ठीक है बेटा जो आपको क्वेश्चन वर्ड दे रखा है ना आप उसी को एज कंजंक्शन नीचे इस्तेमाल करेंगे गॉट इट जैसे कि ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट ठीक तो यहां पर ही सेड हटाकर आस्क्ड आ गया ही आस्क्ड हर अब यहां पे इनवर्टेड कॉमा हटा के कुछ नहीं लगाना व्हाट का व्हाट ही रखना है ये बोल रही हूं मैं बस बाकी सारे रूल सेम है

ठीक है ओके सो okay. so, यहां पर ये यह जितने भी ये जितने भी जितने भी आपने WH वर्ड्स देखे हैं ठीक है जितने भी ये क्वेश्चन वर्ड्स आप देख रहे हो उन्हीं को आप एज कंजंक्शंस नीचे इस्तेमाल करोगे दैट्स इट बाकी सारे के सारे रूल्स आपके सेम हैं बस यही दो बातों का ख्याल रखना है कि आपको क्वेश्चन मार्क हटा देना है इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रखना है आपको हमेशा उसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है ठीक है जो बच्चे नरेशन को पहली बार समझ रहे हैं मैं उनको यही एडवाइस करना चाहूंगी कि आप लोग वन गो में इतना करने से अच्छा है कि जहां तक मैंने रूल्स पढ़ाए हैं आप लोग पहले वहां तक समझो और उसके बाद आप ये आगे की इफ एंड बट समझो ठीक है सो आई होप कि ये आपको इतना क्लियर है अब एक लास्ट लास्ट चीज मैं बता रही हूँ फिर मैं आपको नरेशन के क्वेश्चन कराऊंगी कि इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे करना है इंपेरेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें आप कमांड दे रहे हो कि चल बाहर जा मतलब गेट आउट ठीक है या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर है ना या फिर आप क्या कर रहे हो एडवाइस दे रहे हो प्लीज या प्लीज तो नहीं लगेगा एडवाइस में टेक योर मेडिसन रेगुलरली ठीक है तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो रहा है कमांड हो रहा है सजेशन हो रहा है एडवाइस हो रहा है रिक्वेस्ट हो रहा है इन टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं समझ में आया अब इनको हमें करना क्या होता है मैं आपको बताती हूँ देखो सारे रूल इसमें सेम रहते हैं आपको बस भाव समझना पड़ता है भाव मतलब अगर मैं किसी को बोल रही हूँ तो प्लीज तो तो मेरे लिए ये काम कर दो तो क्या मैं ऑर्डर दे रही हूँ नहीं मैम आप रिक्वेस्ट कर रहे हो बस इसी चीज को आपको पेपर में समझना है बाकी सारे रूल्स आपके सेम हैं किसी भी रूल में कोई भी फर्क नहीं है बस एक और चीज याद रखनी है कि अगर यहाँ पर कोई भी प्लीज या काइंडली जैसा शब्द दिखे तो जैसे लोग आपको आप जब प्लीज बोलते हो तो वो नहीं सुनते वैसे ही आपको पेपर के अंदर प्लीज को नहीं सुनना आपको इग्नोर करना है प्लीज और काइंडली जैसे शब्द आपको इनडायरेक्ट में यूज नहीं करने है। ठीक है जैसे कि शी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग माय बुक तो क्या हो जाएगा वो रिक्वेस्ट कर रही है शी रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग हर बुक सारे रूल सेम है है ना सारे के सारे रूल सेम है बस आपको भाव पता करना है रिक्वेस्ट हो रहा है ऑर्डर हो रहा है एडवाइस हो रहा है क्या हो रहा है गॉट इट ऐसे ही देखो शी टू मी ग्लास ऑफ मिल्क शी मी टू है ग्लास ऑफ मिल्क सिमिलरली राम सेट टू सीता टेक मेडिसन्स रेगुलरली राम एडवाइज सीता टू टेक रेगुलरली आई सेट टू हरी डोंट प्लग द फ्लास्क जगह आएगा नॉट टू आई ऑर्डर द एस एच ओ टू शूट द रॉबर सो एवरीथिंग इज गो देखना है एडवाइस हो रहा है सजेशन हो रहा है रिक्वेस्ट हो रहा है क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है क्लियर गॉट एड Tag question अगर होंगे ना ऐसे तो उन्हें कर देना ये विल यू, वोंट यू, विल यू, इन सब को पीछे के करना इसे कभी भी हम लोग indirect में नहीं करते Got it? अब एकदम एकदम वाले sentences. बहुत बार पेपर में लेट वाले सेंटेंसेस भी आ जाते हैं इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी नरेशन का ठीक है आ, जो आपके कॉन्वर्जेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको अभी एकदम से नहीं कराऊंगी वो मैं आपको कराऊंगी कब शाम में अभी मैं आपको प्रैक्टिस और कॉन्वर्जेशन बेस में कुछ भी नहीं है जैसे मैं एमसीक्यू दे रही हूँ ना वैसे आप उनको समझ के ही आप कॉन्वर्जेशन में बना पाओगे ठीक है तो अभी क्योंकि मैंने पढ़ाया पढ़ाया एकदम ताजा ताजा है सो मैं अभी उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना चाहूंगी और उसके बाद में आपको आपके कॉन्वर्जेशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी डायरेक्ट करा दूंगी तो मेरा कुछ नहीं है मैं तो यहाँ पर बोल के चली जाऊंगी क्योंकि यहाँ मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही मैम नहीं आ रहा नहीं आ रहा मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगी बट द थिंग इज आपको नहीं आएगा ठीक है सो so, पर देखो शी सेट टू मी लेट अस गो टू मार्केट अब ध्यान देना इनको कैसे करते हैं इनको करने के दो तरीके हैं इनको करने के दो हैक हैं इनको करने के दो तरीके हैं मैं आपको बताती हूँ वो तरीके क्या हैं हैं वो हैक्स क्या शी टू टू मी लेट अस गो मार्केट ठीक है सो so, सबसे पहले तो आप देखोगे कि सजेशन हो रहा है या प्रपोजल हो रहा है यहां पर ना लेट वाले सेंटेंसेस में मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप नहीं तो सजेस्टेड लगाते हो नहीं तो प्रपोज लगाते हो ठीक है तो आप इन्हीं दोनों वर्ड्स को यूज करके अपना आंसर बना के आ सकते हो पेपर में भी क्लियर तो यहां पर शी सेट टू मी लेटर्स गो टू मार्केट का क्या हो जाएगा she suggested, सबसे पहले यहां पर लिख दो शी सजेस्टेड बाकी यहां से सेम टू मी लेट हटाओगे लेटर्स हटाओगे अब आप पे दो तरीके हैं पहली बात तो दोबारा से सुनो शी का शी लिखा said को हमने suggested में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि सजेशन हो रहा है शी सेड टू मी शी सजेस्टेड टू मी यहां तक सेम हो गया अब आप लेट अस को हटा के टू में भी कर सकते हो कन्वर्ट और लेट अस को हटाकर आप लोग वी शुड में भी कन्वर्ट कर सकते हो दैट वी शुड तो अब चॉइस आपका है आपको क्या लगाना है दोनों ही सही है ठीक है बेटा दोनों ही सही है चॉइस आपका है मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं She said to me, let us go to market. She suggested to me to go to market. She suggested to me that we should go to market. to तो नहीं to aap let us hata ke to laga do khali नहीं तो आप let us तो हटा के that we should लगा दो, दोनों ही सही है। ऐसे ही he said to me, let us purchase this house. So यहाँ पर हो जाएगा suggested भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। या he proposed to me टू परचेज दिस का दैट होगा टू परचेज दैट हाउस या फिर ही टू मी हटाया दैट दैट वी शुड परचेज हाउस दोनों ही सही क्लियर तो यहां पर आप लोग लेट अस हटाकर दैट वी शुड भी लगा सकते हो लेट अस हटाकर टू भी लगा सकते हो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है क्लियर है क्लियर है कि नहीं है जल्दी बताओ देखो मैं दोबारा बता रही हूं अगर आपने ये यहां तक दिमाग में रख लिया ना यहां तक तो मतलब आपका सारा काम हो गया ठीक है ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चार्ट में खाली टेंसेज है तो मतलब टेंसेज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको टेंसेज आता है मतलब आपको फिर ये भी आ गया इस पर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सैंपल पेपर की आज ही मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ आप दिक्कत मत लो सैंपल पेपर की क्लास खत्म होगी उसके एक डेढ़ घंटे बाद आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पे ठीक है हाँ जी सो आई होप कि इतना आपको क्लियर है अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर मैं आपको डिटर्मिन की मेन मेन चीजें बताकर क्लास को एंड कर दूंगी ठीक है और फिर शाम में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से कराऊंगी सात बजे तो कुछ इसके क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं सो so दैट uh, अपने को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई अपने को आता है कॉन्वर्जेशन टाइप क्वेश्चन भी है यहाँ पर ठीक है एक सेकेंड तो कॉन्वर्जेशन टाइप क्वेश्चन भी है जो आपके सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है तो पहले मैं आपको वही कराती हूँ देखो यहां पर आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन दिया है ठीक है अब इसको आप लोग कैसे करोगे इसको आप लोग कैसे करोगे पढ़ो इसको पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इसको पढ़ो पहले लिखा है नेहा बोल रही है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टूमोरो बस इतना ही पढ़ो अभी अब आप देखो आपको इसमें क्या क्या करना है सो so, नेहा टोल्ड नमिता इतना तो इन्होंने लिख दिया इसके बाद हम क्या लिखते हैं दैट अब हमें कहां तक करना है लुकिंग फॉरवर्ड से तो इसने कर रखा है यानी कि ये आई एम रियली को हमें करना है इनडायरेक्ट में तो आप लोग ट्राई करना चाहोगे कि यहाँ पर क्या आएगा क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे कि यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताओ एक बारी फर्स्ट पर्सन है तो वो नेहा के अकॉर्डिंग चेंज होगा राइट रियली अब आगे देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक अब टूमोरो किसमें बदल जाएगा टूमोरो किसमें बदल जाएगा यस द नेक्स्ट डे में राइट सो यहां पर होगा द नेक्स्ट डे इतना हमने कर लिया कर लिया अब आगे देखो नमिता क्या बोल रही है Yes, after a long time, तो इतना तो इन्होंने ही कर दिया कि नमिता agreed that after a long time we will be meeting our friends and teacher. Friends and teacher लिखा हुआ है मतलब अपने को केवल क्या करना है ये वाला We will be meeting our को हमें transform करना है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं We will be meeting our. तो we आपका क्या हो जाएगा अगेन दे अरे यार एक सेकेंड दे विल किस में बदल जाएगा वुड में दैट दे वुड बी मीटिंग आर का हो जाएगा देयर दे वुड बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स ठीक है तो इस तरीके से ही आपको पेपर में भी बेटा जी करके आना है ओके okay? अब चलो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं एस टाइप के मैं और भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगी आप लोग परेशान मत हो आगे आ जाओ विदुशी सेड वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है पर आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप पहले बेसिक रूल को समझ जाओ तो बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर बेटा हम आगे बढ़ते हैं जल्दी-जल्दी जल्दी बताओ जल्दी ओके सी डी सी डी अब देखो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि विदुषी सेड दैट ठीक है यहाँ पे तो दैट लगा ही नहीं ये तो पहली हटा दो सो so, विदुषी सेड दैट वी आपका क्या है फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा जल्दी बताइए जल्दी बताओ दे में बदलेगा दे में ही बदल रखा है यहाँ पे सारा ठीक है अब विदुषी सेड दैट दे अब ये वेंट क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट अगर आप चार्ट देखोगे जो मैंने बनवाया है तो सिंपल पास्ट आपका बदलेगा पास्ट परफेक्ट में राइट right? अब पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है बेटा रूल है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ये जो वेंट है ये हैड गॉन में बदल जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर तो आपको चार्ट याद करना बहुत जरूरी है ठीक है किंग अंसारी बेटा आप ए बोल रहे हैं ये वेंट वेंट में क्यों रहेगा बेटा आप देखो ना रिपोर्टिंग वर्ब अगर आप देखोगे बेटा रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो अभी बताया कि अंदर का टेंस आप चेंज करोगे बट अगर आप बोल रहे हो ए या डी तो यहाँ तो आप टेंस ही नहीं चेंज कर रहे ना तो अगर आप टेंस चेंज ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर बताइए फिर तो आपका आंसर गलत है राइट आपका काम है आप पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखो पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलेगा अब वेंट क्या है आपका सिंपल पास्ट सिंपल पास किस में बदलता है पास परफेक्ट में अकॉर्डिंग टू द चार्ट राइट तो पास परफेक्ट क्या होगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि हैड गॉन इज द करेक्ट आंसर अभी समझ में आया थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा नेक्स्ट देखो नेक्स्ट राहुल सेड आई विल मैनेज हियर आफ्टर राहुल सेड आई विल मैनेज हियर आफ्टर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपको क्या लग रहा है बेटा इसमें क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर राहुल said, "I will manage hereafter." ओके टाइम इज पर देखो विल हमारा वुड में तो बदलेगा ही अपने को पता ही है और आई फर्स्ट पर्सन है राहुल के अकॉर्डिंग बदलेगा ही में ठीक है तो आप देखो कि यहां पर तो विल चेंज नहीं हुआ यहां पर भी नहीं हुआ दोनों ऑप्शन कट गए सो राहुल सेड दैट ही वुड मैनेज हेयर हमारा देर में बदलता है तो यहां पर तो बदला बदला नहीं देर में तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी राहुल सेड दैट ही वुड मैनेज देयर आफ्टर ठीक है नेक्स्ट पे आओ केशव सेड रीटा इज बिजी राइट नाउ केशव सेड रीटा इज बिजी राइट नाउ क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर केशव सेड रीटा इज बिजी राइट नाउ सो केशव सेड रीटा वॉज बिजी केशव इन फॉर्म दैट रीटा वॉज बिजी देन पे आपको पता है जो मैंने आपको एक बड़ा सा टेबल दिया उसमें हमारा नाउ किसमें चेंज होगा देन में और देन में एक ही जगह है जहां पर चेंज हो रखा है यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आगे आओ रवि सेड द कॉन्सर्ट एंडेड येस्टडे रवि सेड द कॉन्सर्ट एंडेड येस्टडे रवि सेड द कॉन्सर्ट एंडेड येस्टडे कल सुबह जो दस बजे क्लास होगी उसमें हम कंप्लीट इंग्लिश करेंगे मैं बार बार ही बोल रही हूँ जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है उनके ऑफिशियल ग्रामर के क्वेश्चंस उनके डायरी बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे क्योंकि हम इन्हें रट नहीं सकते हैं अगर आपको लगे आप डायरी बेस्ड क्वेश्चन रट के चले जाओगे तो आपकी बहुत बड़ी गलत है ठीक है तो डायरी बेस्ड क्वेश्चन डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन आने हैं दो क्वेश्चन के लिए अगर आप अपने चार घंटे वेस्ट कर रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं है दो क्वेश्चन छे छे नंबर के हैं मुझे पता है बारह नंबर टोटल वहां से बन रहे हैं मुझे पता है बट जब बारह नंबर की तैयारी हम लोग बीस मिनट में कर सकते हैं तो हम चार घंटे क्यों वेस्ट करें ठीक है तो जो मेक श्योर sure, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं वो जरूर आपको याद हूं एंड फिर मैं उसका मैजिक दिखाऊंगी कि कैसे आप लोग कल अपने से डायलॉग बेस्ड क्वेश्चंस डायरी बेस्ड क्वेश्चन बना के आ सकते हो कल मैं आपके सामने एक सैम्पल पेपर भी खोलूंगी और आपके टॉपर की आंसर शीट भी होगी मतलब कल की क्लास आप लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो मिस करना कल की क्लास में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होगा कि खाली ग्रामर हो या हो रहा है या खाली राइटिंग कल की क्लास में सब होगा मतलब जैसे हिंदी की ली थी ना आपकी क्लास के एक बारी सब करा दिया आपको बिल्कुल वैसे ही एक बारी मैं आपको सब कराने वाली हूँ सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ रीडिंग की सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ राइटिंग की बताने वाली हूँ ग्रामर की बताने वाली हूँ कि सीबीएसई ने क्या करा टॉपर ने क्या करा कैसे तुम्हें कर कर आना है ठीक है तो एक एक चीज आपको कल पता चलने वाली है कल एकदम फाइनल रिविजन है हमारा तो कल की क्लास सुबह दस बजे की किसी भी कीमत पर आप लोग मिस मत करना ठीक है कल स्पेसिफिक चीजें पढ़कर कोई फायदा नहीं है कि आप खाली फुटप्रिंट्स पढ़ रहे हो आप खाली फर्स्ट फ्लाइट पढ़ रहे हो आप खाली ग्रामर पढ़ रहे हो कुछ भी ऐसा फायदा नहीं है कल कंप्लीट रिवीजन का दिन है और पूरे स्ट्रक्चर वाइज मैंने क्लास को प्लान करा है तो कल की क्लास में जरूर आना सुबह दस बजे हमारी क्लास है इवेंट चैनल पर ऑलरेडी लाइव कर दिया है ठीक है so यहां पे क्या, होगा, मुझे ये बताओ, का क्या हो जाएगा है ना पास्ट परफेक्ट लग जाएगा क्योंकि अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट लगाएंगे ठीक है भाई और येडे प्रीवियस डे में बदल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आइए ही सेड अस हैव डिनर हेयर ही सेड अस हैव डिनर हेयर यस यस ऑल दी योर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने निकाल के दिए मैं वही कराने वाली हूं ठीक है तो मैं आपको कोई रैंडम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराना चाहती थी ना मैं कराना चाहती हूँ लास्ट ईयर भी अगर आप क्लासेस देखोगे तो मैंने बच्चों को पीडीएफ से ही सीबीएसई की पीडीएफ से ही क्वेश्चंस करा के भेजा है ताकि आपको लेवल भी पता चले वो किस लेवल पे क्वेश्चंस आपको देगा उससे कमी लेवल पे देगा राइट तो मैं कल आपको सारा मैंने क्या बोला कंप्लीट इंग्लिश मतलब क्या होता है

लेटर्स हटा के हम क्या लगा सकते हैं लेटर्स हटा कर हम लोग क्या लगा सकते हैं जल्दी बताओ अब देखो हैव हमारा हैड में बदलता है इस बात का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो हैव हैड में बदलेगा ना अगर हैव हैड में बदलेगा तो ये कैसे होगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे आओ द टीचर चलो चलो से और क्वेश्चन कर लो दो तीन फिर डिटर्मिनल्स की ट्रिक्स बता रही हूँ ठीक है वो दिमाग में रखना फिर मैं क्लास को एंड कर रही हूँ तो मुश्किल से क्लास और आधे घंटे की है इससे ज्यादा की नहीं है ठीक है इससे ज्यादा की नहीं है आधा घंटा और The the teacher said, टीचर सेट द विंडल एनर्जी सोर्स द करेक्ट आंसर इज अब यहाँ पर तो हम इसका टेंस नहीं बदल सकते डिस्पाइट के हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में तो हम क्या करेंगे द टीचर सेट द विंड renewable एनर्जी सोर्स द टीचर टोल्ड नहीं होगा टेल्स नहीं होगा वॉज नहीं होगा सो so, बी हो गया ऑटोमेटिकली हमारा करेक्ट आंसर ठीक है बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट डेविड सेट कैन वी गो टुमारो? डेविड सेट कैन वी गो टुमारो? डेविड सेट कैन वी गो टुमारो? All right. so, पर देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा पूछ है तो भाई हम इसे में कर देंगे right? so, David said वाला तो कट जाएगा यहां पे फॉलोइंग डे सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया एक बार ही बता दो मुझे इन द कमेंट सेक्शन थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है या थोड़ा भी नहीं आ पा रहा है जल्दी बताओ थोड़ा तो आ रहा होगा यार चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर डिटर्मिनर्स करेंगे ही सेड आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटोर ही सेड आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटोर He said, "I have been a great mentor." क्या होगा करेक्ट आंसर? he 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 said said that 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 had been been a a a a great 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 mentor 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 was was exclaimed has menti quiz होंगे में, में हो बार क्वेश्चन ही होंगे आपके जिसमें थोड़ा कंपिटेटिव स्पिरिट भी आएगी थोड़ा मजा भी आएगा थोड़ा पेपर की प्रैक्टिस कर करके दिमाग खराब हो गया तो थोड़ा सा मजा भी आएगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में So, शाम में सात बजे हमारा मेंटी क्विज है जो मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूंगी और आपको टेलीग्राम पर भी भेज दूंगी ठीक है चलिए so, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ही सेट दैट आई हैड में मेंटोर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर एवरी वन एरर करेक्शन में सौ बार बता चुकी हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया आ गया तो एरर करेक्शन आपको डेफिनेटली आ गया बट उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं मैं आपको कराऊंगी। कराऊंगी में आपको उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग बिल्कुल भी फिकर मत करो आप लोग कल की क्लास में आओ तो सही आज शाम के क्वेश्चन वाली क्लास में भी एरर करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और कल की क्लास में तो ऑलरेडी जो पिछले दस साल की आपकी ग्रामर है ना पिछले टेन इयर्स की जो ग्रामर है आपकी उन सबसे क्वेश्चन है ऐसे पी बना के लाऊंगी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी एटीन ठीक है इस तरीके से पीडीएफ खोलकर हम लोग ग्रामर की प्रैक्टिस करने वाले हैं इस तरीके से पीडीएफ खोलकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ बताओ इससे ज्यादा और क्या चाहिए और कुछ चाहिए इससे ज्यादा आपको इस तरीके से मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि भाई ये देख तेरी 2023 की पीडीएफ है इसमें से ये है इसमें ये है इसमें ये है इसमें ये है ये तेरी सीबीएसई की पीडीएफ है इसमें ऐसे क्वेश्चन है ये है वो है तो अब सारी की सारी चीजें आपको कल में कराने वाली हूँ दोबारा से अभी तक मैंने जितना आपको टेलीग्राम पे दिया उतना कर लो ठीक है उसी में आपकी कॉम्पिटेंसी डायलॉग डायरी एरर करेक्शन एवरीथिंग इज गोना बी देयर चलो सो अब नाउ कमिंग टू योर लास्ट टॉपिक दैट इज डिटर्मिन आईल जस्ट टेल यू दी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको दिमाग में रखनी है डिटर्मिन को लेकर आई यू वाइज रेडी कैन आई गेट ए यस मैम इन द कॉमेंट सेक्शन ओके वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है बट हम इसको बहुत बड़े तरीके से नहीं पढ़ेंगे हम इसको उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे ये पेपर में आएगा जितना ज़रूरी है लास्ट टाइम पर आपका दिमाग और ज्यादा परेशान हम लोग नहीं करेंगे ठीक है एक बच्चा बोल रहा है मेरा पेपर लिख दो बेटा अगर ये मेरी पावर में होता तो मैं कर देती बट आई डोंट थिंक सी बी एस ऐसा अभी तक अलाउ कर रहा है आई डोंट थिंक दे आर अलाउइंग दिस कि मैं आपको पेपर लिख दूँ जाके <laughs> ठीक है चलो सो so, डिटर्मिनर होता क्या है ये तो आप सभी को पता होगा मैं मान के चल रही हूँ नहीं पता तो बता दू ठीक है जो नाउन से पहले आता है बिगिनिंग ऑफ द नाउन फ्रेज में जो वर्ड आता है हमें बताने की कोशिश करता है कि हम लोग कौन सी चीज या कौन से लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है सो डिटर्मिनर इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट विच थिंगस और पीपल आर वी टॉकिंग अबाउट कि हम लोग कौन सी चीज या कौन से लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ये हमें डिटर्मिनर बताता है ठीक है ये हमें टाइम मैनेजमेंट पे अभी एक वीडियो आ रहा है चैनल पे आज ही एक वीडियो आ रहा है लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी करके लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश मैनेज योर टाइम इन सब चीजों पर आपका वीडियो आ रहा है आज तो दिक्कत मतलब पांच से सात मिनट का वीडियो है ठीक है माय मदर इज प्राउड ऑफ यू हाउ स्वीट थैंक यू चलो सो यहाँ पर यार सबसे पहले आप लोग इस बात को समझो कि ए एन तो आपको पता ही है कहां लगता है द कहा पे लगता है ठीक है द कहा पे लगता है ये द आपको एरर करेक्शन में भी काम आएगा तो बहुत सारे बच्चे द का गलत इस्तेमाल कर देते हैं ठीक है द की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है फिर वो बोलता है माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ ऐसे बोलता है वो तो यहाँ पर आई टेल यू पर आपको द को लगाना है कहाँ पर आपको द को नहीं लगाना है ठीक तो ध्यान से सुनो सबसे पहले तो यार आप द को तब लगाओगे जब आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो मान लो कोई चोरी हुई हमने उस चोर के बारे में बात करी और अब हम दोबारा से उसी चोर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं द लगाऊंगी जनरली सारे लोग आपको ये बता के छोड़ देते हैं कि स्पेसिफिक है तो आप द लगाओगे बट ऐसा नहीं है द में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है तो अब आप मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक लिस्ट बना लो फटाफट से कॉपी पेन निकाल लो और मुझे डन लिख दो अगर कॉपी पेन आपके सामने है तो ठीक है तो आप लोग जब लिस्ट बना लोगे द कहाँ पे लगाना है तो बहुत आसानी से लगा कर आ पाओगे तो सबसे पहले हम लोग द लगाते हैं टू रेफर टू समथिंग विच इज ऑलरेडी बीन मेंशन जिसके बारे में हम लोग पहले से ही बात कर चुके हैं ठीक है तब हम द लगाते हैं कि भाई जहाँ पे हम लोग क्या कर चुके हैं पहले से ही बात कर चुके हैं जिसके बारे में हम लोग वहां पर हम लोग द लगाते हैं मान लो मैंने आपको एक बिल्ली के बारे में बताया कि बच्चों मेरे घर के पास एक बिल्ली है तो जब मैंने आपको पहली बार बताया बिल्ली के बारे में

एक आदमी ने हजार डॉलर बैंक से चुरा लिए ये एक न्यूज हमारे तक आ गई अब हम क्या कर रहे हैं अब हम इसी चोर के बारे में दोबारा से बात कर रहे हैं ठीक है हम क्या बोल रहे हैं द थीफ बीन कॉट येट कि वो जो चोर है ना वो अभी तक पकड़ा नहीं गया तो यहाँ पे द थीफ लगाने से हमारे पास स्पेसिफिक हो गया कि हम लोग किस चोर की बात कर रहे हैं एम आई क्लियर द थीफ लगाया कब जब एक बार हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं नेक्स्ट चीज देखो क्या है जहां पर आप लोग एक पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो वहां पर भी आप लोग लगाते हो फॉर एग्जाम्पल द मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस समझ रहे हो कि हम लोग स्पेसिफिक बोल रहे हैं कि वो आदमी जिसने ये बुक बनाई तो स्पेसिफिक आदमी हो गया ना ऐसी में बोल रही हूँ कि वो रेड कार जो बाहर है वो छोटा घर जिसका ब्लू डोर है या ये तो वही डॉक्टर है जिससे मैं मिलने आई हूं तो जब हम स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करते हैं तो भी हम लोग द लगाते हैं ही इज द डॉक्टर आई केम टू सी द डॉक्टर मतलब स्पेसिफिकली ये वही डॉक्टर है जिससे कि मैं मिलने आई हूं क्लियर हो गया ऐसे में बोलू आई लिव

ठीक है गुड बेटर बेस्ट तो जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव है ठीक है ऐसे ही अगर मैं बोलू बैड वर्स वर्स्ट वर्स्ट इज सुपरलेटिव तो जो सुपरलेटिव डिग्री है उनके साथ आप द लगाओगे साथ ही साथ ऑर्डिनल नंबर अब ऑर्डिनल नंबर क्या होता है क्या होता है ऑर्डिनल नंबर एक तो होता है वन टू थ्री फोर वो तो कार्डिनल हो गया एक होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वो होता है ऑर्डिनल तो इनके साथ आप द लगाते हो ठीक है जैसे कि तो ये ये याद रखना, एरर करेक्शन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बहुत ही कॉमन है कि सुपरलेटिव और ऑर्डिनल नंबर के साथ आपको द लगाना ही लगाना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई ग्रुप है जैसे हमने सब्जेक्ट एग्रीमेंट में भी पढ़ा कि अगर आप किसी एक वर्ड से सबको रेफर कर रहे हो तो आप उसके साथ द लगाओगे जैसे कि द फ्रेंच द एल्डरली है ना द पुअर मतलब आप क्या कर रहे हो इनको एक वर्ड से इनकी पूरी कम्युनिटी को रेफर कर रहे हो जैसे द ब्लैक्स नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में द ब्लैक्स आप ब्लैक बोलकर उसकी पूरी कम्युनिटी को रेफर कर रहे हो तो आप इसके साथ भी द लगाओगे द पुअर बोला तो मतलब मैंने पुअर बोल के सारी कम्युनिटी को रेफर कर दिया जितने भी गरीब है द एल्डरली बोल के मैंने पूरी एल्डरली कम्युनिटी को रेफर कर दिया जितने भी लोग बड़े बुजुर्ग हैं क्लियर द दान्यम इतना समझ में आया ठीक है हां जी ऑल राइट right. नेक्स्ट आ जाओ अब द आप डेकेट्स के साथ भी लगाते हो ठीक है जैसे कि डेकेट्स क्या होती है सदियाँ जैसे कि सेवेंटीज हो गया नाइनटीज़ हो गया मम्मी बोलती है ना नाइनटीज़ का जमाना कुछ और था राइट right, ऐसी आपका एटीन ट्वेंटीज हो गया सेवनटीन ट्वेंटीज हो गया नाइनटीन फोर्टीज हो गया इस तरीके से भी आप इन सबके साथ भी क्या लगाते हो द लगाते हो क्या लगाते हो द आपको ये याद तो नहीं होगा बट आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आपके सामने आएगा ना तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा अगर आप सुन रहे हो तो आप ये मत कोशिश करो कि यार मैं इसको रट लेता हूँ या मैं इसको रट लेती हूँ नहीं आप ऐसी कोई कोशिश करिए ही मत ठीक है आप इसको बस ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि जब आप आपने क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने सुना था और मुझे आता है ये रटने की जरूरत नहीं है ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है Clauses के साथ आता है अगर ओनली लगा हो जैसे दिस इज सनशाइन ऑल वीक तो ओनली डे के साथ हमने द लगाया बिकॉज ओनली का मतलब क्या है इकलौता कह रहे यही इकलौता दिन है राइट ऐसे यू आर द ओनली पर्सन ही विल तुम ही एक लौते हो जिसको वो सुनेगा ओनली टी आई लाइक ब्लैक टी जो मुझे पसंद है वो ब्लैक टी है सो so, इन सब के साथ भी आपको द लगाना पड़ता है ठीक है बच्चे चलिए नेक्स्ट आ जाओ यूज द geographical areas, रिवर माउंटेन रेंजेस ग्रुप ऑफ islands, canals एंड ocean. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे माउंट एवरेस्ट के साथ भी द लगाते हैं कौन कौन किस किस ने ऐसी गलती करी है एक बारी बताना कभी ऐसा हुआ है कि तुमने माउंट एवरेस्ट के साथ द लगा दिया हो अभी ऐसा हुआ है कि माउंट एवरेस्ट के साथ आपने द लगा दिया हो एक बच्चा बोल रहा है एक ही नंबर का तो आ रहा है इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो एरर करेक्शन में भी आ रहा है ये और एरर करेक्शन एक नंबर का नहीं आ रहा है एरर करेक्शन के तीन क्वेश्चन है आपके पेपर में और एक डिटर्मिन पे अलग से क्वेश्चन है तो तो टोटल चार क्वेश्चन है इस टॉपिक से मुझे तो लगता है मुझसे गलती हो जाती है बच्चों को के। मेरे को मेरे वो पंद्रह पंद्रह मिनट वाली वीडियो डाल देनी चाहिए जिसपे तुक्का बता दू मैं तुक्के से कराओ एमसीक्यू में जो तीसरा होगा ना वही सही होगा यही होगा ठीक है So, पर द आपको नेम्स याद रखो जो नेम्स है ना जो नाम है जो नाम है उनके साथ द लगाना है किसका नाम ग्रुप जो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है उनके साथ माउंट एवरेस्ट इकलौता अलग है उसके साथ द नहीं आएगा ग्रुप ऑफ माउंटेन्स अगर कोई है तो उसके साथ जैसे द रॉकी माउंटेन्स ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है तो उसके साथ आपको द लगाना है समझ में आया उसके साथ आपको द लगाना है क्लियर एवरी वन चलो सो आई होप के इतना आपको क्लियर है ये एक और चीज है जो याद रखो कि जिन कंट्री का नाम प्लूरल होता है ना उनके साथ भी आप द लगाते हो तो एरर करेक्शन में बहुत बार ये वाली चीज देखी गई है बच्चों को पता नहीं होता तो जिन भी कंट्री का नाम प्लूरल है ठीक है उनके साथ आप क्या करोगे द लगाओगे टू हंड्रेड परसेंट लगाओगे ऑल्सो जिन कंट्रीज के नाम में रिपब्लिक स्टेट्स और किंगडम आता है उनके साथ भी द लगेगा जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स द यूनाइटेड किंगडम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ठीक है तो आप लोग क्या करोगे द लगाओगे जिन भी कंट्रीज के नाम के साथ रिपब्लिक या फिर तो बेटा जी किंगडम या फिर स्टेट्स आता है ठीक है गॉट इट आई होप दिस इज क्लियर लास्ट बट नॉट द लीस्ट द आप लोग न्यूज़पेपर के नाम के साथ भी लगाते हो जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया द सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट दे दी है जो कि मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगी जो आपको केवल रीड करनी है कि द कहां पर नहीं लगाना तो मैंने सारी जगह लिख दिया जैसे माउंट एवरेस्ट है इसके आगे द नहीं लगेगा ठीक है तो इससे क्या होगा कि आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि द कहां पर लगाना है और द कहां पर नहीं लगाना इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपन सीधा उस पे चलते हैं और ठीक तो है तो बच्चे हो जाते हैं सम और एनी कहा लगाना चाहिए अब देखो आप लोग ये देख लो कि सम आपका एफरमेटिव सेंटेंस में लगेगा और एनी आपका नेगेटिव और क्वेश्चन में लगेगा ठीक है सौ बात की एक बात डिफरेंस समझ लो सम और एनी के बीच में मोटा मोटा डिफरेंस समझ लो क्योंकि डिटेल में तो आप बच्चों को पढ़ना ही नहीं है तो इसलिए आप लोग मोटा मोटा डिफरेंस समझ लीजिए सम आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगेगा ठीक है और एनी आपका नेगेटिव और क्वेश्चंस में लगेगा ये आप अपने दिमाग में रख लो ठीक है फॉर एग्जाम्पल देर आर सम पोस्ट कार्ड इन माइ बैग देर आर सम स्टूडेंट इन क्लास देर आर मिस्टेक्स बट वहीं पर अगर आपको नेगेटिव या कुछ क्वेश्चन रिलेटेड बात करनी है तो आप लोग क्या बोलोगे देर तो अरेंट एनी पीपल ऑन द मून ठीक है तो अरेट मतलब आर नॉट जहां नॉट आ गया मतलब वो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आप नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ और क्वेश्चंस के साथ एनी लगाओगे क्लियर एवरी वन बोलना तो मैं आपको बहुत कुछ चाहती हूं मम्मी नहीं आपकी घर पे हैं? अपनी मम्मी को क्या मर्द बना के रखते हो क्या घर पे बड़े कैसे हुए हो मम्मी नहीं है आपके घर पे मम्मी बहन दादी नानी कोई तो फीमेल कैटेगरी के घर के खानदान के हो गए तुम या सीधा मेल्स कैटेगरी से ही हो चलिए सो so, ठीक है नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। इन दोनों में क्या करना है एनी लगाना है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वो भी बता देती हूँ अगर कोई बोले आर देयर एनी डॉक्टर्स इन योर फैमिली अब आपको सम और एनी कहा लगाना है मैं आपको बता देती हूं ठीक है ओके आर there एनी डॉक्टर्स इन योर फैमिली तो अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है आप बोलोगे देर आर डॉक्टर्स इन माई फैमिली अगर आपको नेगेटिव बोलना है तो आप बोलोगे देर आर नॉट एनी डॉक्टर्स इन माई फैमिली क्लियर तो यहाँ पर आप देखो इंटेरोगेटिव था तब भी हमने एनी लगाया नेगेटिव था तब भी एनी और पॉजिटिव है तो सम तो अगर आपके चॉइस हो सम और एनी में तो ध्यान रखना सम पॉजिटिव और एनी आपका नेगेटिव में लगेगा और इंटेरोगेटिव में लगेगा ठीक है जी चलो अब आगे चलते हैं आगे 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 और क्या है आपका मच और मैनी ठीक है सो अब मैनी और मच कहां लगाना है ये तो सभी बच्चों को पता होता है बट नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूं मच आपका लगता है सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ ठीक है कहा लगता है मच सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ और मैनी लगता है आपका प्लूरल और काउंटेबल के साथ ठीक है गॉट इट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं जैसे कि शुगर इसे हम काउंट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इसलिए हमने मच लगाया है ठीक है बट मैनी क्या है एक तरीके से हमारा बोलना है कि हाँ भाई बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे लोग नहीं है बट अगर हम चाहें हम उन्हें काउंट भी कर सकते हैं राइट right? तो एक बात की सौ बात आपको याद रखनी है कि जो मैनी है वो प्लूरल और काउंटेबल के साथ लगता है आप काउंट कर सकते हो अगर आप चाहो बट जो मच है वो आपका अनकाउंटेबल के साथ लगता है आप काउंट नहीं कर सकते ठीक है आप उसको काउंट नहीं कर सकते गॉट इट क्लियर चलो अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है अ फ्यू और अ लिटिल में बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है तो मैं आपको बता देती हूं सबसे पहले देखो अ फ्यू कहां लगाना है फ्यू कहां लगाना है और द फ्यू कहां लगाना है नीचे ही लिख दूंगी अभी आप इसी को समझो ठीक है अब सबसे पहले समझो कि जो अफ्यू है ना वो स्मॉल क्वांटिटी को दर्शाता है दोनों ही अफ्यू और फ्यू स्मॉल क्वांटिटी को दर्शाते हैं ठीक है बट आपको आपको यार सुन लो यार बेटा शुगर को आप तोल सकते हो आप उसको काउंट नहीं कर सकते वन शुगर टू शुगर थ्री शुगर ये नहीं कर सकते आप है ना आप उसको तोल सकते हो एज अ होली तो तोलोगे अब उसका एक दाना थोड़ी रखोगे आप right? राइट राइट right? सावेश तान्या मैम अरे मैं तो बेटा क्या क्या कर सकती हूं ना पता कल टेलीग्राम पे इतना फालतू बोल रहे थे मैंने चार ट्रॉलर्स को कॉल किया टेलीग्राम पे उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरा फोन उठा लें उनमें से एक लड़की बोलती हाँ मैं तो ना किसी का फोन ही नहीं उठाती हूँ अरे बहन तो जब आप अपना मुंह नहीं चला सकती हो तो अपनी उंगलियां क्यों चला रही हो फोन पे जब आप अपना फोन नहीं उठा सकती हो तो प्लीज लिखिए भी मत। आई बड़ी मैं तो फोन नहीं उठाती हूँ हद भाई मेरा तो मैं तो केस वेस भी कर चुकी हूँ लोगों पर फिर उनके पेरेंट्स आते हैं मैं जब डाउटनेट में थी तो मैं मैं बहुत इन्हें पता नहीं है मैं क्या चीज़ हूँ भाई मेरे से इग्नोर नहीं होता मैं तो केस कर देती हूँ इन पे फिर पेरेंट्स आते हैं कि अरे मैम प्लीज सॉरी मैम हमारा बेटा तो इतना सीधा है मैंने कहा अरे बंद कमरे में आपका बेटा क्या लिख रहा है वो तो देखिए आप इसको इंडिया में सेक्स एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ना मैं बता रही हूँ इन बेचारों को बोल के ही खुशी मिल जाती है अरे भैया क्या तुम्हारी मम्मियाँ भी तो हैं घर पे उनसे पहले सीख कर आओ वो तुम्हें बेस्ट समझाएंगी फिर आकर दूसरी लड़कियों से डील करना आपकी मम्मियों ने आपको कुछ सिखाया ही नहीं है बेसिक बचपन में बॉडी पार्ट्स के बारे में सिखाया जाता है लोगों को बचपन में साइंस की किताब में बचपन में बताया जाता है फिर भी इतने खुश हो, हाँ, पागल हो के साइको? चलो ऑफ़ यू और अ लिटिल के बारे में समझो क्या होता है अब अफ यू होता है स्मॉल क्वांटिटी ठीक है अफ यू है स्मॉल क्वांटिटी और फ्यू फ्यू अगेन इंप्लाई करता है कोई कम क्वांटिटी की चीज जो इनफ नहीं है तो मैम हमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा? कब लगाएंगे और फ्यू कब लगाएंगे हमें कैसे पता होगा देखो जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तब आप अ फ्यू लगाओगे ध्यान देना पॉजिटिव स्टेटमेंट और फ्यू आप लगाओगे नेगेटिव स्टेटमेंट में कहा लगाओगे नेगेटिव स्टेटमेंट में फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स इन टाउन एंड वी अ वेरी गुड टाइम टूगेदर के भाई मेरे तो ना क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है मेरे पास कमी है बट हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट तो हमने अ फ्यू लगाया अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है यार मेरे पास तो दोस्ती कम है मैं कहाँ जाऊं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स तो फिर आप फ्यू लगाओगे नेगेटिव स्टेटमेंट में तो आपको भाव समझना है आपको क्या समझना है इमोशन समझना है सेंटेंस का इफ योर सेंटेंस इज पॉजिटिव तो आप लोग फ्यू लगाओगे अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप खाली फ्यू लगाओगे समझ में आ गया गाइस प्लीज बता दो समझ में आ गया सबको बेटा नॉलेज बूस्टर मेरे भी घर पे पेरेंट्स बैठे हैं फिर आप अपने सहपाठियों को भी बोलो कि वो मुझे क्या बोल रहे हैं और मैंने कुछ गलत नहीं बोला मैंने कुछ गलत बोला क्या गाइस आप लोग बताओ मैंने कुछ गलत बोला सारी लड़कियां रिलेट कर पा रही हैं इसे हरासमेंट बोलते हैं पता है आपको टीचर्स इग्नोर कर देते हैं बट दिस इज ऑनलाइन हरासमेंट जो आप लोग करते हो यहाँ पर आकर और मैं चाहूं तो मैं इस पे केस कर सकती हूं और ऐसा नहीं है कि आप अपनी आईडी डिलीट कर दोगे तो आप लोग मिल नहीं पाओगे आप आपको पता नहीं है अभी टेक्नोलॉजी कहाँ चला गया है गुड़गांव में तो स्पेसिफिकली साइबर क्राइम के लिए ही और वुमेन के लिए एक पुलिस थाना खोला गया है so, सो अगर मेरा दिमाग खराब हुआ आई कैन टेक माई कार आई कैन गो एंड आई कैन कंप्लेन और शायद कल का एग्जाम भी ना दो तुम और सॉरी वॉरी मैं नहीं सुनूंगी फिर किसी की भाड़ में जाए मेरी वाला से ठीक है तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला यार अगर कोई आकर मेरे को हेरास कर रहा है गलत बोल रहा है गलत कमेंट कर रहा है ऑन मी देन यू शुड गो एंड यू शुड टेक प्रॉपर नॉलेज फ्रॉम योर पेरेंट्स दे विल टेल यू दे विल टेल यू दे विल मेक यू लर्न अबाउट वेरियस ऑर्गन्स अबाउट बॉडी अबाउट मेल एंड अबाउट फीमेल आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट आई स्टैंड बाय इट अगर आपके पेरेंट्स देखते हैं तो मेरे पेरेंट्स भी ये क्लास देखते हैं मेरे पेरेंट्स को भी बुरा लगता है और मैं यहाँ पर कोई फालतू में किसी का लेकर सुनने नहीं आई हूं यहाँ पर मैं हूँ ऐसी बोल्ड लड़की मैं तो बोल देती हूँ भाई और मेरा बस चला तो मैं तो घर से उठा उठा के मार मार के खदेड़ के जेल में भी डलवा दूंगी मुझे नहीं फर्क पड़ता तेरह साल का बच्चा है कि चौदह साल का बच्चा है ठीक है चलो आगे आ जाओ लिटिल देखो अ लिटिल होता है अगेन अगेन इसमें सेम अप्लाई होगा यहाँ पर जो मैंने बताया a few मतलब positive, few मतलब negative. Similarly, a few आप लगाओगे, a little लगाओगे positive statement में और खाली लिटिल लगाओगे नेगेटिव स्टेटमेंट में फॉर एग्जाम्पल वी अ लिटिल मिल्क ठीक है वी हैव लिटिल मिल्क यानी कि हमारे पास क्या है जो दूध है वो कम है तो हम केक क्या करेंगे हम केक बना सकते हैं ठीक है लेट्स मेक अ केक तो यहां पर हमने अ लिटिल क्यू लगाया क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि केक बन सकता है अगर हम खाली लगाएंगे लिटिल लिटिल खाली लगाएंगे little, मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव है वी कांट मेक अ केक तो यहां पर आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है इफ योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव यू विल यूज अ लिटिल इफ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव यू विल यूज खाली लिटिल और द लिटिल हम लोग कब लगाते हैं द कब लगेगा जब स्टेटमेंट में ऐसी बात हो रही हो कि जितना था वो भी खत्म हो गया ठीक है सो वी द लिटिल मिल्क वी हैड तो मतलब जितना दूध था आपके पास केक बनाने के लिए आपने वो भी खत्म कर दिया तो लिमिटेड था और अब वो भी नहीं है तो उस केस में आप द लगाते हो क्लियर एवरी वन ठीक है? गॉट इट चलो सो so, यहां पर एक और एग्जाम्पल देख लो लिखा है लेट्स गो एंड है लिटिल टाइम बिफोर द ट्रेन लीव तो go and हैव अ ड्रिंक इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट बट जब मैं बोलूंगी लिटिल टाइम मतलब वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा कि इतना टाइम नहीं है कि वी कैन गो एंड हैव अ ड्रिंक ठीक है अगर अगर आप बोलोगे, a little, मतलब आप 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 बोलोगे मतलब मतलब थोड़ी बोल 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 सकते हो positive. But अगर आप बोल रहे हो हो रहे रहे खाली कि कि ये में आपकी कॉफी में शुगर कम है कुड आई लिटिल है दैट इज योर नेगेटिव स्टेटमेंट जहां पर भी लिटिल है दैट इज योर पॉजिटिव स्टेटमेंट गॉट इट चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अ लॉट ऑफ सबको पता है इसमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यस आई गेस इतना अगर आप कर लेते हो तो डिटरमिनर्स आर गुड टू गो अगर और किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो फिर हम लोग हैंड टू हैंड अपना कर लेंगे ठीक है सो अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ वरना फिर रैप अप करते हैं इनफ फॉर टुडे हाँ जी ठीक है तो हम लोगों ने आज की क्लास में सारे ग्रामर के टॉपिक करे हमने समझा क्वेश्चन समझा क्वेश्चन करे क्वेश्चन करे मॉडल्स के हमने कुछ क्वेश्चन करें मेन चीजों को समझा जिसमें से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जनरली वाला जो आर्टिकल्स वाला पार्ट है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आता है तो वो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करी कि आपको किस तरीके से उसको करके आना है क्लियर एवरी वन हांजी गोट एट हाँ तो अब 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 हम करेंगे अब हम करेंगे शाम में सात बजे शुभम पाठक मैम की क्लास में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग मेंटी क्विज को करने वाले हैं ठीक है उसमें हम लोग मेंटी क्विज को करेंगे एंड यस uh, yes. और फिर हमारी क्लास होगी कल अभी आपको चैनल पर एक स्ट्रैटेजी वीडियो और एक सैम्पल पेपर मिलने वाला है आज के लिए ऑन माई चैनल एंड उसके बाद आपको uh, कल मैं मिलूंगी जिसमें मैं आपको पूरा ग्रामर कराने वाली हूँ ठीक है ओ पूरा इंग्लिश कराने वाली हूं तो आपका जितना भी बचा है कॉम्पिटेंसी हो गया या जो भी हो गया वो आपको इस क्लास में कल मिलने वाला है ठीक आपको सारी की सारी सी ऑफिशियल क्वेश्चन कल इस क्लास में मिलने वाले हैं फुल रिविजन आपको इस क्लास में मिलने वाला है और कल आई एम सॉरी मैं कॉमेंट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली हूँ सो आई विल जस्ट फोकस ऑन माई टीचिंग बिकॉज लिटरली सम पीपल आर सो डिजगस्टिंग और फिर मतलब पता नहीं मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है ठीक है गूगल मीट यार मेरे को अभी एक दो रिकॉर्डिंग करनी है उसके बाद में लिंक भेज दूंगी इतने तुम लोग पढ़ाई कर लो रेस्ट कर लो एंड फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगी एंड वी कैन कनेक्ट ठीक है चलो ठीक है ठीक है ठीक है सात बजे क्या होने वाला है सात बजे होने वाला है मैंने कभी नहीं देखा कि तुम लोगों ने किसी मेल टीचर की क्लास में जाकर गंदी गंदी चीजें लिखी हो इतना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कर दिया है तुम लोगों लोगों ने कि तुमने कभी भी किसी मेल आ, लोगों के जाकर ऑलवेज यू यू फीमेल टीचर्स डू डू दैट क्योंकि फीमेल इग्नोर कर देती हैं और तुम्हें बोलकर अपना मेंटल ईगो सेटिस्फाई करना होता है मैं तो इग्नोर नहीं करूंगी मैं सच बता रही हूँ मेरा थोड़ा सा भी दिमाग ख़राब हुआ ना मैं सारी अपनी लाइफ चैट की हिस्ट्री निकलवाऊंगी ठीक है और उसके बाद मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी और उसके बाद पुलिस की भी नाक में दम कर दूंगी जब तक वो बच्चे को बाल से पकड़ के मेरे आगे नहीं लेकर आएंगे और उसके बाद मैं नहीं बख्शूंगी एक तो उसका पूरा पूरा करियर खा जाऊंगी और पूरा उसको मतलब आई इल डिस्ट्रॉय इज़ फ्यूचर और ये मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ ठीक है क्योंकि अगर वो मेरी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय कर करा इल डिस्ट्रॉय इज़ फ्यूचर कोई बोर्ड का पेपर नहीं देगा कोई कुछ नहीं देगा घर पे बैठेगा अपने जेल में बैठेगा एक तो मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहा है उसका उस पे वो लगेगा ऊपर से मेरे कॉन्स्टेंटली हैरेस कर रहा है, है उसका भी लगेगा खत्म और चाहे अपना यूजर नेम बदल ले चाहे कुछ कर ले मैं चलो सो दट इट थैंक यू सो मच आई विल सी यूज इन द इवनिंग एट सेवन पी एम बाय बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गूगल मीट थोड़ी सी देर में होगा मैं टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगी थैंक यू